करीब डेढ़ सौ करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी निर्माता निर्देशक अभिनेता की बहुचर्चित फिल्म सिवाय अजय देवगन के दिल के बेहद करीब है पिछले साल अजय देवगन ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था इस दौरान उन्होंने दो नई फिल्मों की शूटिंग इसलिए शुरू नहीं की ताकि वह इस फिल्म को अपना सौ फीसदी दे सके अजय के मुताबिक बचपन से वह भगवान शिव के ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं और यही वजह है कि उन्होंने इस फिल्म को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इस फिल्म को बुल्गारिया की ऐसी उस दुर्गम बर, बर्फीली लोकेशंस में फिल्माया गया है जहां अक्सर वहां के मेकर भी जाने से कतराते हैं फिल्म में एक सीन के लिए अजय ने देश विदेश के करीब 2000 से ज़्यादा अलग अलग, अलग खिलौनों का इस्तेमाल किया तो फिल्म के उनके अपोजिट नज़र आई पोलिश एक्ट्रेस एरिका कार जिनके साथ फिल्म शुरू होने से करीब दो महीने पहले हिंदी सीखने के लिए हर रोज़ दो घंटे तक हिंदी में डायलॉग ड्रिवरी को लेकर वर्कशॉप की थी अजय इस फिल्म को कनाडा में शूट करना चाहते थे लेकिन अजय कनाडा में फिल्म के पहले शूटिंग के लिए पहुंचे तो अगले कई दिन तक वहां जमकर बर्फबारी हुई जिसका असर फिल्म के बजट पर पड़ा आखिरकार अजय ने फिल्म को बुल्गारिया में शूट किया यकीनन अजय ने बतौर निर्माता निर्देशक अपनी ओर से इस प्रोजेक्ट पर जमकर मेहनत की है लेकिन वही अगर बात और डायरेक्टर फिल्म पर उनकी पकड़ की बात की जाए तो करीब पौने तीन घंटे की इस फिल्म पर उनकी कसी हुई पकड़ नज़र नहीं आती यही वजह है कि उत्तराखंड में बर्फीले पहाड़ों के बीच बसें एक छोटे से गाँव से शुरू हुई सिवाय की शुरुआती रफ़्तार बेहद धीमी है तो वही अजय देवगन और एरिका कार की लव केमिस्ट्री का एंगल भी बेहद कमज़ोर है इंटरल के बाद पिता पुत्री के रिश्ते पर फोकस करते सिवाय टोटली एक्शन थ्रिलर फिल्म में बदल जाती है जहां हर दूसरे सीन में जमकर मारकाट और लाशों का ढेर नजर आता है इमोशन और एक्शन का ऐसा संगम भी कुछ अजीब लगता है पहले सीन में चारों ओर बर्फ़ से ढके पहाड़ों के बीच लाशों के साथ बुरी तरह से घायल सिवाय नजर आते हैं सिवाय के पास एक ही गुड़िया का खिलौना नजर आता है यही से फिल्म की कहानी करीब नौ साल पीछे फ्लैशबैक में पहुंचती है सिवाय उत्तराखंड में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बस एक गांव में रहता है और यही अपना हो संभाला है सिवाय यहां इंडियन आर्मी के लिए भी अक्सर मुश्किल वक्त में मदद करने का काम करने के साथ यह आने वाले पर्यटकों को भी हिमालय की ट्रैकिंग पर ले जाने का काम करता है ओल्गा नेयर का कार यहां अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए आती है ट्रैकिंग के दौरान एक भयंकर बर्फीले तूफान में सिवाय ओल्गा और उसके दोस्तों को बचाता है इसी तूफान में फंसे होने के दौरान उनके बीच शारीरिक रिश्ता बन जाता है हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि ओलगा को अगले कुछ वक्त के लिए सिवाय के गांव में रुकना पड़ता है यही उसे पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है ओलगा अपनी फैमिली के पास बुल्गारिया जाना चाहती है सो उसे बच्चा नहीं चाहिए सो उसे बच्चा नहीं चाहिए दूसरी ओर सिवाय चाहता है कि ओलगा उसके बच्चे को जरूर जन्म दे ताकि वह ओलगा के चले जाने के बाद अपनी बाकी ज़िंदगी उसी के बच्चे के साथ गुजार सके कुछ अरसे बाद ओलगा को एक बेटी को जन्म देकर अपने देश जाती है ओल्गा और सिवाय की बेटी बोल नहीं पाती लेकिन सुन सकती है अब अपनी बेटी गौरा यानी एक्स के साथ गांव में खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है अचानक एक दिन गौरा को अपनी माँ के बारे में पता चलता है जो बुल्गारिया में रह रही है ओल्गा अपनी माँ से मिलने की जिद करती है लेकिन सिवाय नहीं चाहता कि गौरा अपनी माँ से मिलने जाए जिसने जन्म देने के बाद उसका मुंह तक नहीं देखा लेकिन गौरा की जिद के सामने सिवाय को झुकना पड़ा सिवाय बेटी गौरा को उसकी माँ से मिलाने बुल्गारिया बुलगारिया पहुँचता है लेकिन यहाँ आने के दूसरे ही दिन गौरा का किडनैप हो जाता है सिवाय के लीड किरदार में अजय देवगन ने एक बार फिर गजब एक्टिंग की है बर्फीले पहाड़ों और बुल्गारिया की सड़कों पर अजय देवगन पर फिल्माए गए ज्यादातर एक्शन सीन हॉलीवुड फिल्मों से के एक्शन सीन को टक्कर देते हैं बेशक एरिका के साथ रोमांटिक सीन में अजय देवगन नहीं जमे लेकिन इमोशन सीन में उनका गजब अभिनय है ओलगा के किरदार में एरिका कार सिल्वर स्क्रीन पर बेहद खूबसूरत तो लगती हैं लेकिन अपनी एक्टिंग से कहीं इम्प्रेस नहीं कर पाती सिवाय की बेटी गौरा के रोल में एली गेल एम्स ने मेहनत की है लेकिन सायसा बहगल ने बस अपने किरदार को निभा भर दिया है सायसा को अगर इंडस्ट्री में लंबी पारी खेलनी है तो उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है वही बेरदास सौरभ शुक्ला और, और ग्रीस कर्नाड निराश करते हैं और कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ते अगर बतौर डायरेक्टर अजय देवगन की बात करें तो इस फील्ड में अजय देवगन को निराश किया है अजय ने एक ऐसी कमजोर कहानी पर फिल्म बनाई जिस पर पर इससे पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं वही उन्होंने फिल्म को दो हिस्सों में बांट कर रख दिया है अगर इंटरल से पहले की बात करें तो फिल्म बाप बेटी के बीच की कहानी है तो इंटरल के बाद फिल्म टोटली सौ फीसदी एक्शन फिल्म बनकर रह जाती है जिससे कहानी की रफ्तार थम जाती है तो वही एक्शन सीन के सामने इमोशनल सीन बोने पड़ जाते हैं अगर अजय चाहते तो आसानी से एक्शन सीन को कम कर सकते थे वही करीब पौने तीन घंटे से ज़्यादा अवध की फिल्म में दस पंद्रह मिनट की फ़िल्म पर कैंची चलाते तो फिल्म ज़्यादा जानदार बन पाती हाँ अजय ने हर एक्शन सीन में जबरदस्त मेहनत की तो वही उनके बाप बेटी के सीन जानदार ढंग से फिल्म आए हैं फिल्म का संगीत कहानी और माहौल के मुताबिक टाइटल सॉन्ग वही शून्य है वही इकाई के भीतर सिपा सिवाय रिलीज से पहले ही कई म्यूजिक चार्ट में टॉप फाइव में शामिल हो चुका था लेकिन फिल्म के बाकी गाने बस औसत ही हैं लेकिन फिल्म के बाकी गाने बस औसत ही हैं अगर आप अजय देवगन के पक्के फैन हैं तो सिवाय को देखें क्योंकि आपके चहेते स्टार के इस फिल्म में कोई एक्शन सीन दिल दहलाने वाले हैं तो कहीं बर्फीले पहाड़ों पर फिल्म की सिनेमाटोग्राफी कमाल की है अगर कहानी की खामियों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो अजय की यह एक ऐसी मेगा बजट फिल्म है जिससे आप एक्शन और इमोशन को इंजॉय कर सकते हैं अच्छी कहानी पर ख़राब फिल्म कैसे बनाई जाती है इसका उदाहरण है सिवाय इस कहानी पर एक सफल और अच्छी फिल्म बनाने के कई तत्व मौजूद थे लेकिन स्क्रीन प्ले ने पानी फेर दिया सिवाय देखने के बाद हमें दो तीन एक्शन सीक्वेंस और बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी ही याद रहती है सिवाय अजय देवगन एक प्रवतारोही है विदेशी पर्वतारोहियों का एक दल आता है जिसकी मदद सिवाय करता है इसी दल की ओल्गा एरिका कार से सिवाय की दोस्ती हो जाती है दोनों आकर्षित होकर सारी सीमाएं लांग जाते हैं ओल्गा गर्भवती हो जाती है वह बच्चे को गिराकर अपने देश बुल्गारिया लौट जाना चाहती है लेकिन सिवाय चाहता है कि ओल्गा बच्चे को जन्म दे ओल्गा इसी शर्त पर बच्चे को जन्म देने के लिए राजी होती है कि वह अपने बच्चे को कभी देखेगी भी नहीं और बच्चे की देखभाल की सारी जिम्मेदारी सिवाय की होगी बच्चे को जन्म देने के बाद उलगा अपने देश चली जाती है सिवाय अपनी बेटी का नाम गौरा रखता है और कहता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है गौरा गूंगी है आठ वर्ष की होने पर गौरा को पता चलता है कि उसकी माँ जीवित है वह माँ से मिलने की जिद करती है आखिरकार सिवाय उसे लेकर बुलगारिया जाता है दोनों उल्गा को ढूंढते हैं इसी बीच इस गौरा का अपहरण हो जाता है सिवाय को पता चलता है कि बुलगारिया में बहत्तर घंटे के अंदर या तो बच्चे को वैसा व्रत में ढकेल दिया जाता है या उसके अंग बेच दिए जाते हैं बहाव यानी बेरदास और अनुष्का यानी सायसा की मदद से सिवाय किस तरह से अपनी बेटी को बचाता है यह फिल्म का सार है संदीप श्रीवास्तव ने फिल्म में कहानी तो अच्छी लिखी लेकिन स्क्रीन प्ले ने सारा मजा कर किरा कर दिया सिवाय की बेटी को गूंगी दिखाने का कोई औचित ही नजर नहीं आया ओलका का किरदार भी ठीक से नहीं लिखा गया है पहले तो आप अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देखती और बाद में बेटी के लिए उसका बेसब्र होना जंचता नहीं है स्क्रीन फिल्म में इमोशन पैदा करने की गुंजाइश थी जिसका उपयोग ही नहीं किया गया पिछले वर्ष प्रदर्शित हुई बजरंगी भाईजान की भी कहानी भी कुछ इस तरह की थी लेकिन उसमें इमोशन और मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा गया था सिवाय इस मामले में बहुत पिछड़ गई फिल्म का मूड उदासी वाला है सिवाय और गौरा के बुल्गारिया पहुँचने तक भी फिल्म ठीक रहती है लेकिन इसके बाद बिखर जाती है जबकि गौरा को बहत्तर घंटे में ढूंढने वाला मिशन रोमांस से भरपूर होना था इस मिशन में गत महसूस नहीं होती क्योंकि फिल्म को बहुत लंबा खींचा गया है अंत में तो शिवाय बहुत ज़्यादा फिल्मी हो गई है जब शिवाय और गौरी पर सैकड़ों गोलियाँ चलाई जाती हैं लेकिन एक भी उन्हें नहीं लगती पीछा करने वाले और एक्शन सिक्वेंस इतने लंबे हो गए हैं कि बोरियत होने लगती है अजय देवगन का निर्देशन औसत दर्जे का है उन्होंने हर दृश्य में अपने आप को रखा है हर कारनामा वे करते हैं सपोर्टिंग कास्ट को उभरने का अवसर ही उन्होंने नहीं दिया है इस वजह से सौरभ शुक्ला गिरीश कर्नाड वीरदास की भूमिकाएं आधी अधूरी लगती हैं अपने फिल्मएं शॉर्ट्स पर अजय इतने मोहित हो गए कि उन्हें हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए इससे फिल्म अनावश्यक रूप से लंबी हो गई कायदे से तो यह फिल्म दो घंटे की ही होनी थी फिल्म के स्टंट और एक्शन सीक्वेंस तारीफ़ के योग्य हैं हालांकि लंबे होने के कारण यह उतने असरदार नहीं बन पाए असीम बजाज की सिनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है अभिनय की बात की जाए तो अजय देवगन ने अपने किरदार को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता दे दी है हालाँकि स्क्रिप्ट से उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिला लेकिन जितना हो सका उन्होंने किया एक्शन सीक्वेंस में बेहतर रहें एरिका कार का अभिनय औसत दर्जे का रहा गौरा बनी एबिलगेल एम्स दर्शकों का दिल जीत नहीं पाई और इसमें दोष निर्देशक का है सायशा सहेगल ने इस फिल्म से अपनी शुरुआत की है लेकिन उन्हें ज़्यादा अवसर नहीं मिल पाए फिल्म का टाइटल ट्रैक छोड़ दिया जाए तो मिथुन का संगीत है उनका बैकग्राउंड म्यूजिक तो फिल्मों जैसा है कुल मिलाकर सिवाय एक लंबी और थका देने वाली फिल्म है जिसमें मनोरंजन के तत्व भी कम हैं करीब डेढ़ सौ करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी निर्माता निर्देशक अभिनेता की बहुचर्चित फिल्म सिवाय अजय देवगन के दिल के बेहद करीब है पिछले साल अजय देवगन ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था इस दौरान उन्होंने दो नई फिल्मों की शूटिंग इसलिए शुरू नहीं की ताकि वह इस फिल्म को अपना सौ फीसदी दे सके अजय के मुताबिक बचपन से वह भगवान शिव के ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं और यही वजह है कि उन्होंने इस फिल्म को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इस फिल्म को बुल्गारिया की ऐसी उस दुर्गम बर, बर्फीली लोकेशंस में फिल्माया गया है जहां अक्सर वहां के मेकर भी जाने से कतराते हैं फिल्म में एक सीन के लिए अजय ने देश विदेश के करीब 2000 से ज़्यादा अलग अलग, अलग खिलौनों का इस्तेमाल किया तो फिल्म के उनके अपोजिट नज़र आई पोलिश एक्ट्रेस एरिका कार जिनके साथ फिल्म शुरू होने से करीब दो महीने पहले हिंदी सीखने के लिए हर रोज़ दो घंटे तक हिंदी में डायलॉग ड्रिवरी को लेकर वर्कशॉप की थी अजय इस फिल्म को कनाडा में शूट करना चाहते थे लेकिन अजय कनाडा में फिल्म के पहले शूटिंग के लिए पहुंचे तो अगले कई दिन तक वहां जमकर बर्फबारी हुई जिसका असर फिल्म के बजट पर पड़ा आखिरकार अजय ने फिल्म को बुल्गारिया में शूट किया यकीनन अजय ने बतौर निर्माता निर्देशक अपनी ओर से इस प्रोजेक्ट पर जमकर मेहनत की है लेकिन वही अगर बात और डायरेक्टर फिल्म पर उनकी पकड़ की बात की जाए तो करीब पौने तीन घंटे की इस फिल्म पर उनकी कसी हुई पकड़ नज़र नहीं आती यही वजह है कि उत्तराखंड में बर्फीले पहाड़ों के बीच बस एक छोटे से गाँव से शुरू हुई सिवाय की शुरुआती रफ्तार बेहद धीमी है तो वही अजय देवगन और एरिका कार की लव केमिस्ट्री का एंगल भी बेहद कमज़ोर है इंट्रोल के बाद पिता पुत्री के रिश्ते पर फोकस करते सिवाय टोटली एक्शन थ्रिलर फिल्म में बदल जाती है जहां हर दूसरे सीन में जमकर मारकाट और लाशों का ढेर नजर आता है इमोशन और एक्शन का ऐसा संगम भी कुछ अजीब लगता है पहले सीन में चारों ओर बर्फ़ से ढके पहाड़ों के बीच लाशों के साथ बुरी तरह से घायल सिवाय नजर आते हैं सिवाय के पास एक ही गुड़िया का खिलौना नज़र आता है यही से फिल्म की कहानी करीब नौ साल पीछे फ्लैशबैक में पहुंचती है सिवाय उत्तराखंड में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बस एक गांव में रहता है और यही अपना हो संभाला है सिवाय यहां इंडियन आर्मी के लिए भी अक्सर मुश्किल वक्त में मदद करने का काम करने के साथ यह आने वाले पर्यटकों को भी हिमालय की ट्रैकिंग पर ले जाने का काम करता है ओल्गा ने एरका कार यहां अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए आती है ट्रैकिंग के दौरान एक भेशड़ बर्फीले तूफान में सिवाय ओल्गा और उसके दोस्तों को बचाता है इसी तूफान में फंसे होने के दौरान उनके बीच शारीरिक रिश्ता बन जाता है हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि ओल्गा को अगले कुछ वक्त के लिए सिवाय के गाँव में रुकना पड़ता है यही उसे पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है ओलगा अपनी फैमिली के पास बुल्गारिया जाना चाहती है सो उसे बच्चा नहीं चाहिए सो उसे बच्चा नहीं चाहिए दूसरी ओर शिवाय चाहता है कि ओल्गा उसके बच्चे को जरूर जन्म दे ताकि वह ओल्गा के चले जाने के बाद अपनी बाकी ज़िंदगी उसी के बच्चे के साथ गुजार सके कुछ अरसे बाद ओल्गा को एक बेटी को जन्म देकर अपने देश लौट जाती है ओल्गा और शिवाय की बेटी बोल नहीं पाती लेकिन सुन सकती है शिवाय अब अपनी बेटी गौरा यानी एली एक्स के साथ गांव में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है अचानक एक दिन गौरा को अपनी माँ के बारे में पता चलता है जो बुल्गारिया में रह रही है ओलगा अपनी माँ से मिलने की जिद करती है लेकिन सिवाय नहीं चाहता कि गौरा अपनी माँ से मिलने जाए जिसने जन्म देने के बाद उसका मुंह तक नहीं देखा लेकिन गौरा की जिद के सामने सिवाय को झुकना पड़ा सिवाय बेटी गौरा को उसकी माँ से मिलाने बुल्गारिया पहुँचता है लेकिन यहाँ आने के दूसरे ही दिन गौरा का किडनैप हो जाता है सिवाय के लीड किरदार में अजय देवगन ने एक बार फिर गजब एक्टिंग की है बर्फीले पहाड़ों और बुल्गारिया की सड़कों पर अजय देवगन पर फिल्माए गए ज़्यादातर एक्शन सीन हॉलीवुड फिल्मों से के एक्शन सीन को टक्कर देते हैं बेशक एरिका के साथ रोमांटिक सीन में अजय देवगन नहीं जमे लेकिन इमोशन सीन में उनका गजब अभिनय है ओल्गा के किरदार में एरिका कार सिल्वर स्क्रीन पर बेहद खूबसूरत तो लगती हैं लेकिन अपनी एक्टिंग से कहीं इम्प्रेस नहीं कर पाती सिवाय की बेटी गौरा के रोल में एली गेल एम्स ने मेहनत की है लेकिन सायसा ने बस अपने किरदार को निभार दिया है सायसा को अगर इंडस्ट्री में लंबी पारी खेलनी है तो उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है वही बीरदास सौरभ शुक्ला और, और ग्रीस कर्नार्ड निराश करते हैं और कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ते अगर बतौर डायरेक्टर अजय देवगन की बात करें तो इस फील्ड में अजय देवगन को निराश किया है अजय ने एक ऐसी कमजोर कहानी पर फिल्म बनाई जिस पर इससे पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं वही उन्होंने फिल्म को दो हिस्सों में बांट कर रख दिया है अगर इंट्रोल से पहले की बात करें तो फिल्म बाप बेटी के बीच की कहानी है तो इंटरल के बाद फिल्म टोटली सौ फीसदी एक्शन फिल्म बनकर रह जाती है जिससे कहानी की रफ्तार थम जाती है तो वही एक्शन सीन के सामने इमोशनल सीन बोने पड़ जाते हैं अगर अजय चाहते तो आसानी से एक्शन सीन को कम कर सकते थे वही करीब पौने तीन घंटे से ज़्यादा अवध की फिल्म में दस पंद्रह मिनट की फिल्म पर कैंची चलाते तो फिल्म ज्यादा जानदार बन पाती हाँ अजय ने हर एक्शन सीन में जबरदस्त मेहनत की तो वही उनके बाप बेटी के सीन जानदार ढंग से फिल्म आए हैं फिल्म का संगीत कहानी और माहौल के मुताबिक टाइटल सॉन्ग वही शून्य है वही इकाई के भीतर सिपा सिवाय रिलीज से पहले ही कई म्यूजिक चार्ट में टॉप फाइव में शामिल हो चुका था लेकिन फिल्म के बाकी गाने बस औसत ही हैं लेकिन फिल्म के बाकी गाने बस औसत ही हैं अगर आप अजय देवगन के पक्के फैन हैं तो सिवाय को देखें क्योंकि आपके चहते स्टार के इस फिल्म में कोई एक्शन सीन दिल दहलाने वाले हैं तो कहीं बर्फीले पहाड़ों पर फिल्म की सोनेमाटोग्राफी कमाल की है अगर कहानी की खामियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो अजय की यह एक ऐसी मेगा बजट फिल्म है जिससे आप एक्शन और इमोशन को इंजॉय कर सकते हैं अच्छी कहानी पर ख़राब फिल्म कैसे बनाई जाती है इसका उदाहरण है सिवाय इस कहानी पर एक सफल और अच्छी फिल्म बनाने के कई तत्व मौजूद थे लेकिन स्क्रीन प्ले ने पानी फेर दिया सिवाय देखने के बाद हमें दो तीन एक्शन सीक्वेंस और बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी ही याद रहती है सिवाय अजय देवगन एक रोही है विदेशी पर्वतारोहियों का एक दल आता है जिसकी मदद सिवाय करता है इसी दल की ओलगा यानी कार से सिवाय की दोस्ती हो जाती है दोनों आकर्षित होकर सारी सीमाएं लांग जाते हैं ओल्गा गर्भवती हो जाती है वह बच्चे को गिराकर अपने देश बुल्गारिया लौट जाना चाहती है लेकिन सिवाय चाहता है कि ओल्गा बच्चे को जन्म दे ओल्गा इसी शर्त पर बच्चे को जन्म देने के लिए राजी होती है कि वह अपने बच्चे को कभी देखेगी भी नहीं और बच्चे की देखभाल की सारी जिम्मेदारी सिवाय की होगी बच्चे को जन्म देने के बाद ओल्गा अपने देश चली जाती है सिवाय अपनी बेटी का नाम गौरा रखता है और कहता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है गौरा गूँगी है आठ वर्ष की होने पर गौरा को पता चलता है कि उसकी माँ जीवित है वह माँ से मिलने की जिद करती है आखिरकार सिवाय उसे लेकर बुलगारिया जाता है दोनों उल्गा को ढूंढते हैं इसी बीच इस गौरा का अपहरण हो जाता है सिवाय को पता चलता है कि बुलगारिया में बहत्तर घंटे के अंदर या तो बच्चे को वैसा व्रत में ढकेल दिया जाता है या उसके अंग बेच दिए जाते हैं बहाव यानी बेरदास और अनुष्का यानी सायसा की मदद से सिवाय किस तरह से अपनी बेटी को बचाता है यह फिल्म का सार है संदीप श्रीवास्तव ने फिल्म ने कहानी तो अच्छी लिखी लेकिन स्क्रीन प्ले ने सारा मजा कर किरा कर दिया सिवाय की बेटी को गूंगी दिखाने का कोई औचित्य ही नज़र नहीं आया ओलगा का किरदार भी ठीक से नहीं लिखा गया है पहले तो आप अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देखती और बाद में बेटी के लिए उसका बेसब्र होना जंचता नहीं है स्क्रीन प्ले में इमोशन पैदा करने की गुंजाइश थी जिसका उपयोग ही नहीं किया गया पिछले वर्ष प्रदर्शित हुई बजरंगी भाईजान की भी कहानी भी कुछ इस तरह की थी लेकिन उसमें इमोशन और मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा गया था सिवाय इस मामले में बहुत पिछड़ गई फिल्म का मूड उदासी वाला है सिवाय और गौरा के बुल्गारिया पहुँचने तक भी फिल्म ठीक रहती है लेकिन इसके बाद बिखर जाती है जबकि गौरा को बहत्तर घंटे में ढूंढने वाला मिशन रोमांस से भरपूर होना था इस मिशन में गत महसूस नहीं होती क्योंकि फिल्म को बहुत लंबा खींचा गया है अंत में तो शिवाय बहुत ज़्यादा फिल्मी हो गई है जब शिवाय और गौरी पर सैकड़ों गोलियाँ चलाई जाती हैं लेकिन एक भी उन्हें नहीं लगती पीछा करने वाले और एक्शन सिक्वेंस इतने लंबे हो गए हैं कि बोरियत होने लगती है अजय देवगन का निर्देशन औसत दर्जे का है उन्होंने हर दृश्य में अपने आप को रखा है हर कारनामा वे करते हैं सपोर्टिंग कास्ट को उभरने का अवसर ही उन्होंने नहीं दिया है इस वजह से सौरभ शुक्ला गिरीश कर्नाड वीरदास की भूमिकाएं आधी अधूरी लगती हैं अपने फिल्म शॉट्स पर अजय इतने मोहित हो गए कि उन्हें हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए इससे फिल्म अनावश्यक रूप से लंबी हो गई कायदे से तो यह फिल्म दो घंटे की ही होनी थी फिल्म के स्टंट और एक्शन सीक्वेंस तारीफ़ के योग्य हैं हालांकि लंबे होने के कारण यह उतने असरदार नहीं बन पाए असीम बजाज की सीनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है अभिनय की बात की जाए तो अजय देवगन ने अपने किरदार को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता दे दी है हालांकि स्क्रिप्ट से उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिला लेकिन जितना हो सका उन्होंने किया एक्शन सिक्वेंस में बेहतर रहे एरिका कार का अभिनय औसत दर्जे का रहा गौरा बनी एबिलगेल एम्स दर्शकों का दिल जीत नहीं पाई और इसमें दोष निर्देशक का है सायशा सहगल ने इस फिल्म से अपनी शुरुआत की है लेकिन उन्हें ज़्यादा अवसर नहीं मिल पाए फिल्म का टाइटल ट्रैक छोड़ दिया जाए तो मिथुन का संगीत है उनका बैकग्राउंड म्यूजिक तो बी ग्रेड जैसा है कुल मिलाकर सिवाय एक लंबी और थका देने वाली फिल्म है जिसमें मनोरंजन के तत्व भी कम हैं करीब डेढ़ सौ करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी निर्माता निर्देशक अभिनेता की बहुचर्चित फिल्म सिवाय अजय देवगन के दिल के बेहद करीब है पिछले साल अजय देवगन ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था इस दौरान उन्होंने दो नई फिल्मों की शूटिंग इसलिए शुरू नहीं की ताकि वह इस फिल्म को अपना सौ फीसदी दे सके अजय के मुताबिक बचपन से वह भगवान शिव के ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं और यही वजह है कि उन्होंने इस फिल्म को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इस फिल्म को बुल्गारिया की ऐसी उस दुर्गम बर, बर्फीली लोकेशंस में फिल्माया गया है जहां अक्सर वहां के मेकर भी जाने से कतराते हैं फिल्म में एक सीन के लिए अजय ने देश विदेश के करीब 2000 से ज़्यादा अलग अलग, अलग खिलौनों का इस्तेमाल किया तो फिल्म के उनके अपोजिट नज़र आई पोलिश एक्ट्रेस एरिका कार जिनके साथ फिल्म शुरू होने से करीब दो महीने पहले हिंदी सीखने के लिए हर रोज़ दो घंटे तक हिंदी में डायलॉग ड्रिबरी को लेकर वर्कशॉप की थी अजय इस फिल्म को कनाडा में शूट करना चाहते थे लेकिन अजय कनाडा में फिल्म के पहले शूटिंग के लिए पहुंचे तो अगले कई दिन तक वहां जमकर बर्फबारी हुई जिसका असर फिल्म के बजट पर पड़ा आखिरकार अजय ने फिल्म को बुल्गारिया में शूट किया यकीनन अजय ने बतौर निर्माता निर्देशक अपनी ओर से इस प्रोजेक्ट पर जमकर मेहनत की है लेकिन वही अगर बात और डायरेक्टर फिल्म पर उनकी पकड़ की बात की जाए तो करीब पौने तीन घंटे की इस फिल्म पर उनकी कसी हुई पकड़ नज़र नहीं आती यही वजह है कि उत्तराखंड में बर्फीले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गाँव से शुरू हुई सिवाय की शुरुआती रफ़्तार बेहद धीमी है तो वही अजय देवगन और एरिका कार की लव केमिस्ट्री का एंगल भी बेहद कमज़ोर है इंटरवल के बाद पिता पुत्री के रिश्ते पर फोकस करते सिवाय टोटली एक्शन थ्रिलर फिल्म में बदल जाती है जहां हर दूसरे सीन में जमकर मारकाट और लाशों का ढेर नजर आता है इमोशन और एक्शन का ऐसा संगम भी कुछ अजीब लगता है पहले सीन में चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच लाशों के साथ बुरी तरह से घायल सिवाय नजर आते हैं सिवाय के पास एक ही गुड़िया का खिलौना नजर आता है यही से फिल्म की कहानी करीब नौ साल पीछे फ्लैशबैक में पहुंचती है सिवाय उत्तराखंड में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बस एक गांव में रहता है और यही अपना हो संभाला है सिवाय यहां इंडियन आर्मी के लिए भी अक्सर मुश्किल वक्त में मदद करने का काम करने के साथ यह आने वाले पर्यटकों को भी हिमालय की ट्रैकिंग पर ले जाने का काम करता है ओलगा ने एयर का कार यहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए आती है ट्रैकिंग के दौरान एक भीषण बर्फीले तूफान में सिवाय ओलगा और उसके दोस्तों को बचाता है इसी तूफान में फंसे होने के दौरान उनके बीच शारीरिक रिश्ता बन जाता है हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि ओल्गा को अगले कुछ वक्त के लिए सिवाय के गांव में रुकना पड़ता है यही उसे पता चलता है कि वह मां बनने वाली है ओलगा अपनी फैमिली के पास बुल्गारिया जाना चाहती है सो उसे बच्चा नहीं चाहिए सो उसे बच्चा नहीं चाहिए दूसरी ओर शिवाय चाहता है कि ओलगा उसके बच्चे को जरूर जन्म दे ताकि वह ओलगा के चले जाने के बाद अपनी बाकी ज़िंदगी उसी के बच्चे के साथ गुजार सके कुछ अरसे बाद ओलगा को एक बेटी को जन्म देकर अपने देश लौट जाती है ओलगा और शिवाय की बेटी बोल नहीं पाती लेकिन सुन सकती है शिवाय अब अपनी बेटी गौरा यानी एली गैल एक्स के साथ गांव में खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है अचानक एक दिन गौरा को अपनी मां के बारे में पता चलता है जो बुल्गारिया में रह रही है ओल्गा अपनी मां से मिलने की जिद करती है लेकिन सिवाय नहीं चाहता कि गौरा अपनी माँ से मिलने जाए जिसने जन्म देने के बाद उसका मुँह तक नहीं देखा लेकिन गौरा की जिद के सामने सिवाय को झुकना पड़ा सिवाय बेटी गौरा को उसकी माँ से मिलाने बुल्गारिया पहुँचता है लेकिन यहाँ आने के दूसरे ही दिन गौरा का किडनैप हो जाता है सिवाय के लीड किरदार में अजय देवगन ने एक बार फिर गजब एक्टिंग की है बर्फीले पहाड़ों और बुल्गारिया की सड़कों पर अजय देवगन पर फिल्माए गए ज्यादातर एक्शन सीन हॉलीवुड फिल्मों से के एक्शन सीन को टक्कर देते हैं बेशक एरिका के साथ रोमांटिक सीन में अजय देवगन नहीं जमे, लेकिन इमोशन सीन में उनका गजब अभिनय है ओलगा के किरदार में एरिका कार सिल्वर स्क्रीन पर बेहद खूबसूरत तो लगती हैं लेकिन अपनी एक्टिंग से कहीं इम्प्रेस नहीं कर पाती सिवाय की बेटी गौरा के रोल में एली गेल एम्स ने मेहनत की है लेकिन शायशा बहगल ने बस अपने किरदार को निभा भर दिया है शायशा को अगर इंडस्ट्री में लंबी पारी खेलनी है तो उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है वही बेरदास सौरभ शुक्ला और, और ग्रीस कर्नाड निराश करते हैं और कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ते अगर बतौर डायरेक्टर अजय देवगन की बात करें तो इस फील्ड में अजय देवगन को निराश किया है अजय ने एक ऐसी कमजोर कहानी पर फिल्म बनाई जिस पर इससे पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं वही उन्होंने फ़िल्म को दो हिस्सों में बांट कर रख दिया है अगर इंट्रोल से पहले की बात करें तो फिल्म बाप बेटी के बीच की कहानी है तो इंटरल के बाद फिल्म टोटली सौ फीसदी एक्शन फिल्म बन कर रह जाती है जिससे कहानी की रफ्तार थम जाती है तो वही एक्शन सीन के सामने इमोशनल सीन बोने पड़ जाते हैं अगर अजय चाहते तो आसानी से एक्शन सीन को कम कर सकते थे वही करीब पौने तीन घंटे से ज़्यादा अवध की फिल्म में दस पंद्रह मिनट की फिल्म पर कैंची चलाते तो फिल्म ज़्यादा जानदार बन पाती हाँ अजय ने हर एक्शन सीन में ज़बरदस्त मेहनत की तो वही उनके बाप बेटी के सीन जानदार ढंग से फिल्म हैं फिल्म का संगीत कहानी और माहौल के मुताबिक टाइटल सॉन्ग वही शून्य है वही इकाई के भीतर सिपा सिवाय रिलीज से पहले ही कई म्यूजिक चार्ट में टॉप फाइव में शामिल हो चुका था लेकिन फिल्म के बाकी गाने बस औसत ही हैं लेकिन फिल्म के बाकी गाने बस औसत ही हैं अगर आप अजय देवगन के पक्के फैन हैं तो सिवाय को देखें क्योंकि आपके चहते स्टार की इस फिल्म में कोई एक्शन सीन दिल दहलाने वाले हैं तो कहीं बर्फीले पहाड़ों पर फिल्म की सीनेमाटोग्राफी कमाल की है अगर कहानी की खामियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो अजय की यह एक ऐसी मेगा बजट फिल्म है जिससे आप एक्शन और इमोशन को इंजॉय कर सकते हैं अच्छी कहानी पर ख़राब फिल्म कैसे बनाई जाती है इसका उदाहरण है सिवाय इस कहानी पर एक सफल और अच्छी फिल्म बनाने के कई तत्व मौजूद थे लेकिन स्क्रीन प्ले ने पानी फेर दिया सिवाय देखने के बाद हमें दो तीन एक्शन सीक्वेंस और बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी ही याद रहती है सिवाय देवगन एक पर्वतारोही है विदेशी पर्वतारोहियों का एक दल आता है जिसकी मदद सिवाय करता है इसी दल की ओलगनी एरिका कार से सिवाय की दोस्ती हो जाती है दोनों आकर्षित होकर सारी सीमाएं लांग जाते हैं ओल्गा गर्भवती हो जाती है वह बच्चे को गिराकर अपने देश बुल्गारिया लौट जाना चाहती है लेकिन सिवाय चाहता है कि ओल्गा बच्चे को जन्म दे ओल्गा इस शर्त पर बच्चे को जन्म देने के लिए राजी होती है कि वह अपने बच्चे को कभी देखेगी भी नहीं और बच्चे की देखभाल की सारी जिम्मेदारी सिवाय की होगी बच्चे को जन्म देने के बाद ओल्गा अपने देश चली जाती है सिवाय अपनी बेटी का नाम गौरा रखता है और कहता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है गौरा गूँगी है आठ वर्ष की होने पर गौरा को पता चलता है कि उसकी माँ जीवित है वह माँ से मिलने की जिद करती है आखिरकार सिवाय उसे लेकर बुलगारिया जाता है दोनों उल्गा को ढूंढते हैं इसी बीच इस गौरा का अपहरण हो जाता है सिवाय को पता चलता है कि बुलगारिया में बहत्तर घंटे के अंदर या तो बच्चे को बेसा व्रत में ढकेल दिया जाता है या उसके अंग बेच दिए जाते हैं बहाव यानी बेलदास और अनुष्का यानी सायसा की मदद से सिवा किस तरह से अपनी बेटी को बचाता है यह फिल्म का सार है संदीप श्रीवास्तव ने फिल्म ने कहानी तो अच्छी लिखी लेकिन स्क्रीन प्ले ने सारा मजाक किरा कर दिया सिवाय की बेटी को गूंगी दिखाने का कोई औचित्य ही नज़र नहीं आया ओलका का किरदार भी ठीक से नहीं लिखा गया है पहले तो आप अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देखती और बाद में बेटी के लिए उसका बेसब्र होना चंचता नहीं है स्क्रीन प्ले में इमोशन पैदा करने की गुंजाइश थी जिसका उपयोग ही नहीं किया गया पिछले वर्ष प्रदर्शित हुई बजरंगी भाईजान की भी कहानी भी कुछ इस तरह की थी लेकिन उसमें इमोशन और मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा गया था सिवाय इस मामले में बहुत पिछड़ गई फिल्म का मूड उदासी वाला है सिवाय और गौरा के बुल्गारिया पहुंचने तक भी फिल्म ठीक रहती है लेकिन इसके बाद बिखर जाती है जबकि गौरा को बहत्तर घंटे में ढूंढने वाला मिशन रोमांच से भरपूर होना था इस मिशन में गत महसूस नहीं होती क्योंकि फिल्म को बहुत लंबा खींचा गया है अंत में तो सिवाय बहुत ज़्यादा फिल्मी हो गई है जब सिवाय और गौरी पर सैकड़ों गोलियाँ चलाई जाती हैं लेकिन एक भी उन्हें नहीं लगती पीछा करने वाले और एक्शन सिक्वेंस इतने लंबे हो गए हैं कि बोरियत होने लगे

फिल्म के स्टंट और एक्शन सीक्वेंस तारीफ के योग्य हैं हालांकि लंबे होने के कारण यह उतने असरदार नहीं बन पाए असीम बजाज की सिनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है अभिनय की बात की जाए तो अजय देवगन ने अपने किरदार को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता दे दी है हालांकि स्क्रिप्ट से उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिला लेकिन जितना हो सका उन्होंने किया एक्शन सिक्वेंस में बेहतर रहें एरिका कार का अभिनय औसत दर्जे का रहा गौरा बनी एबिलगेल एम्स दर्शकों का दिल जीत नहीं पाई और इसमें दोष निर्देशक का है सायसा सहगल ने इस फिल्म से अपनी शुरुआत की है लेकिन उन्हें ज़्यादा अवसर नहीं मिल पाए फिल्म का टाइटल ट्रैक छोड़ दिया जाए तो मिथुन का संगीत निराशजनक है उनका बैकग्राउंड म्यूजिक तो बी ग्रेड फिल्मों जैसा है कुल मिलाकर सिवाय एक लंबी और थका देने वाली फिल्म है जिसमें मनोरंजन के तत्व भी कम हैं करीब डेढ़ सौ करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी निर्माता निर्देशक अभिनेता की बहुचर्चित फिल्म सिवाय अजय देवगन के दिल के बेहद करीब है पिछले साल अजय देवगन ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था इस दौरान उन्होंने दो नई फिल्मों की शूटिंग इसलिए शुरू नहीं की ताकि वह इस फिल्म को अपना सौ फीसदी दे सके अजय के मुताबिक बचपन से वह भगवान शिव के ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं और यही वजह है कि उन्होंने इस फिल्म को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इस फिल्म को बुल्गारिया की ऐसी उस दुर्गम बर, बर्फीली लोकेशंस में फिल्माया गया है जहां अक्सर वहां के मेकर भी जाने से कतराते हैं फिल्म में एक सीन के लिए अजय ने देश विदेश के करीब 2000 से ज़्यादा अलग अलग, अलग खिलौनों का इस्तेमाल किया तो फिल्म के उनके अपोजिट नज़र आई पोलिश एक्ट्रेस एरिका कार जिनके साथ फिल्म शुरू होने से करीब दो महीने पहले हिंदी सीखने के लिए हर रोज़ दो घंटे तक हिंदी में डायलॉग ड्रिवरी को लेकर वर्कशॉप की थी अजय इस फिल्म को कनाडा में शूट करना चाहते थे लेकिन अजय कनाडा में फिल्म के पहले शूटिंग के लिए पहुंचे तो अगले कई दिन तक वहां जमकर बर्फबारी हुई जिसका असर फिल्म के बजट पर पड़ा आखिरकार अजय ने फिल्म को बुल्गारिया में शूट किया यकीनन अजय ने बतौर निर्माता निर्देशक अपनी ओर से इस प्रोजेक्ट पर जमकर मेहनत की है लेकिन वही अगर बात और डायरेक्टर फिल्म पर उनकी पकड़ की बात की जाए तो करीब पौने तीन घंटे की इस फिल्म पर उनकी कसी हुई पकड़ नज़र नहीं आती यही वजह है कि उत्तराखंड में बर्फीले पहाड़ों के बीच बसें एक छोटे से गाँव से शुरू हुई सिवाय की शुरुआती रफ़्तार बेहद धीमी है तो वही अजय देवगन और एरिका कार की लव केमिस्ट्री का एंगल भी बेहद कमज़ोर है इंट्रोल के बाद पिता पुत्री के रिश्ते पर फोकस करते सिवाय टोटली एक्शन थ्रिलर फिल्म में बदल जाती है जहां हर दूसरे सीन में जमकर मारकाट और लाशों का ढेर नजर आता है इमोशन और एक्शन का ऐसा संगम भी कुछ अजीब लगता है पहले सीन में चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच से लाशों के साथ बुरी तरह से घायल सिवाय नजर आते हैं सिवाय के पास एक ही गुड़िया का खिलौना नजर आता है यही से फिल्म की कहानी करीब नौ साल पीछे फ्लैशबैक में पहुंचती है सिवाय उत्तराखंड में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसे एक गाँव में रहता है और यही अपना होश संभाला है सिवाय यहाँ इंडियन आर्मी के लिए भी अक्सर मुश्किल वक्त में मदद करने का काम करने के साथ यह आने वाले पर्यटकों को भी हिमालय की ट्रैकिंग पर ले जाने का काम करता है ओलका ने एरिककार यहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए आती है ट्रैकिंग के दौरान एक भीषण बर्फीले तूफान में सिवाय ओलगा और उसके दोस्तों को बचाता है इसी तूफान में फंसे होने के दौरान उनके बीच शारीरिक रिश्ता बन जाता है हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि ओलगा को अगले कुछ वक्त के लिए सिवाय के गांव में रुकना पड़ता है यही उसे पता चलता है कि वह मां बनने वाली है ओलगा अपनी फैमिली के पास बुल्गारिया जाना चाहती है सो उसे बच्चा नहीं चाहिए सो उसे बच्चा नहीं चाहिए दूसरी ओर शिवाय चाहता है कि ओल्गा उसके बच्चे को जरूर जन्म दे ताकि वह ओल्गा के चले जाने के बाद अपनी बाकी जिंदगी उसी के बच्चे के साथ गुजार सके कुछ अरसे बाद ओल्गा को एक बेटी को जन्म देकर अपने देश लौट जाती है ओल्गा और शिवाय की बेटी बोल नहीं पाती लेकिन सुन सकती है शिवाय अब अपनी बेटी गौरा यानी एली एक्स के साथ गांव में खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है अचानक एक दिन गौरा को अपनी मां के बारे में पता चलता है जो बुल्गारिया में रह रही है ओल्गा अपनी मां से मिलने की जिद करती है लेकिन सिवाय नहीं चाहता कि गौरा अपनी मां से मिलने जाए जिसने जन्म देने के बाद उसका मुंह तक नहीं देखा लेकिन गौरा की जिद के सामने सिवाय को झुकना पड़ा सिवाय बेटी गौरा को उसकी माँ से मिलाने बुल्गारिया बुलगारिया पहुँचता है लेकिन यहाँ आने के दूसरे ही दिन गौरा का किडनैप हो जाता है सिवाय के लीड किरदार में अजय देवगन ने एक बार फिर गजब एक्टिंग की है बर्फीले पहाड़ों और बुल्गारिया की सड़कों पर अजय देवगन पर फिल्माए गए ज्यादातर एक्शन सीन हॉलीवुड फिल्मों से के एक्शन सीन को टक्कर देते हैं बेशक एरिका के साथ रोमांटिक सीन में अजय देवगन नहीं जमे लेकिन इमोशन सीन में उनका गजब अभिनय है होलगा के किरदार में एरिका कार सिल्वर स्क्रीन पर बेहद खूबसूरत तो लगती हैं लेकिन अपनी एक्टिंग से कहीं इम्प्रेस नहीं कर पाती सिवाय की बेटी गौरा के रोल में एली गेल एम्स ने मेहनत की है लेकिन सायसा बहगल ने बस अपने किरदार को निभा भर दिया है सायसा को अगर इंडस्ट्री में लंबी पारी खेलनी है तो उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है वही बेलदास सौरभ शुक्ला और, और ग्रीस कर्नार्ड निराश करते हैं और कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ते अगर बतौर डायरेक्टर अजय देवगन की बात करें तो इस फील्ड में अजय देवगन को निराश किया है अजय ने एक ऐसी कमज़ोर कहानी पर फिल्म बनाई जिस पर पर इससे पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं वही उन्होंने फिल्म को दो हिस्सों में बांट कर रख दिया है अगर इंटरल से पहले की बात करें तो फिल्म बाप बेटी के बीच की कहानी है तो इंटरल के बाद फिल्म टोटली सौ फीसदी एक्शन फिल्म बनकर रह जाती है जिससे कहानी की रफ्तार थम जाती है तो वही एक्शन सीन के सामने इमोशनल सीन बोने पड़ जाते हैं अगर अजय चाहते तो आसानी से एक्शन सीन को कम कर सकते थे वही करीब पौने तीन घंटे से ज़्यादा अवध की फिल्म में दस पंद्रह मिनट की फ़िल्म पर कैंची चलाते तो फिल्म ज़्यादा जानदार बन पाती हाँ अजय ने हर एक्शन सीन में जबरदस्त मेहनत की तो वही उनके बाप बेटी के सीन जानदार ढंग से फिल्म हैं फिल्म का संगीत कहानी और माहौल के मुताबिक टाइटल सॉन्ग वही शून्य है वही इकाई के भीतर सिपा सिवाय रिलीज से पहले ही कई म्यूजिक चार्ट में टॉप फाइव में शामिल हो चुका था लेकिन फिल्म के बाकी गाने बस औसत ही हैं लेकिन फिल्म के बाकी गाने बस औसत ही हैं अगर आप अजय देवगन के पक्के फैन हैं तो सिवाय को देखें क्योंकि आपके चहते स्टार के इस फिल्म में कोई एक्शन सीन दिल दहलाने वाले हैं तो कहीं बर्फीले पहाड़ों पर फिल्म की सिनेमाटोग्राफी कमाल की है अगर कहानी की खामियों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो अजय की यह एक ऐसी मेगा बजट फिल्म है जिससे आप एक्शन और इमोशन को इंजॉय कर सकते हैं अच्छी कहानी पर ख़राब फिल्म कैसे बनाई जाती है इसका उदाहरण है सिवाय इस कहानी पर एक सफल और अच्छी फिल्म बनाने के कई तत्व मौजूद थे लेकिन स्क्रीन प्ले ने पानी फेर दिया सिवाय देखने के बाद हमें दो तीन एक्शन सीक्वेंस और बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी ही याद रहती है सिवाय अजय देवगन एक पर्वतारोही है विदेशी पर्वतारोहियों का एक दल आता है जिसकी मदद सिवाय करता है इसी दल की ओलगा यानी कार से सिवाय की दोस्ती हो जाती है दोनों आकर्षित होकर सारी सीमाएं लांग जाते हैं ओल्गा गर्भवती हो जाती है वह बच्चे को गिराकर अपने देश बुल्गारिया लौट जाना चाहती है लेकिन सिवाय चाहता है कि ओल्गा बच्चे को जन्म दे ओल्गा इसी शर्त पर बच्चे को जन्म देने के लिए राजी होती है कि वह अपने बच्चे को कभी देखेगी भी नहीं और बच्चे की देखभाल की सारी जिम्मेदारी सिवाय की होगी बच्चे को जन्म देने के बाद ओल्गा अपने देश चली जाती है सिवाय अपनी बेटी का नाम गौरा रखता है और कहता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है गौरा गूंगी है आठ वर्ष की होने पर गौरा को पता चलता है कि उसकी माँ जीवित है वह माँ से मिलने की जिद करती है आखिरकार सिवाय उसे लेकर बुलगारिया जाता है दोनों उल्गा को ढूंढते हैं इसी बीच गौरा का अपहरण हो जाता है सिवाय को पता चलता है कि बुलगारिया में बहत्तर घंटे के अंदर या तो बच्चे को पैसा व्रत में ढकेल दिया जाता है या उसके अंग बेच दिए जाते हैं बहाव यानी बेरदास और अनुष्का यानी सायसा की मदद से सिवाय किस तरह से अपनी बेटी को बचाता है यह फिल्म का सार है संदीप श्रीवास्तव ने फिल्म ने कहानी तो अच्छी लिखी लेकिन स्क्रीन प्ले ने सारा मजा कर किरा कर दिया सिवाय की बेटी को गूंगी दिखाने का कोई औचित्य ही नज़र नहीं आया ओलगा का किरदार भी ठीक से नहीं लिखा गया है पहले तो आप अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देखती और बाद में बेटी के लिए उसका बेसब्र होना जंचता नहीं है स्क्रीन प्ले में इमोशन पैदा करने की गुंजाइश थी जिसका उपयोग ही नहीं किया गया पिछले वर्ष प्रदर्शित हुई बजरंगी भाईजान की भी कहानी भी कुछ इस तरह की थी लेकिन उसमें इमोशन और मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा गया था सिवाय इस मामले में बहुत पिछड़ गई फिल्म का मूड उदासी वाला है सिवाय और गौरा के बुल्गारिया पहुंचने तक भी फिल्म ठीक रहती है लेकिन इसके बाद बिखर जाती है जबकि गौरा को बहत्तर घंटे में ढूंढने वाला मिशन रोमांच से भरपूर होना था इस मिशन में गत महसूस नहीं होती क्योंकि फिल्म को बहुत लंबा खींचा गया है अंत में तो सिवाय बहुत ज्यादा फिल्मी हो गई है जब सिवाय और गौरी पर सैकड़ों गोलियाँ चलाई जाती हैं लेकिन एक भी उन्हें नहीं लगती पीछा करने वाले और एक्शन सिक्वेंस इतने लंबे हो गए हैं कि बोरियत होने लगे

फिल्म के स्टंट और एक्शन सीक्वेंस तारीफ़ के योग्य हैं हालांकि लंबे होने के कारण यह उतने असरदार नहीं बन पाए असीम बजाज की सिनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है अभिनय की बात की जाए तो अजय देवगन ने अपने किरदार को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता दे दी है हालाँकि स्क्रिप्ट से उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिला लेकिन जितना हो सका उन्होंने किया एक्शन सीक्वेंस में बेहतर रहें एरिका कार का अभिनय औसत दर्जे का रहा गौरा बनी एबिलगेल एम्स दर्शकों का दिल जीत नहीं पाई और इसमें दोष निर्देशक का है सायशा सहेगल ने इस फिल्म से अपनी शुरुआत की है लेकिन उन्हें ज़्यादा अवसर नहीं मिल पाए फिल्म का टाइटल ट्रैक छोड़ दिया जाए तो मिथुन का संगीत है उनका बैकग्राउंड म्यूजिक तो फिल्मों जैसा है कुल मिलाकर सिवाय एक लंबी और थका देने वाली फिल्म है जिसमें मनोरंजन के तत्व भी कम हैं करीब डेढ़ सौ करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी निर्माता निर्देशक अभिनेता की बहुचर्चित फिल्म सिवाय अजय देवगन के दिल के बेहद करीब है पिछले साल अजय देवगन ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था इस दौरान उन्होंने दो नई फिल्मों की शूटिंग इसलिए शुरू नहीं की ताकि वह इस फिल्म को अपना सौ फीसदी दे सके अजय के मुताबिक बचपन से वह भगवान शिव के ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं और यही वजह है कि उन्होंने इस फिल्म को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इस फिल्म को बुल्गारिया की ऐसी उस दुर्गम बर, बर्फीली लोकेशंस में फिल्माया गया है जहां अक्सर वहां के मेकर भी जाने से कतराते हैं फिल्म में एक सीन के लिए अजय ने देश विदेश के करीब 2000 से ज़्यादा अलग अलग, अलग खिलौनों का इस्तेमाल किया तो फिल्म के उनके अपोजिट नज़र आई पोलिश एक्ट्रेस एरिका कार जिनके साथ फिल्म शुरू होने से करीब दो महीने पहले हिंदी सीखने के लिए हर रोज़ दो घंटे तक हिंदी में डायलॉग ट्रिबरी को लेकर वर्कशॉप की थी अजय इस फिल्म को कनाडा में शूट करना चाहते थे लेकिन अजय कनाडा में फिल्म के पहले शूटिंग के लिए पहुंचे तो अगले कई दिन तक वहां जमकर बर्फबारी हुई जिसका असर फिल्म के बजट पर पड़ा आखिरकार अजय ने फिल्म को बुल्गारिया में शूट किया यकीनन अजय ने बतौर निर्माता निर्देशक अपनी ओर से इस प्रोजेक्ट पर जमकर मेहनत की है लेकिन वही अगर बात और डायरेक्टर फिल्म पर उनकी पकड़ की बात की जाए तो करीब पौने तीन घंटे की इस फिल्म पर उनकी कसी हुई पकड़ नज़र नहीं आती यही वजह है कि उत्तराखंड में बर्फीले पहाड़ों के बीच बस एक छोटे से गाँव से शुरू हुई सिवाय की शुरुआती रफ्तार बेहद धीमी है तो वही अजय देवगन और एरिका कार की लव केमिस्ट्री का एंगल भी बेहद कमज़ोर है इंट्रोल के बाद पिता पुत्री के रिश्ते पर फोकस करते सिवाय टोटली एक्शन थ्रिलर फिल्म में बदल जाती है जहां हर दूसरे सीन में जमकर मारकाट और लाशों का ढेर नजर आता है इमोशन और एक्शन का ऐसा संगम भी कुछ अजीब लगता है पहले सीन में चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच से लाशों के साथ बुरी तरह से घायल सिवाय नजर आते हैं सिवाय के पास एक ही गुड़िया का खिलौना नजर आता है यही से फिल्म की कहानी करीब नौ साल पीछे फ्लैशबैक में पहुंचती है सिवाय उत्तराखंड में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसे एक गाँव में रहता है और यही अपना होश संभाला है सिवाय यहाँ इंडियन आर्मी के लिए भी अक्सर मुश्किल वक्त में मदद करने का काम करने के साथ यह आने वाले पर्यटकों को भी हिमालय की ट्रैकिंग पर ले जाने का काम करता है ओल्गा नियर का कार यहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए आती है ट्रैकिंग के दौरान एक भीषण बर्फीले तूफान तो में सिवाय ओल्गा और उसके दोस्तों को बचाता है इसी तूफान में फंसे होने के दौरान उनके बीच शारीरिक रिश्ता बन जाता है हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि ओलगा को अगले कुछ वक्त के लिए सिवाय के गांव में रुकना पड़ता है यही उसे पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है ओलगा अपनी फैमिली के पास बुल्गारिया जाना चाहती है सो उसे बच्चा नहीं चाहिए सो उसे बच्चा नहीं चाहिए दूसरी ओर शिवाय चाहता है कि ओलगा उसके बच्चे को जरूर जन्म दे ताकि वह ओलगा के चले जाने के बाद अपनी बाकी ज़िंदगी उसी के बच्चे के साथ गुजार सके कुछ अरसों बाद ओल्गा को एक बेटी को जन्म देकर अपने देश लौट जाती है ओल्गा और शिवाय की बेटी बोल नहीं पाती लेकिन सुन सकती है सिवाय अब अपनी बेटी गौरा यानी एली गैल एक्स के साथ गांव में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है अचानक एक दिन गौरा को अपनी माँ के बारे में पता चलता है जो बुल्गारिया में रह रही है ओल्गा अपनी माँ से मिलने की जिद करती है लेकिन सिवाय नहीं चाहता कि गौरा अपनी माँ से मिलने जाए जिसने जन्म देने के बाद उसका मुंह तक नहीं देखा लेकिन गौरा की जिद के सामने सिवाय को झुकना पड़ा सिवाए बेटी गौरा को उसकी माँ से मिलाने बुल्गारिया पहुँचता है लेकिन यहाँ आने के दूसरे ही दिन गौरा का किडनैप हो जाता है सिवाय के लीड किरदार में अजय देवगन ने एक बार फिर गजब एक्टिंग की है बर्फीले पहाड़ों और बुल्गारिया की सड़कों पर अजय देवगन पर फिल्माए गए ज्यादातर एक्शन सीन हॉलीवुड फिल्मों से के एक्शन सीन को टक्कर देते हैं बेशक एरिका के साथ रोमांटिक सीन में अजय देवगन नहीं जमे लेकिन इमोशन सीन में उनका गजब अभिनय है ओलगा के किरदार में एरिका कार सिल्वर स्क्रीन पर बेहद खूबसूरत तो लगती हैं लेकिन अपनी एक्टिंग से कहीं इम्प्रेस नहीं कर पाती सिवाय की बेटी गौरा के रोल में एली गेल एम्स ने मेहनत की है लेकिन शायशा बहगल ने बस अपने किरदार को निभा भर दिया है शायशा को अगर इंडस्ट्री में लंबी पारी खेलनी है तो उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है वही बेरदास सौरभ शुक्ला और, और ग्रीस कर्नार्ड निराश करते हैं और कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ते अगर बतौर डायरेक्टर अजय देवगन की बात करें तो इस फील्ड में अजय देवगन को निराश किया है अजय ने एक ऐसी कमजोर कहानी पर फिल्म बनाई जिस पर इससे पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं वही उन्होंने फिल्म को दो हिस्सों में बांट कर रख दिया है अगर इंटरल से पहले की बात करें तो फिल्म बाप बेटी के बीच की कहानी है तो इंट्रोल के बाद फिल्म टोटली सौ फीसदी एक्शन फिल्म बनकर रह जाती है जिससे कहानी की रफ्तार थम जाती है तो वही एक्शन सीन के सामने इमोशनल सीन बोने पड़ जाते हैं अगर अजय चाहते तो आसानी से एक्शन सीन को कम कर सकते थे वही करीब पौने तीन घंटे से ज़्यादा अवध की फिल्म में दस पंद्रह मिनट की फिल्म पर कैंची चलाते तो फिल्म ज़्यादा जानदार बन पाती हाँ अजय ने हर एक्शन सीन में जबरदस्त मेहनत की तो वही उनके बाप बेटी के सीन जानदार ढंग से फिल्म हैं फिल्म का संगीत कहानी और माहौल के मुताबिक टाइटल सॉन्ग वही शून्य है वही इकाई के भीतर सिपा सिवाय रिलीज से पहले ही कई म्यूजिक चार्ट में टॉप फाइव में शामिल हो चुका था लेकिन फिल्म के बाकी गाने बस औसत ही हैं लेकिन फिल्म के बाकी गाने बस औसत ही हैं अगर आप अजय देवगन के पक्के फैन हैं तो सिवाय को देखें क्योंकि आपके चहते स्टार के इस फिल्म में कोई एक्शन सीन दिल दहलाने वाले हैं तो कहीं बर्फीले पहाड़ों पर फिल्म की सोनेमाटोग्राफी कमाल की है अगर कहानी की खामियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो अजय की यह एक ऐसी मेगा बजट फिल्म है जिससे आप एक्शन और इमोशन को इंजॉय कर सकते हैं अच्छी कहानी पर ख़राब फिल्म कैसे बनाई जाती है इसका उदाहरण है सिवाय इस कहानी पर एक सफल और अच्छी फिल्म बनाने के कई तत्व मौजूद थे लेकिन स्क्रीन प्ले ने पानी फेर दिया सिवाय देखने के बाद हमें दो तीन एक्शन सीक्वेंस और बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी ही याद रहती है सिवाय अजय देवगन एक पर्वतारोही है विदेशी पर्वतारोहियों का एक दल आता है जिसकी मदद सिवाय करता है इसी दल की एरिका कार से सिवाय की दोस्ती हो जाती है दोनों आकर्षित होकर सारी सीमाएं लांग जाते हैं ओल्गा गर्भवती हो जाती है वह बच्चे को गिराकर अपने देश बुल्गारिया लौट जाना चाहती है लेकिन सिवाय चाहता है कि ओल्गा बच्चे को जन्म दे ओल्गा इसी शर्त पर बच्चे को जन्म देने के लिए राजी होती है कि वह अपने बच्चे को कभी देखेगी भी नहीं और बच्चे की देखभाल की सारी जिम्मेदारी सिवाय की होगी बच्चे को जन्म देने के बाद ओल्गा अपने देश चली जाती है सिवाय अपनी बेटी का नाम गौरा रखता है और कहता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है गौरा गूँगी है आठ वर्ष की होने पर गौरा को पता चलता है कि उसकी माँ जीवित है वह माँ से मिलने की जिद करती है आखिरकार सिवाय उसे लेकर बुलगारिया जाता है दोनों उलगा को ढूंढते हैं इसी बीच गौरा का अपहरण हो जाता है सिवाय को पता चलता है कि बुल्गारिया में बहत्तर घंटे के अंदर या तो बच्चे को बैसा व्रत में ढकेल दिया जाता है या उसके अंग बेच दिए जाते हैं बहाव यानी वीरदास और अनुष्का यानी सायसा की मदद से सिवाय किस तरह से अपनी बेटी को बचाता है यह फिल्म का सार है संदीप श्रीवास्तव ने फिल्म ने कहानी तो अच्छी लिखी लेकिन स्क्रीन प्ले ने सारा मजा कर किरा कर दिया सिवाय की बेटी को गूंगी दिखाने का कोई औचित्य ही नज़र नहीं आया ओल्गा का किरदार भी ठीक से नहीं लिखा गया है पहले तो आप अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देखती और बाद में बेटी के लिए उसका बेसब्र होना चंचता नहीं है स्क्रीन प्ले में इमोशन पैदा करने की गुंजाइश थी जिसका उपयोग ही नहीं किया गया पिछले वर्ष प्रदर्शित हुई बजरंगी भाईजान की भी कहानी भी कुछ इस तरह की थी लेकिन उसमें इमोशन और मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा गया था सिवाय इस मामले में बहुत पिछड़ गई फिल्म का मूड उदासी वाला है सिवाय और गौरा के बुल्गारिया पहुँचने तक भी फिल्म ठीक रहती है लेकिन इसके बाद बिखर जाती है जबकि गौरा को बहत्तर घंटे में ढूंढने वाला मिशन रोमांच से भरपूर होना था इस मिशन में गत महसूस नहीं होती क्योंकि फिल्म को बहुत लंबा खींचा गया है अंत में तो सिवाय बहुत ज़्यादा फिल्मी हो गई है जब सिवाय और गौरी पर सैकड़ों गोलियां चलाई जाती हैं लेकिन एक भी उन्हें नहीं लगती पीछा करने

फिल्म के स्टंट और एक्शन सीक्वेंस तारीफ़ के योग्य हैं हालांकि लंबे होने के कारण यह उतने असरदार नहीं बन पाए असीम बजाज की सीनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है अभिनय की बात की जाए तो अजय देवगन ने अपने किरदार को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता दे दी है हालांकि स्क्रिप्ट से उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिला लेकिन जितना हो सका उन्होंने किया एक्शन सिक्वेंस में बेहतर रहे एरिका कार का अभिनय औसत दर्जे का रहा गौरा बनी एबिलगेल एम्स दर्शकों का दिल जीत नहीं पाई और इसमें दोष निर्देशक का है सायशा सहगल ने इस फिल्म से अपनी शुरुआत की है लेकिन उन्हें ज़्यादा अवसर नहीं मिल पाए फिल्म का टाइटल ट्रैक छोड़ दिया जाए तो मिथुन का संगीत है उनका बैकग्राउंड म्यूजिक तो ग्रेट फिल्म जैसा है कुल मिलाकर सिवाय एक लंबी और थका देने वाली फिल्म है जिसमें मनोरंजन के तत्व भी कम हैं करीब डेढ़ सौ करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी निर्माता निर्देशक अभिनेता की बहुचर्चित फिल्म सिवाय अजय देवगन के दिल के बेहद करीब है पिछले साल अजय देवगन ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था इस दौरान उन्होंने दो नई फिल्मों की शूटिंग इसलिए शुरू नहीं की ताकि वह इस फिल्म को अपना सौ फीसदी दे सके अजय के मुताबिक बचपन से वह भगवान शिव के ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं और यही वजह है कि उन्होंने इस फिल्म को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इस फिल्म को बुल्गारिया की ऐसी उस दुर्गम बर, बर्फीली लोकेशंस में फिल्माया गया है जहां अक्सर वहां के मेकर भी जाने से कतराते हैं फिल्म में एक सीन के लिए अजय ने देश विदेश के करीब 2000 से ज़्यादा अलग अलग, अलग खिलौनों का इस्तेमाल किया तो फिल्म के उनके अपोजिट नज़र आई पोलिश एक्ट्रेस एरिका कार जिनके साथ फिल्म शुरू होने से करीब दो महीने पहले हिंदी सीखने के लिए हर रोज़ दो घंटे तक हिंदी में डायलॉग ड्रिवरी को लेकर वर्कशॉप की थी अजय इस फिल्म को कनाडा में शूट करना चाहते थे लेकिन अजय कनाडा में फिल्म के पहले शूटिंग के लिए पहुंचे तो अगले कई दिन तक वहां जमकर बर्फबारी हुई जिसका असर फिल्म के बजट पर पड़ा आखिरकार अजय ने फिल्म को बुल्गारिया में शूट किया यकीनन अजय ने बतौर निर्माता निर्देशक अपनी ओर से इस प्रोजेक्ट पर जमकर मेहनत की है लेकिन वही अगर बात और डायरेक्टर फिल्म पर उनकी पकड़ की बात की जाए तो करीब पौने तीन घंटे की इस फिल्म पर उनकी कसी हुई पकड़ नज़र नहीं आती यही वजह है कि उत्तराखंड में बर्फीले पहाड़ों के बीच बस एक छोटे से गाँव से शुरू हुई सिवाय की शुरुआती रफ्तार बेहद धीमी है तो वही अजय देवगन और एरिका कार की लव केमिस्ट्री का एंगल भी बेहद कमज़ोर है इंट्रोल के बाद पिता पुत्री के रिश्ते पर फोकस करते सिवाय टोटली एक्शन थ्रिलर फिल्म में बदल जाती है जहां हर दूसरे सीन में जमकर मारकाट और लाशों का ढेर नजर आता है इमोशन और एक्शन का ऐसा संगम भी कुछ अजीब लगता है पहले सीन में चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच से लाशों के साथ बुरी तरह से घायल सिवाय नजर आते हैं सिवाय के पास एक ही गुड़िया का खिलौना नजर आता है यही से फिल्म की कहानी करीब नौ साल पीछे फ्लैशबैक में पहुंचती है सिवाय उत्तराखंड में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसे एक गाँव में रहता है और यही अपना हो संभाला है सिवाय यहाँ इंडियन आर्मी के लिए भी अक्सर मुश्किल वक्त में मदद करने का काम करने के साथ यह आने वाले पर्यटकों को भी हिमालय की ट्रैकिंग पर ले जाने का काम करता है और उल्का ने का कार यहां अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए आती है ट्रैकिंग के दौरान एक भीषण बर्फीले तूफान तो में सिवाय ओल्गा और उसके दोस्तों को बचाता है इसी तूफान में फंसे होने के दौरान उनके बीच शारीरिक रिश्ता बन जाता है हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि ओल्गा को अगले कुछ वक्त के लिए सिवाय के गांव में रुकना पड़ता है यही उसे पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है ओल्गा अपनी फैमिली के पास बुल्गारिया जाना चाहती है सो उसे बच्चा नहीं चाहिए सो उसे बच्चा नहीं चाहिए दूसरी ओर सिवाय चाहता है कि ओल्गा उसके बच्चे को जरूर जन्म दे ताकि वह ओल्गा के चले जाने के बाद अपनी बाकी ज़िंदगी उसी के बच्चे के साथ गुजार सके कुछ अरसे बाद ओल्गा को एक बेटी को जन्म देकर अपने देश जाती है ओल्गा और की बेटी बोल नहीं पाती लेकिन सुन सकती है अब अपनी बेटी गौरा यानी एक्स के साथ गांव में खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है अचानक एक दिन गौरा को अपनी के बारे में पता चलता है जो बुल्गारिया में रह रही है ओल्गा अपनी माँ से मिलने की जिद करती है लेकिन सिवाय नहीं चाहता कि गौरा अपनी माँ से मिलने जाए जिसने जन्म देने के बाद उसका मुंह तक नहीं देखा लेकिन गौरा की जिद के सामने सिवाय को झुकना पड़ा सिवाए बेटी गौरा को उसकी माँ से मिलाने बुल्गारिया पहुँचता है लेकिन यहाँ आने के दूसरे ही दिन गौरा का किडनैप हो जाता है सिवाय के लीड किरदार में अजय देवगन ने एक बार फिर गजब एक्टिंग की है बर्फीले पहाड़ों और बुल्गारिया की सड़कों पर अजय देवगन पर फिल्माए गए ज्यादातर एक्शन सीन हॉलीवुड फिल्मों से के एक्शन सीन को टक्कर देते हैं बेशक एरिका के साथ रोमांटिक सीन में अजय देवगन नहीं जमे लेकिन इमोशन सीन में उनका गजब अभिनय है ओलगा के किरदार में एरिका कार सिल्वर स्क्रीन पर बेहद खूबसूरत तो लगती हैं लेकिन अपनी एक्टिंग से कहीं इम्प्रेस नहीं कर पाती सिवाय की बेटी गौरा के रोल में एली गेल एम्स ने मेहनत की है लेकिन शायशा बहगल ने बस अपने किरदार को निभा भर दिया है शायशा को अगर इंडस्ट्री में लंबी पारी खेलनी है तो उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है वही बेरदास सौरभ शुक्ला और, और ग्रीस कर्नाड निराश करते हैं और कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ते अगर बतौर डायरेक्टर अजय देवगन की बात करें तो इस फील्ड में अजय देवगन को निराश किया है अजय ने एक ऐसी कमज़ोर कहानी पर फिल्म बनाई जिस पर इससे पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं वही उन्होंने फिल्म को दो हिस्सों में बांट कर रख दिया है अगर इंटरल से पहले की बात करें तो फिल्म बाप बेटी के बीच की कहानी है तो इंटरल के बाद फिल्म टोटली सौ फीसदी एक्शन फिल्म बन कर रह जाती है जिससे कहानी की रफ्तार थम जाती है तो वही एक्शन सीन के सामने इमोशनल सीन बोने पड़ जाते हैं अगर अजय चाहते तो आसानी से एक्शन सीन को कम कर सकते थे वही करीब पौने तीन घंटे से ज़्यादा अवध की फिल्म में दस पंद्रह मिनट की फिल्म पर कैंी चलाते तो फिल्म ज्यादा जानदार बन पाती हाँ अजय ने हर एक्शन सीन में जबरदस्त मेहनत की तो वही उनके बाप बेटी के सीन जानदार ढंग से फिल्म हैं फिल्म का संगीत कहानी और माहौल के मुताबिक टाइटल सॉन्ग वही शून्य है वही इकाई के भीतर छिपा सिवाय रिलीज से पहले ही कई म्यूजिक चार्ट में टॉप फाइव में शामिल हो चुका था लेकिन फिल्म के बाकी गाने बस औसत ही हैं लेकिन फिल्म के बाकी गाने बस औसत ही हैं अगर आप अजय देवगन के पक्के फैन हैं तो सिवाय को देखें क्योंकि आपके चहते स्टार की इस फिल्म में कोई एक्शन सीन दिल दहलाने वाले हैं तो कहीं बर्फीले पहाड़ों पर फिल्म की सीनेमाटोग्राफी कमाल की है अगर कहानी की खामियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो अजय की यह एक ऐसी मेगा बजट फिल्म है जिससे आप एक्शन और इमोशन को इंजॉय कर सकते हैं अच्छी कहानी पर ख़राब फिल्म कैसे बनाई जाती है इसका उदाहरण है सिवाय इस कहानी पर एक सफल और अच्छी फिल्म बनाने के कई तत्व मौजूद थे लेकिन स्क्रीन प्ले ने पानी फेर दिया सिवाय देखने के बाद हमें दो तीन एक्शन सीक्वेंस और बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी ही याद रहती है सिवाय अजय देवगन एक प्रवतारोही है विदेशी पर्वतारोहियों का एक दल आता है जिसकी मदद सिवाय करता है इसी दल की ओलगा यानी कार से सिवाय की दोस्ती हो जाती है दोनों आकर्षित होकर सारी सीमाएं लांग जाते हैं ओल्गा गर्भवती हो जाती है वह बच्चे को गिरा कर अपने देश बुल्गारिया लौट जाना चाहती है लेकिन सिवाय चाहता है कि ओल्गा बच्चे को जन्म दे ओल्गा इसी शर्त पर बच्चे को जन्म देने के लिए राजी होती है कि वह अपने बच्चे को कभी देखेगी भी नहीं और बच्चे की देखभाल की सारी जिम्मेदारी सिवाय की होगी बच्चे को जन्म देने के बाद ओल्गा अपने देश चली जाती है सिवाय अपनी बेटी का नाम गौरा रखता है और कहता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है गौरा गंगी है आठ वर्ष की होने पर गौरा को पता चलता है कि उसकी माँ जीवित है वह माँ से मिलने की जिद करती है आखिरकार सिवाय उसे लेकर बुलगारिया जाता है दोनों उल्गा को ढूंढते हैं इसी बीच इस गौरा का अपहरण हो जाता है सिवाय को पता चलता है कि बुलगारिया में बहत्तर घंटे के अंदर या तो बच्चे को वैसा व्रत में ढकेल दिया जाता है या उसके अंग बेच दिए जाते हैं बहाव यानी बेलदास और अनुष्का यानी सायसा की मदद से सिवाय किस तरह से अपनी बेटी को बचाता है यह फिल्म का सार है संदीप श्रीवास्तव ने फिल्म ने कहानी तो अच्छी लिखी लेकिन स्क्रीन प्ले ने सारा मजा कर किरा कर दिया सिवाय की बेटी को गूंगी दिखाने का कोई औचित्य ही नजर नहीं आया ओल्गा का किरदार भी ठीक से नहीं लिखा गया है पहले तो आप अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देखती और बाद में बेटी के लिए उसका बेसब्र होना जंचता नहीं है स्क्रीन प्ले में इमोशन पैदा करने की गुंजाइश थी जिसका उपयोग ही नहीं किया गया पिछले वर्ष प्रदर्शित हुई बजरंगी भाईजान की भी कहानी भी कुछ इस तरह की थी लेकिन उसमें इमोशन और मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा गया था सिवाय इस मामले में बहुत पिछड़ गई फिल्म का मूड उदासी वाला है सिवाय और गौरा के बुल्गारिया पहुंचने तक भी फिल्म ठीक रहती है लेकिन इसके बाद बिखर जाती है जबकि गौरा को बहत्तर घंटे में ढूंढने वाला मिशन रोमांच से भरपूर होना था इस मिशन में गत महसूस नहीं होती क्योंकि फिल्म को बहुत लंबा खींचा गया है अंत में तो शिवाय बहुत ज़्यादा फिल्मी हो गई है जब सिवाय और गौरी पर सैकड़ों गोलियाँ चलाई जाती हैं लेकिन एक भी उन्हें नहीं लगती पीछा करने वाले और एक्शन सिक्वेंस इतने लंबे हो गए हैं कि बोरियत होने लगती है अजय देवगन का निर्देशन औसत दर्जे का है उन्होंने हर दृश्य में अपने आप को रखा है हर कारनामा वे करते हैं सपोर्टिंग कास्ट को उभरने का अवसर ही उन्होंने नहीं दिया है इस वजह से सौरभ शुक्ला गिरीश कर्नाड वीरदास की भूमिकाएं आधी अधूरी लगती हैं अपने फिल्मएं शॉर्ट्स पर अजय इतने मोहित हो गए कि उन्हें हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए इससे फिल्म अनावश्यक रूप से लंबी हो गई कायदे से तो यह फिल्म दो घंटे की ही होनी थी फिल्म के स्टंट और एक्शन सीक्वेंस तारीफ के योग्य हैं हालांकि लंबे होने के कारण यह उतने असरदार नहीं बन पाए असीम बजाज की सिनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है अभिनय की बात की जाए तो अजय देवगन ने अपने किरदार को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता दे दी है हालांकि स्क्रिप्ट से उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिला लेकिन जितना हो सका उन्होंने किया एक्शन सिक्वेंस में बेहतर रहें एरिका कार का अभिनय औसत दर्जे का रहा गौरा बनी एबिलगेल एम्स दर्शकों का दिल जीत नहीं पाई और इसमें दोष निर्देशक का है सायशा सहगल ने इस से शुरुआत की है, लेकिन अवसर नहीं मिल फिल्म का टाइटल ट्रैक तो है उनका थका देने वाली फिल्म है जिसमें मनोरंजन के तत्व भी कम हैं करीब डेढ़ सौ करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी निर्माता निर्देशक अभिनेता की बहुचर्चित फिल्म सिवाय अजय देवगन के दिल के बेहद करीब है पिछले साल अजय देवगन ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था इस दौरान उन्होंने दो नई फिल्मों की शूटिंग इसलिए शुरू नहीं की ताकि वह इस फिल्म को अपना सौ फीसदी दे सके अजय के मुताबिक बचपन से वह भगवान शिव के ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं और यही वजह है कि उन्होंने इस फिल्म को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इस फिल्म को बुल्गारिया की ऐसी उस दुर्गम बर, बर्फीली लोकेशंस में फिल्माया गया है जहां अक्सर वहां के मेकर भी जाने से कतराते हैं फिल्म में एक सीन के लिए अजय ने देश विदेश के करीब 2000 से ज़्यादा अलग, अलग अलग खिलौनों का इस्तेमाल किया तो फिल्म के उनके अपोजिट नज़र आई पोलिश एक्ट्रेस एरिका कार जिनके साथ फिल्म शुरू होने से करीब दो महीने पहले हिंदी सीखने के लिए हर रोज़ दो घंटे तक हिंदी में डायलॉग ड्रिवरी को लेकर वर्कशॉप की थी अजय इस फिल्म को कनाडा में शूट करना चाहते थे लेकिन अजय कनाडा में फिल्म के पहले शूटिंग के लिए पहुंचे तो अगले कई दिन तक वहां जमकर बर्फबारी हुई जिसका असर फिल्म के बजट पर पड़ा आखिरकार अजय ने फिल्म को बुल्गारिया में शूट किया यकीनन अजय ने बतौर निर्माता निर्देशक अपनी ओर से इस प्रोजेक्ट पर जमकर मेहनत की है लेकिन वही अगर बात और डायरेक्टर फिल्म पर उनकी पकड़ की बात की जाए तो करीब पौने तीन घंटे की इस फिल्म पर उनकी कसी हुई पकड़ नज़र नहीं आती यही वजह है कि उत्तराखंड में बर्फीले पहाड़ों के बीच बसें एक छोटे से गाँव से शुरू हुई सिवाय की शुरुआती रफ़्तार बेहद धीमी है तो वही अजय देवगन और एरिका कार की लव केमिस्ट्री का एंगल भी बेहद कमज़ोर है इंट्रोल के बाद पिता पुत्री के रिश्ते पर फोकस करते सिवाय टोटली एक्शन थ्रिलर फिल्म में बदल जाती है जहां हर दूसरे सीन में जमकर मारकाट और लाशों का ढेर नजर आता है इमोशन और एक्शन का ऐसा संगम भी कुछ अजीब लगता है पहले सीन में चारों ओर बर्फ़ से ढके पहाड़ों के बीच लाशों के साथ बुरी तरह से घायल सिवाय नजर आते हैं सिवाय के पास एक ही गुड़िया का खिलौना नजर आता है यही से फिल्म की कहानी करीब नौ साल पीछे फ्लैशबैक में पहुंचती है सिवाय उत्तराखंड में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बस एक गांव में रहता है और यही अपना हो संभाला है सिवाय यहां इंडियन आर्मी के लिए भी अक्सर मुश्किल वक्त में मदद करने का काम करने के साथ यह आने वाले पर्यटकों को भी हिमालय की ट्रैकिंग पर ले जाने का काम करता है ओल्गा ने का कार यहां अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए आती है ट्रैकिंग के दौरान एक भयंकर बर्फीले तूफान में सिवाय ओल्गा और उसके दोस्तों को बचाता है इसी तूफान में फंसे होने के दौरान उनके बीच शारीरिक रिश्ता बन जाता है हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि ओलगा को अगले कुछ वक्त के लिए सिवाय के गांव में रुकना पड़ता है यही उसे पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है ओलगा अपनी फैमिली के पास बुल्गारिया जाना चाहती है सो उसे बच्चा नहीं चाहिए सो उसे बच्चा नहीं चाहिए दूसरी ओर सिवाय चाहता है कि ओलगा उसके बच्चे को जरूर जन्म दे ताकि वह ओलगा के चले जाने के बाद अपनी बाकी ज़िंदगी उसी के बच्चे के साथ गुजार सके कुछ अरसे बाद ओलगा को एक बेटी को जन्म देकर अपने देश जाती है ओल्गा और सिवाय की बेटी बोल नहीं पाती लेकिन सुन सकती है अब अपनी बेटी गौरा यानी एक्स के साथ गांव में खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है अचानक एक दिन गौरा को अपनी माँ के बारे में पता चलता है जो बुल्गारिया में रह रही है ओल्गा अपनी माँ से मिलने की जिद करती है लेकिन सिवाय नहीं चाहता कि गौरा अपनी माँ से मिलने जाए जिसने जन्म देने के बाद उसका मुंह तक नहीं देखा लेकिन गौरा की जिद के सामने सिवाय को झुकना पड़ा सिवाय बेटी गौरा को उसकी माँ से मिलाने बुल्गारिया बुलगारिया पहुँचता है लेकिन यहाँ आने के दूसरे ही दिन गौरा का किडनैप हो जाता है सिवाय के लीड किरदार में अजय देवगन ने एक बार फिर गजब एक्टिंग की है बर्फीले पहाड़ों और बुल्गारिया की सड़कों पर अजय देवगन पर फिल्माए गए ज्यादातर एक्शन सीन हॉलीवुड फिल्मों से के एक्शन सीन को टक्कर देते हैं बेशक एरिका के साथ रोमांटिक सीन में अजय देवगन नहीं जमे लेकिन इमोशन सीन में उनका गजब अभिनय है ओलगा के किरदार में एरिका कार सिल्वर स्क्रीन पर बेहद खूबसूरत तो लगती हैं लेकिन अपनी एक्टिंग से कहीं इम्प्रेस नहीं कर पाती सिवाय की बेटी गौरा के रोल में एली गेल एम्स ने मेहनत की है लेकिन सायसा बहगल ने बस अपने किरदार को निभा भर दिया है सायसा को अगर इंडस्ट्री में लंबी पारी खेलनी है तो उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है वही बीरदास सौरभ शुक्ला और, और ग्रीस कर्नाड निराश करते हैं और कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ते अगर बतौर डायरेक्टर अजय देवगन की बात करें तो इस फील्ड में अजय देवगन को निराश किया है अजय ने एक ऐसी कमजोर कहानी पर फिल्म बनाई जिस पर पर इससे पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं वही उन्होंने फिल्म को दो हिस्सों में बांट कर रख दिया है अगर इंटरल से पहले की बात करें तो फिल्म बाप बेटी के बीच की कहानी है तो इंटरल के बाद फिल्म टोटली सौ फीसदी एक्शन फिल्म बनकर रह जाती है जिससे कहानी की रफ्तार थम जाती है तो वही एक्शन सीन के सामने इमोशनल सीन बोने पड़ जाते हैं अगर अजय चाहते तो आसानी से एक्शन सीन को कम कर सकते थे वही करीब पौने तीन घंटे से ज़्यादा अवध की फिल्म में दस पंद्रह मिनट की फ़िल्म पर कैची चलाते तो फिल्म ज़्यादा जानदार बन पाती हाँ अजय ने हर एक्शन सीन में जबरदस्त मेहनत की तो वही उनके बाप बेटी के सीन जानदार ढंग से फिल्म आए हैं फिल्म का संगीत कहानी और माहौल के मुताबिक टाइटल सॉन्ग वही शून्य है वही इकाई के भीतर सिपा सिवाय रिलीज से पहले ही कई म्यूजिक चार्ट में टॉप फाइव में शामिल हो चुका था लेकिन फिल्म के बाकी गाने बस औसत ही हैं लेकिन फिल्म के बाकी गाने बस औसत ही हैं अगर आप अजय देवगन के पक्के फैन हैं तो सिवाय को देखें क्योंकि आपके चहते स्टार की इस फिल्म में कोई एक्शन सीन दिल दहलाने वाले हैं तो कहीं बर्फीले पहाड़ों पर फिल्म की सिनेमाटोग्राफी कमाल की है अगर कहानी की खामियों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो अजय की यह एक ऐसी मेगा बजट फिल्म है जिससे आप एक्शन और इमोशन को इंजॉय कर सकते हैं अच्छी कहानी पर ख़राब फिल्म कैसे बनाई जाती है इसका उदाहरण है सिवाय इस कहानी पर एक सफल और अच्छी फिल्म बनाने के कई तत्व मौजूद थे लेकिन स्क्रीन प्ले ने पानी फेर दिया सिवाय देखने के बाद हमें दो तीन एक्शन सीक्वेंस और बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी ही याद रहती है सिवाय अजय दोगन एक प्रवतारोही है विदेशी पर्वतारोहियों का एक दल आता है जिसकी मदद सिवाय करता है इसी दल की ओल्गा एरिका कार से सिवाय की दोस्ती हो जाती है दोनों आकर्षित होकर सारी सीमाएं लांग जाते हैं ओल्गा गर्भवती हो जाती है वह बच्चे को गिराकर अपने देश बुल्गारिया लौट जाना चाहती है लेकिन सिवाय चाहता है कि ओल्गा बच्चे को जन्म दे ओल्गा इसी शर्त पर बच्चे को जन्म देने के लिए राजी होती है कि वह अपने बच्चे को कभी देखेगी भी नहीं और बच्चे की देखभाल की सारी जिम्मेदारी सिवाय की होगी बच्चे को जन्म देने के बाद उलगा अपने देश चली जाती है सिवाय अपनी बेटी का नाम गौरा रखता है और कहता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है गौरा गूंगी है आठ वर्ष की होने पर गौरा को पता चलता है कि उसकी माँ जीवित है वह माँ से मिलने की जिद करती है आखिरकार सिवाय उसे लेकर बुलगारिया जाता है दोनों उलगा को ढूंढते हैं इसी बीच इस गौरा का अपहरण हो जाता है सिवाय को पता चलता है कि बुलगारिया में बहत्तर घंटे के अंदर या तो बच्चे को वैसा भ्रत में ढकेल दिया जाता है या उसके अंग बेच दिए जाते हैं बहाव यानी बेलदास और अनुष्का यानी सायसा की मदद से सिवा किस तरह से अपनी बेटी को बचाता है यह फिल्म का सार है संदीप श्रीवास्तव ने फिल्म ने कहानी तो अच्छी लिखी लेकिन स्क्रीन प्ले ने सारा मजा कर किरा कर दिया सिवाय की बेटी को गूंगी दिखाने का कोई औचित्य ही नजर नहीं आया ओलगा का किरदार भी ठीक से नहीं लिखा गया है पहले तो आप अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देखती और बाद में बेटी के लिए उसका बेसब्र होना जंचता नहीं है स्क्रीन फिल्म में इमोशन पैदा करने की गुंजाइश थी जिसका उपयोग ही नहीं किया गया पिछले वर्ष प्रदर्शित हुई बजरंगी भाईजान की भी कहानी भी कुछ इस तरह की थी लेकिन उसमें इमोशन और मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा गया था सिवाय इस मामले में बहुत पिछड़ गई फिल्म का मूड उदासी वाला है सिवाय और गौरा के बुल्गारिया पहुँचने तक भी फिल्म ठीक रहती है लेकिन इसके बाद बिखर जाती है जबकि गौरा को बहत्तर घंटे में ढूंढने वाला मिशन रोमांस से भरपूर होना था इस मिशन में गत महसूस नहीं होती क्योंकि फिल्म को बहुत लंबा खींचा गया है अंत में तो शिवाय बहुत ज़्यादा फिल्मी हो गई है जब शिवाय और गौरी पर सैकड़ों गोलियाँ चलाई जाती हैं लेकिन एक भी उन्हें नहीं लगती पीछा करने वाले और एक्शन सिक्वेंस इतने लंबे हो गए हैं कि बोरियत होने लगती है अजय देवगन का निर्देशन औसत दर्जे का है उन्होंने हर दृश्य में अपने आप को रखा है हर कारनामा वे करते हैं सपोर्टिंग कास्ट को उभरने का अवसर ही उन्होंने नहीं दिया है इस वजह से सौरभ शुक्ला गिरीश कर्नाड वीरदास की भूमिकाएं आधी अधूरी लगती हैं अपने फिल्मएं शॉर्ट्स पर अजय इतने मोहित हो गए कि उन्हें हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए इससे फिल्म अनावश्यक रूप से लंबी हो गई कायदे से तो यह फिल्म दो घंटे की ही होनी थी फिल्म के स्टंट और एक्शन सीक्वेंस तारीफ़ के योग्य हैं हालांकि लंबे होने के कारण यह उतने असरदार नहीं बन पाए असीम बजाज की सिनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है अभिनय की बात की जाए तो अजय देवगन ने अपने किरदार को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता दे दी है हालांकि स्क्रिप्ट से उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिला लेकिन जितना हो सका उन्होंने किया एक्शन सीक्वेंस में बेहतर रहें एरिका कार का अभिनय औसत दर्जे का रहा गौरा बनी एबिलगेल एम्स दर्शकों का दिल जीत नहीं पाई और इसमें दोष निर्देशक का है सायशा सहेगल ने इस फिल्म से अपनी शुरुआत की है लेकिन उन्हें ज़्यादा अवसर नहीं मिल पाए फिल्म का टाइटल ट्रैक छोड़ दिया जाए तो मिथुन का संगीत है उनका बैकग्राउंड म्यूजिक तो फिल्मों जैसा है कुल मिलाकर सिवाय एक लंबी और थका देने वाली फिल्म है जिसमें मनोरंजन के तत्व भी कम हैं करीब डेढ़ सौ करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी निर्माता निर्देशक अभिनेता की बहुचर्चित फिल्म सिवाय अजय देवगन के दिल के बेहद करीब है पिछले साल अजय देवगन ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था इस दौरान उन्होंने दो नई फिल्मों की शूटिंग इसलिए शुरू नहीं की ताकि वह इस फिल्म को अपना सौ फीसदी दे सके अजय के मुताबिक बचपन से वह भगवान शिव के ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं और यही वजह है कि उन्होंने इस फिल्म को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इस फिल्म को बुल्गारिया की ऐसी उस दुर्गम बर, बर्फीली लोकेशंस में फिल्माया गया है जहां अक्सर वहां के मेकर भी जाने से कतराते हैं फिल्म में एक सीन के लिए अजय ने देश विदेश के करीब 2000 से ज़्यादा अलग अलग, अलग खिलौनों का इस्तेमाल किया तो फिल्म के उनके अपोजिट नज़र आई पोलिश एक्ट्रेस एरिका कार जिनके साथ फिल्म शुरू होने से करीब दो महीने पहले हिंदी सीखने के लिए हर रोज़ दो घंटे तक हिंदी में डायलॉग ट्रिबरी को लेकर वर्कशॉप की थी अजय इस फिल्म को कनाडा में शूट करना चाहते थे लेकिन अजय कनाडा में फिल्म के पहले शूटिंग के लिए पहुंचे तो अगले कई दिन तक वहां जमकर बर्फबारी हुई जिसका असर फिल्म के बजट पर पड़ा आखिरकार अजय ने फिल्म को बुल्गारिया में शूट किया यकीनन अजय ने बतौर निर्माता निर्देशक अपनी ओर से इस प्रोजेक्ट पर जमकर मेहनत की है लेकिन वही अगर बात और डायरेक्टर फिल्म पर उनकी पकड़ की बात की जाए तो करीब पौने तीन घंटे की इस फिल्म पर उनकी कसी हुई पकड़ नज़र नहीं आती यही वजह है कि उत्तराखंड में बर्फीले पहाड़ों के बीच बस एक छोटे से गाँव से शुरू हुई सिवाय की शुरुआती रफ्तार बेहद धीमी है तो वही अजय देवगन और एरिका कार की लव केमिस्ट्री का एंगल भी बेहद कमज़ोर है इंटरल के बाद पिता पुत्री के रिश्ते पर फोकस करते सिवाय टोटली एक्शन थ्रिलर फिल्म में बदल जाती है जहां हर दूसरे सीन में जमकर मारकाट और लाशों का ढेर नजर आता है इमोशन और एक्शन का ऐसा संगम भी कुछ अजीब लगता है पहले सीन में चारों ओर बर्फ़ से ढके पहाड़ों के बीच लाशों के साथ बुरी तरह से घायल सिवाय नजर आते हैं सिवाय के पास एक ही गुड़िया का खिलौना नज़र आता है यही से फिल्म की कहानी करीब नौ साल पीछे फ्लैशबैक में पहुंचती है सिवाय उत्तराखंड में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बस एक गांव में रहता है और यही अपना हो संभाला है सिवाय यहां इंडियन आर्मी के लिए भी अक्सर मुश्किल वक्त में मदद करने का काम करने के साथ यह आने वाले पर्यटकों को भी हिमालय की ट्रैकिंग पर ले जाने का काम करता है ओल्गा ने एरका कार यहां अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए आती है ट्रैकिंग के दौरान एक भेशड़ बर्फीले तूफान में सिवाय ओल्गा और उसके दोस्तों को बचाता है इसी तूफान में फंसे होने के दौरान उनके बीच शारीरिक रिश्ता बन जाता है हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि ओलगा को अगले कुछ वक्त के लिए सिवाय के गांव में रुकना पड़ता है यही उसे पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है ओलगा अपनी फैमिली के पास बुल्गारिया जाना चाहती है सो उसे बच्चा नहीं चाहिए सो उसे बच्चा नहीं चाहिए दूसरी ओर शिवाय चाहता है कि ओल्गा उसके बच्चे को जरूर जन्म दे ताकि वह ओल्गा के चले जाने के बाद अपनी बाकी ज़िंदगी उसी के बच्चे के साथ गुजार सके कुछ अरसे बाद ओल्गा को एक बेटी को जन्म देकर अपने देश लौट जाती है ओल्गा और सिवाय की बेटी बोल नहीं पाती लेकिन सुन सकती है सिवाय अब अपनी बेटी गौरा यानी एलीगेल एक्स के साथ गांव में खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है अचानक एक दिन गौरा को अपनी माँ के बारे में पता चलता है जो बुल्गारिया में रह रही है ओल्गा अपनी माँ से मिलने की जिद करती है लेकिन सिवाय नहीं चाहता कि गौरा अपनी माँ से मिलने जाए जिसने जन्म देने के बाद उसका मुंह तक नहीं देखा लेकिन गौरा की जिद के सामने सिवाय को झुकना पड़ा सिवाए बेटी गौरा को उसकी माँ से मिलाने बुल्गारिया पहुँचता है लेकिन यहाँ आने के दूसरे ही दिन गौरा का किडनैप हो जाता है सिवाय के लीड किरदार में अजय देवगन ने एक बार फिर गजब एक्टिंग की है बर्फीले पहाड़ों और बुल्गारिया की सड़कों पर अजय देवगन पर फिल्माए गए ज्यादातर एक्शन सीन हॉलीवुड फिल्मों से के एक्शन सीन को टक्कर देते हैं बेशक एरिका के साथ रोमांटिक सीन में अजय देवगन नहीं जमे लेकिन इमोशन सीन में उनका गजब अभिनय है ओल्गा के किरदार में एरिका कार सिल्वर स्क्रीन पर बेहद खूबसूरत तो लगती हैं लेकिन अपनी एक्टिंग से कहीं इम्प्रेस नहीं कर पाती सिवाय की बेटी गौरा के रोल में एली गेल एम्स ने मेहनत की है लेकिन सायसा बहगल ने बस अपने किरदार को निभा भर दिया है सायसा को अगर इंडस्ट्री में लंबी पारी खेलनी है तो उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है वही बीरदास सौरभ शुक्ला और, और ग्रीस कर्नाड निराश करते हैं और कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ते अगर बतौर डायरेक्टर अजय देवगन की बात करें तो इस फील्ड में अजय देवगन को निराश किया है अजय ने एक ऐसी कमजोर कहानी पर फिल्म बनाई जिस पर इससे पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं वही उन्होंने फिल्म को दो हिस्सों में बांट कर रख दिया है अगर इंट्रोल से पहले की बात करें तो फिल्म बाप बेटी के बीच की कहानी है तो इंटरल के बाद फिल्म टोटली सौ फीसदी एक्शन फिल्म बनकर रह जाती है जिससे कहानी की रफ्तार थम जाती है तो वही एक्शन सीन के सामने इमोशनल सीन बोने पड़ जाते हैं अगर अजय चाहते तो आसानी से एक्शन सीन को कम कर सकते थे वही करीब पौने तीन घंटे से ज़्यादा अवध की फिल्म में दस पंद्रह मिनट की फिल्म पर कैंची चलाते तो फिल्म ज्यादा जानदार बन पाती हाँ अजय ने हर एक्शन सीन में जबरदस्त मेहनत की तो वही उनके बाप बेटी के सीन जानदार ढंग से फिल्म आए हैं फिल्म का संगीत कहानी और माहौल के मुताबिक टाइटल सॉन्ग वही शून्य है वही इकाई के भीतर सिपा सिवाय रिलीज से पहले ही कई म्यूजिक चार्ट में टॉप फाइव में शामिल हो चुका था लेकिन फिल्म के बाकी गाने बस औसत ही हैं लेकिन फिल्म के बाकी गाने बस औसत ही हैं अगर आप अजय देवगन के पक्के फैन हैं तो सिवाय को देखें क्योंकि आपके चहते स्टार के इस फिल्म में कोई एक्शन सीन दिल दहलाने वाले हैं तो कहीं बर्फीले पहाड़ों पर फिल्म की सोनेमाटोग्राफी कमाल की है अगर कहानी की खामियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो अजय की यह एक ऐसी मेगा बजट फिल्म है जिससे आप एक्शन और इमोशन को इंजॉय कर सकते हैं अच्छी कहानी पर ख़राब फिल्म कैसे बनाई जाती है इसका उदाहरण है सिवाय इस कहानी पर एक सफल और अच्छी फिल्म बनाने के कई तत्व मौजूद थे लेकिन स्क्रीन प्ले ने पानी फेर दिया सिवाय देखने के बाद हमें दो तीन एक्शन सीक्वेंस और बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी ही याद रहती है सिवाय अजय देवगन एक रोही है विदेशी पर्वतारोहियों का एक दल आता है जिसकी मदद सिवाय करता है इसी दल की ओलगा यानी कार से सिवाय की दोस्ती हो जाती है दोनों आकर्षित होकर सारी सीमाएं लांग जाते हैं ओल्गा गर्भवती हो जाती है वह बच्चे को गिराकर अपने देश बुल्गारिया लौट जाना चाहती है लेकिन सिवाय चाहता है कि ओल्गा बच्चे को जन्म दे ओल्गा इसी शर्त पर बच्चे को जन्म देने के लिए राजी होती है कि वह अपने बच्चे को कभी देखेगी भी नहीं और बच्चे की देखभाल की सारी जिम्मेदारी सिवाय की होगी बच्चे को जन्म देने के बाद ओल्गा अपने देश चली जाती है सिवाय अपनी बेटी का नाम गौरा रखता है और कहता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है गौरा गूँगी है आठ वर्ष की होने पर गौरा को पता चलता है कि उसकी माँ जीवित है वह माँ से मिलने की जिद करती है आखिरकार सिवाय उसे लेकर बुलगारिया जाता है दोनों उल्गा को ढूंढते हैं इसी बीच इस गौरा का अपहरण हो जाता है सिवाय को पता चलता है कि बुलगारिया में बहत्तर घंटे के अंदर या तो बच्चे को वैसा व्रत में ढकेल दिया जाता है या उसके अंग बेच दिए जाते हैं बहाव यानी बेरदास और अनुष्का यानी सायसा की मदद से सिवाय किस तरह से अपनी बेटी को बचाता है यह फिल्म का सार है संदीप श्रीवास्तव ने फिल्म ने कहानी तो अच्छी लिखी लेकिन स्क्रीन प्ले ने सारा मजा कर किरा कर दिया सिवाय की बेटी को गूंगी दिखाने का कोई औचित्य ही नज़र नहीं आया ओलगा का किरदार भी ठीक से नहीं लिखा गया है पहले तो आप अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देखती और बाद में बेटी के लिए उसका बेसब्र होना जंचता नहीं है स्क्रीन प्ले में इमोशन पैदा करने की गुंजाइश थी जिसका उपयोग ही नहीं किया गया पिछले वर्ष प्रदर्शित हुई बजरंगी भाईजान की भी कहानी भी कुछ इस तरह की थी लेकिन उसमें इमोशन और मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा गया था सिवाय इस मामले में बहुत पिछड़ गई फिल्म का मूड उदासी वाला है सिवाय और गौरा के बुल्गारिया पहुंचने तक भी फिल्म ठीक रहती है लेकिन इसके बाद बिखर जाती है जबकि गौरा को बहत्तर घंटे में ढूंढने वाला मिशन रोमांच से भरपूर होना था इस मिशन में गत महसूस नहीं होती क्योंकि फिल्म को बहुत लंबा खींचा गया है अंत में तो सिवाय बहुत ज्यादा फिल्मी हो गई है जब सिवाय और गौरी पर सैकड़ों गोलियां चलाई जाती हैं लेकिन एक भी उन्हें नहीं लगती पीछा करने वाले और एक्शन सिक्वेंस इतने लंबे हो गए हैं कि बोरियत होने

फिल्म के स्टंट और एक्शन सीक्वेंस तारीफ़ के योग्य हैं हालांकि लंबे होने के कारण यह उतने असरदार नहीं बन पाए असीम बजाज की सीनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है अभिनय की बात की जाए तो अजय देवगन ने अपने किरदार को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता दे दी है हालांकि स्क्रिप्ट से उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिला लेकिन जितना हो सका उन्होंने किया एक्शन सिक्वेंस में बेहतर रहे एरिका कार का अभिनय औसत दर्जे का रहा गौरा बनी एबिलगेल एम्स दर्शकों का दिल जीत नहीं पाई और इसमें दोष निर्देशक का है सायशा सहगल ने इस फिल्म से अपनी शुरुआत की है लेकिन उन्हें ज़्यादा अवसर नहीं मिल पाए फिल्म का टाइटल ट्रैक छोड़ दिया जाए तो मिथुन का संगीत निराशनक है उनका बैकग्राउंड म्यूजिक तो फिल्मों जैसा है कुल मिलाकर सिवाय एक लंबी और थका देने वाली फिल्म है जिसमें मनोरंजन के तत्व भी कम हैं करीब डेढ़ सौ करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी निर्माता निर्देशक अभिनेता की बहुचर्चित फिल्म सिवाय अजय देवगन के दिल के बेहद करीब है पिछले साल अजय देवगन ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था इस दौरान उन्होंने दो नई फिल्मों की शूटिंग इसलिए शुरू नहीं की ताकि वह इस फिल्म को अपना सौ फीसदी दे सके अजय के मुताबिक बचपन से वह भगवान शिव के ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं और यही वजह है कि उन्होंने इस फिल्म को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इस फिल्म को बुल्गारिया की ऐसी उस दुर्गम बर, बर्फीली लोकेशंस में फिल्माया गया है जहां अक्सर वहां के मेकर भी जाने से कतराते हैं फिल्म में एक सीन के लिए अजय ने देश विदेश के करीब 2000 से ज़्यादा अलग अलग, अलग खिलौनों का इस्तेमाल किया तो फिल्म के उनके अपोजिट नज़र आई पोलिश एक्ट्रेस एरिका कार जिनके साथ फिल्म शुरू होने से करीब दो महीने पहले हिंदी सीखने के लिए हर रोज़ दो घंटे तक हिंदी में डायलॉग ड्रिबरी को लेकर वर्कशॉप की थी अजय इस फिल्म को कनाडा में शूट करना चाहते थे लेकिन अजय कनाडा में फिल्म के पहले शूटिंग के लिए पहुंचे तो अगले कई दिन तक वहां जमकर बर्फबारी हुई जिसका असर फिल्म के बजट पर पड़ा आखिरकार अजय ने फिल्म को बुल्गारिया में शूट किया यकीनन अजय ने बतौर निर्माता निर्देशक अपनी ओर से इस प्रोजेक्ट पर जमकर मेहनत की है लेकिन वही अगर बात और डायरेक्टर फिल्म पर उनकी पकड़ की बात की जाए तो करीब पौने तीन घंटे की इस फिल्म पर उनकी कसी हुई पकड़ नज़र नहीं आती यही वजह है कि उत्तराखंड में बर्फीले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गाँव से शुरू हुई सिवाय की शुरुआती रफ़्तार बेहद धीमी है तो वही अजय देवगन और एरिका कार की लव केमिस्ट्री का एंगल भी बेहद कमज़ोर है इंटरवल के बाद पिता पुत्री के रिश्ते पर फोकस करते सिवाय टोटली एक्शन थ्रिलर फिल्म में बदल जाती है जहां हर दूसरे सीन में जमकर मारकाट और लाशों का ढेर नजर आता है इमोशन और एक्शन का ऐसा संगम भी कुछ अजीब लगता है पहले सीन में चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच लाशों के साथ बुरी तरह से घायल सिवाय नजर आते हैं सिवाय के पास एक ही गुड़िया का खिलौना नजर आता है यही से फिल्म की कहानी करीब नौ साल पीछे फ्लैशबैक में पहुंचती है सिवाय उत्तराखंड में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बस एक गांव में रहता है और यही अपना हो संभाला है सिवाय यहां इंडियन आर्मी के लिए भी अक्सर मुश्किल वक्त में मदद करने का काम करने के साथ यह आने वाले पर्यटकों को भी हिमालय की ट्रैकिंग पर ले जाने का काम करता है ओलका कार यहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए आती है ट्रैकिंग के दौरान एक भीषण बर्फीले तूफान में सिवाय ओलका और उसके दोस्तों को बचाता है इसी तूफान में फंसे होने के दौरान उनके बीच शारीरिक रिश्ता बन जाता है हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि ओल्गा को अगले कुछ वक्त के लिए सिवाय के गांव में रुकना पड़ता है यही उसे पता चलता है कि वह मां बनने वाली है ओलगा अपनी फैमिली के पास बुल्गारिया जाना चाहती है सो उसे बच्चा नहीं चाहिए सो उसे बच्चा नहीं चाहिए दूसरी ओर शिवाय चाहता है कि ओल्गा उसके बच्चे को जरूर जन्म दे ताकि वह ओल्गा के चले जाने के बाद अपनी बाकी ज़िंदगी उसी के बच्चे के साथ गुजार सके कुछ अरसे बाद ओल्गा को एक बेटी को जन्म देकर अपने देश लौट जाती है ओल्गा और सिवाय की बेटी बोल नहीं पाती लेकिन सुन सकती है सिवाय अब अपनी बेटी गौरा यानी एली एक्स के साथ गांव में खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है अचानक एक दिन गौरा को अपनी मां के बारे में पता चलता है जो बुल्गारिया में रह रही है ओल्गा अपनी मां से मिलने की जिद करती है लेकिन सिवाय नहीं चाहता कि गौरा अपनी माँ से मिलने जाए जिसने जन्म देने के बाद उसका मुँह तक नहीं देखा लेकिन गौरा की जिद के सामने सिवाय को झुकना पड़ा सिवाय बेटी गौरा को उसकी माँ से मिलाने बुल्गारिया पहुँचता है लेकिन यहाँ आने के दूसरे ही दिन गौरा का किडनैप हो जाता है सिवाय के लीड किरदार में अजय देवगन ने एक बार फिर गजब एक्टिंग की है बर्फीले पहाड़ों और बुल्गारिया की सड़कों पर अजय देवगन पर फिल्माए गए ज्यादातर एक्शन सीन हॉलीवुड फिल्मों से के एक्शन सीन को टक्कर देते हैं बेशक एरिका के साथ रोमांटिक सीन में अजय देवगन नहीं जमे, लेकिन इमोशन सीन में उनका गजब अभिनय है होलगा के किरदार में एरिका कार सिल्वर स्क्रीन पर बेहद खूबसूरत तो लगती हैं लेकिन अपनी एक्टिंग से कहीं इम्प्रेस नहीं कर पाती सिवाय की बेटी गौरा के रोल में एली गेल एम्स ने मेहनत की है लेकिन सायसा बहगल ने बस अपने किरदार को निभा भर दिया है सायसा को अगर इंडस्ट्री में लंबी पारी खेलनी है तो उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है वही बेरदास सौरभ शुक्ला और, और ग्रीस कर्नाड निराश करते हैं और कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ते अगर बतौर डायरेक्टर अजय देवगन की बात करें तो इस फील्ड में अजय देवगन को निराश किया है अजय ने एक ऐसी कमजोर कहानी पर फिल्म बनाई जिस पर इससे पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं वही उन्होंने फ़िल्म को दो हिस्सों में बांट कर रख दिया है अगर इंट्रोल से पहले की बात करें तो फिल्म बाप बेटी के बीच की कहानी है तो इंटरल के बाद फिल्म टोटली सौ फीसदी एक्शन फिल्म बन कर रह जाती है जिससे कहानी की रफ्तार थम जाती है तो वही एक्शन सीन के सामने इमोशनल सीन बोने पड़ जाते हैं अगर अजय चाहते तो आसानी से एक्शन सीन को कम कर सकते थे वही करीब पौने तीन घंटे से ज़्यादा अवध की फिल्म में दस पंद्रह मिनट की फिल्म पर कैंची चलाते तो फिल्म ज़्यादा जानदार बन पाती हाँ अजय ने हर एक्शन सीन में ज़बरदस्त मेहनत की तो वही उनके बाप बेटी के सीन जानदार ढंग से फिल्म हैं फिल्म का संगीत कहानी और माहौल के मुताबिक टाइटल सॉन्ग वही शून्य है वही इकाई के भीतर छिपा सिवाय रिलीज से पहले ही कई म्यूजिक चार्ट में टॉप फाइव में शामिल हो चुका था लेकिन फिल्म के बाकी गाने बस औसत ही हैं लेकिन फिल्म के बाकी गाने बस औसत ही हैं अगर आप अजय देवगन के पक्के फैन हैं तो सिवाय को देखें क्योंकि आपके चहते स्टार की इस फिल्म में कोई एक्शन सीन दिल दहलाने वाले हैं तो कहीं बर्फीले पहाड़ों पर फिल्म की सीनेमाटोग्राफी कमाल की है अगर कहानी की खामियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो अजय की यह एक ऐसी मेगा बजट फिल्म है जिससे आप एक्शन और इमोशन को इंजॉय कर सकते हैं अच्छी कहानी पर ख़राब फिल्म कैसे बनाई जाती है इसका उदाहरण है सिवाय इस कहानी पर एक सफल और अच्छी फिल्म बनाने के कई तत्व मौजूद थे लेकिन स्क्रीन प्ले ने पानी फेर दिया सिवाय देखने के बाद हमें दो तीन एक्शन सीक्वेंस और बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी ही याद रहती है सिवाय अजय देवगन एक प्रवतारोही है विदेशी पर्वतारोहियों का एक दल आता है जिसकी मदद सिवाय करता है इसी दल की ओलगा यानी कार से सिवाय की दोस्ती हो जाती है दोनों आकर्षित होकर सारी सीमाएं लांग जाते हैं ओल्गा गर्भवती हो जाती है वह बच्चे को गिरा कर अपने देश बुल्गारिया लौट जाना चाहती है लेकिन सिवाय चाहता है कि ओल्गा बच्चे को जन्म दे ओल्गा इसी शर्त पर बच्चे को जन्म देने के लिए राजी होती है कि वह अपने बच्चे को कभी देखेगी भी नहीं और बच्चे की देखभाल की सारी जिम्मेदारी सिवाय की होगी बच्चे को जन्म देने के बाद उलगा अपने देश चली जाती है सिवाय अपनी बेटी का नाम गौरा रखता है और कहता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है गौरा गूँगी है आठ वर्ष की होने पर गौरा को पता चलता है कि उसकी माँ जीवित है वह माँ से मिलने की जिद करती है आखिरकार सिवाय उसे लेकर बुलगारिया जाता है दोनों उलगा को ढूंढते हैं इसी बीच इस गौरा का अपहरण हो जाता है सिवाय को पता चलता है कि बुलगारिया में बहत्तर घंटे के अंदर या तो बच्चे को वैसा व्रत में ढकेल दिया जाता है या उसके अंग बेच दिए जाते हैं बहाव यानी बेलदास और अनुष्का यानी सायसा की मदद से सिवा किस तरह से अपनी बेटी को बचाता है यह फिल्म का सार है संदीप श्रीवास्तव ने फिल्म ने कहानी तो अच्छी लिखी लेकिन स्क्रीन प्ले ने सारा मजाक किरा कर दिया सिवाय की बेटी को गूंगी दिखाने का कोई औचित्य ही नज़र नहीं आया ओलका का किरदार भी ठीक से नहीं लिखा गया है पहले तो आप अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देखती और बाद में बेटी के लिए उसका बेसब्र होना चंचता नहीं है स्क्रीन प्ले में इमोशन पैदा करने की गुंजाइश थी जिसका उपयोग ही नहीं किया गया पिछले वर्ष प्रदर्शित हुई बजरंगी भाईजान की भी कहानी भी कुछ इस तरह की थी लेकिन उसमें इमोशन और मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा गया था सिवाय इस मामले में बहुत पिछड़ गई फिल्म का मूड उदासी वाला है सिवाय और गौरा के बुल्गारिया पहुंचने तक भी फिल्म ठीक रहती है लेकिन इसके बाद बिखर जाती है जबकि गौरा को बहत्तर घंटे में ढूंढने वाला मिशन रोमांच से भरपूर होना था इस मिशन में गत महसूस नहीं होती क्योंकि फिल्म को बहुत लंबा खींचा गया है अंत में तो सिवाय बहुत ज़्यादा फिल्मी हो गई है जब सिवाय और गौरी पर सैकड़ों गोलियाँ चलाई जाती हैं लेकिन एक भी उन्हें नहीं लगती पीछा करने वाले और एक्शन सिक्वेंस इतने लंबे हो गए हैं कि बोरियत होने लगे

फिल्म के स्टंट और एक्शन सीक्वेंस तारीफ के योग्य हैं हालांकि लंबे होने के कारण यह उतने असरदार नहीं बन पाए असीम बजाज की सिनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है अभिनय की बात की जाए तो अजय देवगन ने अपने किरदार को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता दे दी है हालांकि स्क्रिप्ट से उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिला लेकिन जितना हो सका उन्होंने किया एक्शन सिक्वेंस में बेहतर रहें एरिका कार का अभिनय औसत दर्जे का रहा गौरा बनी एबिलगेल एम्स दर्शकों का दिल जीत नहीं पाई और इसमें दोष निर्देशक का है सायसा सहगल ने इस फिल्म से अपनी शुरुआत की है लेकिन उन्हें ज़्यादा अवसर नहीं मिल पाए फिल्म का टाइटल ट्रैक छोड़ दिया जाए तो मिथुन का संगीत निराशजनक है उनका बैकग्राउंड म्यूजिक तो बी ग्रेड फिल्मों जैसा है कुल मिलाकर सिवाय एक लंबी और थका देने वाली फिल्म है जिसमें मनोरंजन के तत्व भी कम हैं करीब डेढ़ सौ करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी निर्माता निर्देशक अभिनेता की बहुचर्चित फिल्म सिवाय अजय देवगन के दिल के बेहद करीब है पिछले साल अजय देवगन ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था इस दौरान उन्होंने दो नई फिल्मों की शूटिंग इसलिए शुरू नहीं की ताकि वह इस फिल्म को अपना सौ फीसदी दे सके अजय के मुताबिक बचपन से वह भगवान शिव के ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं और यही वजह है कि उन्होंने इस फिल्म को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इस फिल्म को बुल्गारिया की ऐसी उस दुर्गम बर, बर्फीली लोकेशंस में फिल्माया गया है जहां अक्सर वहां के मेकर भी जाने से कतराते हैं फिल्म में एक सीन के लिए अजय ने देश विदेश के करीब 2000 से ज़्यादा अलग, अलग अलग खिलौनों का इस्तेमाल किया तो फिल्म के उनके अपोजिट नज़र आई पोलिश एक्ट्रेस एरिका कार जिनके साथ फिल्म शुरू होने से करीब दो महीने पहले हिंदी सीखने के लिए हर रोज़ दो घंटे तक हिंदी में डायलॉग डिलवरी को लेकर वर्कशॉप की थी अजय इस फिल्म को कनाडा में शूट करना चाहते थे लेकिन अजय कनाडा में फिल्म के पहले शूटिंग के लिए पहुंचे तो अगले कई दिन तक वहां जमकर बर्फबारी हुई जिसका असर फिल्म के बजट पर पड़ा आखिरकार अजय ने फिल्म को बुल्गारिया में शूट किया यकीनन अजय ने बतौर निर्माता निर्देशक अपनी ओर से इस प्रोजेक्ट पर जमकर मेहनत की है लेकिन वही अगर बात और डायरेक्टर फिल्म पर उनकी पकड़ की बात की जाए तो करीब पौने तीन घंटे की इस फिल्म पर उनकी कसी हुई पकड़ नज़र नहीं आती यही वजह है कि उत्तराखंड में बर्फीले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गाँव से शुरू हुई सिवाय की शुरुआती रफ़्तार बेहद धीमी है तो वही अजय देवगन और एरिका कार की लव केमिस्ट्री का एंगल भी बेहद कमज़ोर है इंट्रोल के बाद पिता पुत्री के रिश्ते पर फोकस करते सिवाय टोटली एक्शन थ्रिलर फिल्म में बदल जाती है जहां हर दूसरे सीन में जमकर मारकाट और लाशों का ढेर नजर आता है इमोशन और एक्शन का ऐसा संगम भी कुछ अजीब लगता है पहले सीन में चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच से लाशों के साथ बुरी तरह से घायल सिवाय नजर आते हैं सिवाय के पास एक ही गुड़िया का खिलौना नजर आता है यही से फिल्म की कहानी करीब नौ साल पीछे फ्लैशबैक में पहुंचती है सिवाय उत्तराखंड में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसे एक गाँव में रहता है और यही अपना होश संभाला है सिवाय यहाँ इंडियन आर्मी के लिए भी अक्सर मुश्किल वक्त में मदद करने का काम करने के साथ यह आने वाले पर्यटकों को भी हिमालय की ट्रैकिंग पर ले जाने का काम करता है ओलका ने एरिककार यहां अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए आती है ट्रैकिंग के दौरान एक भीषण बर्फीले तूफान में सिवाय ओलगा और उसके दोस्तों को बचाता है इसी तूफान में फंसे होने के दौरान उनके बीच शारीरिक रिश्ता बन जाता है हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि ओलगा को अगले कुछ वक्त के लिए सिवाय के गांव में रुकना पड़ता है यही उसे पता चलता है कि वह मां बनने वाली है ओलगा अपनी फैमिली के पास बुल्गारिया जाना चाहती है सो उसे बच्चा नहीं चाहिए सो उसे बच्चा नहीं चाहिए दूसरी ओर शिवाय चाहता है कि ओल्गा उसके बच्चे को जरूर जन्म दे ताकि वह ओल्गा के चले जाने के बाद अपनी बाकी जिंदगी उसी के बच्चे के साथ गुजार सके कुछ अरसे बाद ओल्गा को एक बेटी को जन्म देकर अपने देश लौट जाती है ओल्गा और शिवाय की बेटी बोल नहीं पाती लेकिन सुन सकती है शिवाय अब अपनी बेटी गौरा यानी एली एक्स के साथ गांव में खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है अचानक एक दिन गौरा को अपनी मां के बारे में पता चलता है जो बुल्गारिया में रह रही है ओल्गा अपनी मां से मिलने की जिद करती है लेकिन सिवाय नहीं चाहता कि गौरा अपनी मां से मिलने जाए जिसने जन्म देने के बाद उसका मुंह तक नहीं देखा लेकिन गौरा की जिद के सामने सिवाय को झुकना पड़ा सिवाय बेटी गौरा को उसकी माँ से मिलाने बुल्गारिया बुलगारिया पहुँचता है लेकिन यहाँ आने के दूसरे ही दिन गौरा का किडनैप हो जाता है सिवाय के लीड किरदार में अजय देवगन ने एक बार फिर गजब एक्टिंग की है बर्फीले पहाड़ों और बुल्गारिया की सड़कों पर अजय देवगन पर फिल्माए गए ज्यादातर एक्शन सीन हॉलीवुड फिल्मों से के एक्शन सीन को टक्कर देते हैं बेशक एरिका के साथ रोमांटिक सीन में अजय देवगन नहीं जमे लेकिन इमोशन सीन में उनका गजब अभिनय है बोलगा के किरदार में एरिका कार सिल्वर स्क्रीन पर बेहद खूबसूरत तो लगती हैं लेकिन अपनी एक्टिंग से कहीं इम्प्रेस नहीं कर पाती सिवाय की बेटी गौरा के रोल में एली गेल एम्स ने मेहनत की है लेकिन शायशा बहगल ने बस अपने किरदार को निभा भर दिया है शायशा को अगर इंडस्ट्री में लंबी पारी खेलनी है तो उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है वही बेरदास सौरभ शुक्ला और, और ग्रीस कर्नार्ड निराश करते हैं और कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ते अगर बतौर डायरेक्टर अजय देवगन की बात करें तो इस फील्ड में अजय देवगन को निराश किया है अजय ने एक ऐसी कमज़ोर कहानी पर फिल्म बनाई जिस पर पर इससे पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं वही उन्होंने फिल्म को दो हिस्सों में बांट कर रख दिया है अगर इंटरल से पहले की बात करें तो फिल्म बाप बेटी के बीच की कहानी है तो इंटरल के बाद फिल्म टोटली सौ फीसदी एक्शन फिल्म बनकर रह जाती है जिससे कहानी की रफ्तार थम जाती है तो वही एक्शन सीन के सामने इमोशनल सीन बोने पड़ जाते हैं अगर अजय चाहते तो आसानी से एक्शन सीन को कम कर सकते थे वही करीब पौने तीन घंटे से ज़्यादा अवध की फिल्म में दस पंद्रह मिनट की फ़िल्म पर कैची चलाते तो फिल्म ज़्यादा जानदार बन पाती हाँ अजय ने हर एक्शन सीन में जबरदस्त मेहनत की तो वही उनके बाप बेटी के सीन जानदार ढंग से फिल्म आए हैं फिल्म का संगीत कहानी और माहौल के मुताबिक टाइटल सॉन्ग वही शून्य है वही इकाई के भीतर सिपा सिवाय रिलीज से पहले ही कई म्यूजिक चार्ट में टॉप फाइव में शामिल हो चुका था लेकिन फिल्म के बाकी गाने बस औसत ही हैं लेकिन फिल्म के बाकी गाने बस औसत ही हैं अगर आप अजय देवगन के पक्के फैन हैं तो सिवाय को देखें क्योंकि आपके चहते स्टार की इस फिल्म में कोई एक्शन सीन दिल दहलाने वाले हैं तो कहीं बर्फीले पहाड़ों पर फिल्म की सिनेमाटोग्राफी कमाल की है अगर कहानी की खामियों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो अजय की यह एक ऐसी मेगा बजट फिल्म है जिससे आप एक्शन और इमोशन को इंजॉय कर सकते हैं अच्छी कहानी पर ख़राब फिल्म कैसे बनाई जाती है इसका उदाहरण है सिवाय इस कहानी पर एक सफल और अच्छी फिल्म बनाने के कई तत्व मौजूद थे लेकिन स्क्रीन प्ले ने पानी फेर दिया सिवाय देखने के बाद हमें दो तीन एक्शन सीक्वेंस और बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी ही याद रहती है सिवाय अजय देवगन एक पर्वतारोही है विदेशी पर्वतारोहियों का एक दल आता है जिसकी मदद सिवाय करता है इसी दल की ओलगा यानी कार से सिवाय की दोस्ती हो जाती है दोनों आकर्षित होकर सारी सीमाएं लांग जाते हैं ओल्गा गर्भवती हो जाती है वह बच्चे को गिराकर अपने देश बुल्गारिया लौट जाना चाहती है लेकिन सिवाय चाहता है कि ओल्गा बच्चे को जन्म दे ओल्गा इसी शर्त पर बच्चे को जन्म देने के लिए राजी होती है कि वह अपने बच्चे को कभी देखेगी भी नहीं और बच्चे की देखभाल की सारी जिम्मेदारी सिवाय की होगी बच्चे को जन्म देने के बाद ओल्गा अपने देश चली जाती है सिवाय अपनी बेटी का नाम गौरा रखता है और कहता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है गौरा गूंगी है आठ वर्ष की होने पर गौरा को पता चलता है कि उसकी माँ जीवित है वह माँ से मिलने की जिद करती है आखिरकार सिवाय उसे लेकर बुलगारिया जाता है दोनों उल्गा को ढूंढते हैं इसी बीच इस गौरा का अपहरण हो जाता है सिवाय को पता चलता है कि बुलगारिया में बहत्तर घंटे के अंदर या तो बच्चे को वैसा में ढकेल दिया जाता है या उसके अंग बेच दिए जाते हैं बहाव यानी बेरदास और अनुष्का यानी सायसा की मदद से सिवा किस तरह से अपनी बेटी को बचाता है यह फिल्म का सार है संदीप श्रीवास्तव ने फिल्म ने कहानी तो अच्छी लिखी लेकिन स्क्रीन प्ले ने सारा मजा कर किरा कर दिया सिवाय की बेटी को गूंगी दिखाने का कोई औचित्य ही नज़र नहीं आया ओलगा का किरदार भी ठीक से नहीं लिखा गया है पहले तो आप अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देखती और बाद में बेटी के लिए उसका बेसब्र होना जंचता नहीं है स्क्रीन प्ले में इमोशन पैदा करने की गुंजाइश थी जिसका उपयोग ही नहीं किया गया पिछले वर्ष प्रदर्शित हुई बजरंगी भाईजान की भी कहानी भी कुछ इस तरह की थी लेकिन उसमें इमोशन और मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा गया था सिवाय इस मामले में बहुत पिछड़ गई फिल्म का मूड उदासी वाला है सिवाय और गौरा के बुल्गारिया पहुंचने तक भी फिल्म ठीक रहती है लेकिन इसके बाद बिखर जाती है जबकि गौरा को बहत्तर घंटे में ढूंढने वाला मिशन रोमांच से भरपूर होना था इस मिशन में गत महसूस नहीं होती क्योंकि फिल्म को बहुत लंबा खींचा गया है अंत में तो सिवाय बहुत ज़्यादा फिल्मी हो गई है जब सिवाय और गौरी पर सैकड़ों गोलियाँ चलाई जाती हैं लेकिन एक भी उन्हें नहीं लगती पीछा करने वाले और एक्शन सिक्वेंस इतने लंबे हो गए हैं कि बोरियत होने लगे

फिल्म के स्टंट और एक्शन सीक्वेंस तारीफ़ के योग्य हैं हालांकि लंबे होने के कारण यह उतने असरदार नहीं बन पाए असीम बजाज की सीनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है अभिनय की बात की जाए तो अजय देवगन ने अपने किरदार को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता दे दी है हालांकि स्क्रिप्ट से उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिला लेकिन जितना हो सका उन्होंने किया एक्शन सीक्वेंस में बेहतर रहें एरिका कार का अभिनय औसत दर्जे का रहा गौरा बनी एबिलगेल एम्स दर्शकों का दिल जीत नहीं पाई और इसमें दोष निर्देशक का है सायसा सहगल ने इस फिल्म से अपनी शुरुआत की है लेकिन उन्हें ज़्यादा अवसर नहीं मिल पाए फिल्म का टाइटल ट्रैक छोड़ दिया जाए तो मिथुन का संगीत है उनका बैकग्राउंड म्यूजिक तो फिल्मों जैसा है कुल मिलाकर सिवाय एक लंबी और थका देने वाली फिल्म है जिसमें मनोरंजन के तत्व भी कम हैं करीब डेढ़ सौ करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी निर्माता निर्देशक अभिनेता की बहुचर्चित फिल्म सिवाय अजय देवगन के दिल के बेहद करीब है पिछले साल अजय देवगन ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था इस दौरान उन्होंने दो नई फिल्मों की शूटिंग इसलिए शुरू नहीं की ताकि वह इस फिल्म को अपना सौ फीसदी दे सके अजय के मुताबिक बचपन से वह भगवान शिव के ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं और यही वजह है कि उन्होंने इस फिल्म को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इस फिल्म को बुल्गारिया की ऐसी उस दुर्गम बर, बर्फीली लोकेशंस में फिल्माया गया है जहां अक्सर वहां के मेकर भी जाने से कतराते हैं फिल्म में एक सीन के लिए अजय ने देश विदेश के करीब 2000 से ज़्यादा अलग अलग, अलग खिलौनों का इस्तेमाल किया तो फिल्म के उनके अपोजिट नज़र आई पोलिश एक्ट्रेस एरिका कार जिनके साथ फिल्म शुरू होने से करीब दो महीने पहले हिंदी सीखने के लिए हर रोज़ दो घंटे तक हिंदी में डायलॉग ट्रिबरी को लेकर वर्कशॉप की थी अजय इस फिल्म को कनाडा में शूट करना चाहते थे लेकिन अजय कनाडा में फिल्म के पहले शूटिंग के लिए पहुंचे तो अगले कई दिन तक वहां जमकर बर्फबारी हुई जिसका असर फिल्म के बजट पर पड़ा आखिरकार अजय ने फिल्म को बुल्गारिया में शूट किया यकीनन अजय ने बतौर निर्माता निर्देशक अपनी ओर से इस प्रोजेक्ट पर जमकर मेहनत की है लेकिन वही अगर बात और डायरेक्टर फिल्म पर उनकी पकड़ की बात की जाए तो करीब पौने तीन घंटे की इस फिल्म पर उनकी कसी हुई पकड़ नज़र नहीं आती यही वजह है कि उत्तराखंड में बर्फीले पहाड़ों के बीच बस एक छोटे से गाँव से शुरू हुई सिवाय की शुरुआती रफ्तार बेहद धीमी है तो वही अजय देवगन और एरिका कार की लव केमिस्ट्री का एंगल भी बेहद कमज़ोर है इंट्रोल के बाद पिता पुत्री के रिश्ते पर फोकस करते सिवाय टोटली एक्शन थ्रिलर फिल्म में बदल जाती है जहां हर दूसरे सीन में जमकर मारकाट और लाशों का ढेर नजर आता है इमोशन और एक्शन का ऐसा संगम भी कुछ अजीब लगता है पहले सीन में चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच से लाशों के साथ बुरी तरह से घायल सिवाय नजर आते हैं सिवाय के पास एक ही गुड़िया का खिलौना नजर आता है यही से फिल्म की कहानी करीब नौ साल पीछे फ्लैशबैक में पहुंचती है सिवाय उत्तराखंड में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसे एक गाँव में रहता है और यही अपना होश संभाला है सिवाय यहाँ इंडियन आर्मी के लिए भी अक्सर मुश्किल वक्त में मदद करने का काम करने के साथ यह आने वाले पर्यटकों को भी हिमालय की ट्रैकिंग पर ले जाने का काम करता है ओलगा निरिका कार यहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए आती है ट्रैकिंग के दौरान एक भीषण बर्फीले तूफान में शिवाय ओलगा और उसके दोस्तों को बचाता है इसी तूफान में फंसे होने के दौरान उनके बीच शारीरिक रिश्ता बन जाता है हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि ओलगा को अगले कुछ वक्त के लिए सिवाय के गांव में रुकना पड़ता है यही उसे पता चलता है कि वह मां बनने वाली है ओलगा अपनी फैमिली के पास बुल्गारिया जाना चाहती है सो उसे बच्चा नहीं चाहिए सो उसे बच्चा नहीं चाहिए दूसरी ओर शिवाय चाहता है कि ओल्गा उसके बच्चे को जरूर जन्म दे ताकि वह ओल्गा के चले जाने के बाद अपनी बाकी ज़िंदगी उसी के बच्चे के साथ गुजार सके कुछ अरसे बाद ओल्गा को एक बेटी को जन्म देकर अपने देश लौट जाती है ओल्गा और शिवाय की बेटी बोल नहीं पाती लेकिन सुन सकती है शिवाय अब अपनी बेटी गौरा यानी एली एक्स के साथ गांव में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है अचानक एक दिन गौरा को अपनी मां के बारे में पता चलता है जो बुल्गारिया में रह रही है ओलगा अपनी मां से मिलने की जिद करती है लेकिन सिवाय नहीं चाहता कि गौरा अपनी मां से मिलने जाए जिसने जन्म देने के बाद उसका मुंह तक नहीं देखा लेकिन गौरा की जिद के सामने सिवाय को झुकना पड़ा सिवाए बेटी गौरा को उसकी माँ से मिलाने बुल्गारिया पहुँचता है लेकिन यहाँ आने के दूसरे ही दिन गौरा का किडनैप हो जाता है सिवाय के लीड किरदार में अजय देवगन ने एक बार फिर गजब एक्टिंग की है बर्फीले पहाड़ों और बुल्गारिया की सड़कों पर अजय देवगन पर फिल्माए गए ज्यादातर एक्शन सीन हॉलीवुड फिल्मों से के एक्शन सीन को टक्कर देते हैं बेशक एरिका के साथ रोमांटिक सीन में अजय देवगन नहीं जमे लेकिन इमोशन सीन में उनका गजब अभिनय है ओलगा के किरदार में एरिका कार सिल्वर स्क्रीन पर बेहद खूबसूरत तो लगती हैं लेकिन अपनी एक्टिंग से कहीं इम्प्रेस नहीं कर पाती सिवाय की बेटी गौरा के रोल में एली गेल एम्स ने मेहनत की है लेकिन शायशा सा बहगल ने बस अपने किरदार को निभा भर दिया है शायशा सा को अगर इंडस्ट्री में लंबी पारी खेलनी है तो उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है वही बेरदास सौरभ शुक्ला और, और ग्रीस कर्नार्ड निराश करते हैं और कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ते अगर बतौर डायरेक्टर अजय देवगन की बात करें तो इस फील्ड में अजय देवगन को निराश किया है अजय ने एक ऐसी कमजोर कहानी पर फिल्म बनाई जिस पर इससे पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं वही उन्होंने फिल्म को दो हिस्सों में बांट कर रख दिया है अगर इंटरल से पहले की बात करें तो फिल्म बाप बेटी के बीच की कहानी है तो इंट्रोल के बाद फिल्म टोटली सौ फीसदी एक्शन फिल्म बनकर रह जाती है जिससे कहानी की रफ्तार थम जाती है तो वही एक्शन सीन के सामने इमोशनल सीन बोने पड़ जाते हैं अगर अजय चाहते तो आसानी से एक्शन सीन को कम कर सकते थे वही करीब पौने तीन घंटे से ज़्यादा अवध की फिल्म में दस पंद्रह मिनट की फिल्म पर कैंची चलाते तो फिल्म ज़्यादा जानदार बन पाती हाँ अजय ने हर एक्शन सीन में जबरदस्त मेहनत की तो वही उनके बाप बेटी के सीन जानदार ढंग से फिल्म हैं फिल्म का संगीत कहानी और माहौल के मुताबिक टाइटल सॉन्ग वही शून्य है वही इकाई के भीतर सिपा सिवाय रिलीज से पहले ही कई म्यूजिक चार्ट में टॉप फाइव में शामिल हो चुका था लेकिन फिल्म के बाकी गाने बस औसत ही हैं लेकिन फिल्म के बाकी गाने बस औसत ही हैं अगर आप अजय देवगन के पक्के फैन हैं तो सिवाय को देखें क्योंकि आपके चहते स्टार के इस फिल्म में कोई एक्शन सीन दिल दहलाने वाले हैं तो कहीं बर्फीले पहाड़ों पर फिल्म की सोनेमाटोग्राफी कमाल की है अगर कहानी की खामियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो अजय की यह एक ऐसी मेगा बजट फिल्म है जिससे आप एक्शन और इमोशन को इंजॉय कर सकते हैं अच्छी कहानी पर ख़राब फिल्म कैसे बनाई जाती है इसका उदाहरण है सिवाय इस कहानी पर एक सफल और अच्छी फिल्म बनाने के कई तत्व मौजूद थे लेकिन स्क्रीन प्ले ने पानी फेर दिया सिवाय देखने के बाद हमें दो तीन एक्शन सीक्वेंस और बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी ही याद रहती है सिवाय अजय देवगन एक पर्वतारोही है विदेशी पर्वतारोहियों का एक दल आता है जिसकी मदद सिवाय करता है इसी दल की ओलगा यानी कार से सिवाय की दोस्ती हो जाती है दोनों आकर्षित होकर सारी सीमाएं लांग जाते हैं ओल्गा गर्भवती हो जाती है वह बच्चे को गिराकर अपने देश बुल्गारिया लौट जाना चाहती है लेकिन सिवाय चाहता है कि ओल्गा बच्चे को जन्म दे ओल्गा इसी शर्त पर बच्चे को जन्म देने के लिए राजी होती है कि वह अपने बच्चे को कभी देखेगी भी नहीं और बच्चे की देखभाल की सारी जिम्मेदारी सिवाय की होगी बच्चे को जन्म देने के बाद ओल्गा अपने देश चली जाती है सिवाय अपनी बेटी का नाम गौरा रखता है और कहता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है गौरा गूँगी है आठ वर्ष की होने पर गौरा को पता चलता है कि उसकी माँ जीवित है वह माँ से मिलने की जिद करती है आखिरकार सिवाय उसे लेकर बुलगारिया जाता है दोनों उलगा को ढूंढते हैं इसी बीच गौरा का अपहरण हो जाता है सिवाय को पता चलता है कि बुल्गारिया में बहत्तर घंटे के अंदर या तो बच्चे को बेसा व्रत में ढकेल दिया जाता है या उसके अंग बेच दिए जाते हैं बहाव यानी वीरदास और अनुष्का यानी सायसा की मदद से सिवाय किस तरह से अपनी बेटी को बचाता है यह फिल्म का सार है संदीप श्रीवास्तव ने फिल्म ने कहानी तो अच्छी लिखी लेकिन स्क्रीन प्ले ने सारा मजा कर किरा कर दिया सिवाय की बेटी को गूंगी दिखाने का कोई औचित्य ही नज़र नहीं आया ओलगा का किरदार भी ठीक से नहीं लिखा गया है पहले तो आप अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देखती और बाद में बेटी के लिए उसका बेसब्र होना चंचता नहीं है स्क्रीन प्ले में इमोशन पैदा करने की गुंजाइश थी जिसका उपयोग ही नहीं किया गया पिछले वर्ष प्रदर्शित हुई बजरंगी भाईजान की भी कहानी भी कुछ इस तरह की थी लेकिन उसमें इमोशन और मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा गया था सिवाय इस मामले में बहुत पिछड़ गई फिल्म का मूड उदासी वाला है सिवाय और गौरा के बुल्गारिया पहुँचने तक भी फिल्म ठीक रहती है लेकिन इसके बाद बिखर जाती है जबकि गौरा को बहत्तर घंटे में ढूंढने वाला मिशन रोमांच से भरपूर होना था इस मिशन में गत महसूस नहीं होती क्योंकि फिल्म को बहुत लंबा खींचा गया है अंत में तो सिवाय बहुत ज़्यादा फिल्मी हो गई है जब सिवाय और गौरी पर सैकड़ों गोलियां चलाई जाती हैं लेकिन एक भी उन्हें नहीं लगती पीछा करने

फिल्म के स्टंट और एक्शन सीक्वेंस तारीफ़ के योग्य हैं हालांकि लंबे होने के कारण यह उतने असरदार नहीं बन पाए असीम बजाज की सीनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है अभिनय की बात की जाए तो अजय देवगन ने अपने किरदार को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता दे दी है हालांकि स्क्रिप्ट से उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिला लेकिन जितना हो सका उन्होंने किया एक्शन सिक्वेंस में बेहतर रहे एरिका कार का अभिनय औसत दर्जे का रहा गौरा बनी एबिलगेल एम्स दर्शकों का दिल जीत नहीं पाई और इसमें दोष निर्देशक का है सायशा सहगल ने इस फिल्म से अपनी शुरुआत की है लेकिन उन्हें ज़्यादा अवसर नहीं मिल पाए फिल्म का टाइटल ट्रैक छोड़ दिया जाए तो मिथुन का संगीत है उनका बैकग्राउंड म्यूजिक तो ग्रेट फिल्म जैसा है कुल मिलाकर सिवाय एक लंबी और थका देने वाली फिल्म है जिसमें मनोरंजन के तत्व भी कम हैं करीब डेढ़ सौ करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी निर्माता निर्देशक अभिनेता की बहुचर्चित फिल्म सिवाय अजय देवगन के दिल के बेहद करीब है पिछले साल अजय देवगन ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था इस दौरान उन्होंने दो नई फिल्मों की शूटिंग इसलिए शुरू नहीं की ताकि वह इस फिल्म को अपना सौ फीसदी दे सके अजय के मुताबिक बचपन से वह भगवान शिव के ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं और यही वजह है कि उन्होंने इस फिल्म को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इस फिल्म को बुल्गारिया की ऐसी उस दुर्गम बर, बर्फीली लोकेशंस में फिल्माया गया है जहां अक्सर वहां के मेकर भी जाने से कतराते हैं फिल्म में एक सीन के लिए अजय ने देश विदेश के करीब 2000 से ज़्यादा अलग अलग, अलग खिलौनों का इस्तेमाल किया तो फिल्म के उनके अपोजिट नज़र आई पोलिश एक्ट्रेस एरिका कार जिनके साथ फिल्म शुरू होने से करीब दो महीने पहले हिंदी सीखने के लिए हर रोज़ दो घंटे तक हिंदी में डायलॉग ड्रिबरी को लेकर वर्कशॉप की थी अजय इस फिल्म को कनाडा में शूट करना चाहते थे लेकिन अजय कनाडा में फिल्म के पहले शूटिंग के लिए पहुंचे तो अगले कई दिन तक वहां जमकर बर्फबारी हुई जिसका असर फिल्म के बजट पर पड़ा आखिरकार अजय ने फिल्म को बुल्गारिया में शूट किया यकीनन अजय ने बतौर निर्माता निर्देशक अपनी ओर से इस प्रोजेक्ट पर जमकर मेहनत की है लेकिन वही अगर बात और डायरेक्टर फिल्म पर उनकी पकड़ की बात की जाए तो करीब पौने तीन घंटे की इस फिल्म पर उनकी कसी हुई पकड़ नज़र नहीं आती यही वजह है कि उत्तराखंड में बर्फीले पहाड़ों के बीच बस एक छोटे से गाँव से शुरू हुई सिवाय की शुरुआती रफ्तार बेहद धीमी है तो वही अजय देवगन और एरिका कार की लव केमिस्ट्री का एंगल भी बेहद कमज़ोर है इंट्रोल के बाद पिता पुत्री के रिश्ते पर फोकस करते सिवाय टोटली एक्शन थ्रिलर फिल्म में बदल जाती है जहां हर दूसरे सीन में जमकर मारकाट और लाशों का ढेर नजर आता है इमोशन और एक्शन का ऐसा संगम भी कुछ अजीब लगता है पहले सीन में चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच से लाशों के साथ बुरी तरह से घायल सिवाय नजर आते हैं सिवाय के पास एक ही गुड़िया का खिलौना नजर आता है यही से फिल्म की कहानी करीब नौ साल पीछे फ्लैशबैक में पहुंचती है सिवाय उत्तराखंड में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसे एक गाँव में रहता है और यही अपना हो संभाला है सिवाय यहाँ इंडियन आर्मी के लिए भी अक्सर मुश्किल वक्त में मदद करने का काम करने के साथ यह आने वाले पर्यटकों को भी हिमालय की ट्रैकिंग पर ले जाने का काम करता है और उल्का ने एयर यहां कार अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए आती है ट्रैकिंग के दौरान एक भीषण बर्फीले तूफान तो में सिवाय ओल्गा और उसके दोस्तों को बचाता है इसी तूफान में फंसे होने के दौरान उनके बीच शारीरिक रिश्ता बन जाता है हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि ओलगा को अगले कुछ वक्त के लिए सिवाय के गांव में रुकना पड़ता है यही उसे पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है ओलगा अपनी फैमिली के पास बुल्गारिया जाना चाहती है सो उसे बच्चा नहीं चाहिए सो उसे बच्चा नहीं चाहिए दूसरी ओर सिवाय चाहता है कि ओलगा उसके बच्चे को जरूर जन्म दे ताकि वह ओलगा के चले जाने के बाद अपनी बाकी ज़िंदगी उसी के बच्चे के साथ गुजार सके कुछ अरसे बाद ओलगा को एक बेटी को जन्म देकर अपने देश जाती है ओल्गा और की बेटी बोल नहीं पाती लेकिन सुन सकती है अब अपनी बेटी गौरा यानी एक्स के साथ गांव में खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है अचानक एक दिन गौरा को अपनी माँ के बारे में पता चलता है जो बुल्गारिया में रह रही है ओल्गा अपनी माँ से मिलने की जिद करती है लेकिन सिवाय नहीं चाहता कि गौरा अपनी माँ से मिलने जाए जिसने जन्म देने के बाद उसका मुंह तक नहीं देखा लेकिन गौरा की जिद के सामने सिवाय को झुकना पड़ा सिवाए बेटी गौरा को उसकी माँ से मिलाने बुल्गारिया पहुँचता है लेकिन यहाँ आने के दूसरे ही दिन गौरा का किडनैप हो जाता है सिवाय के लीड किरदार में अजय देवगन ने एक बार फिर गजब एक्टिंग की है बर्फीले पहाड़ों और बुल्गारिया की सड़कों पर अजय देवगन पर फिल्माए गए ज्यादातर एक्शन सीन हॉलीवुड फिल्मों से के एक्शन सीन को टक्कर देते हैं बेशक एरिका के साथ रोमांटिक सीन में अजय देवगन नहीं जमे लेकिन इमोशन सीन में उनका गजब अभिनय है ओलगा के किरदार में एरिका कार सिल्वर स्क्रीन पर बेहद खूबसूरत तो लगती हैं लेकिन अपनी एक्टिंग से कहीं इम्प्रेस नहीं कर पाती सिवाय की बेटी गौरा के रोल में एली गेल एम्स ने मेहनत की है लेकिन शायशा बहगल ने बस अपने किरदार को निभा भर दिया है शायशा को अगर इंडस्ट्री में लंबी पारी खेलनी है तो उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है वही बेरदास सौरभ शुक्ला और, और ग्रीस कर्नाड निराश करते हैं और कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ते अगर बतौर डायरेक्टर अजय देवगन की बात करें तो इस फील्ड में अजय देवगन को निराश किया है अजय ने एक ऐसी कमज़ोर कहानी पर फिल्म बनाई जिस पर इससे पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं वही उन्होंने फिल्म को दो हिस्सों में बांट कर रख दिया है अगर इंटरल से पहले की बात करें तो फिल्म बाप बेटी के बीच की कहानी है तो इंटरल के बाद फिल्म टोटली सौ फीसदी एक्शन फिल्म बन कर रह जाती है जिससे कहानी की रफ्तार थम जाती है तो वही एक्शन सीन के सामने इमोशनल सीन बोने पड़ जाते हैं अगर अजय चाहते तो आसानी से एक्शन सीन को कम कर सकते थे वही करीब पौने तीन घंटे से ज़्यादा अवध की फिल्म में दस पंद्रह मिनट की फिल्म पर कैंी चलाते तो फिल्म ज्यादा जानदार बन पाती हाँ अजय ने हर एक्शन सीन में जबरदस्त मेहनत की तो वही उनके बाप बेटी के सीन जानदार ढंग से फिल्म हैं फिल्म का संगीत कहानी और माहौल के मुताबिक टाइटल सॉन्ग वही शून्य है वही इकाई के भीतर छिपा सिवाय रिलीज से पहले ही कई म्यूजिक चार्ट में टॉप फाइव में शामिल हो चुका था लेकिन फिल्म के बाकी गाने बस औसत ही हैं लेकिन फिल्म के बाकी गाने बस औसत ही हैं अगर आप अजय देवगन के पक्के फैन हैं तो सिवाय को देखें क्योंकि आपके चहते स्टार की इस फिल्म में कोई एक्शन सीन दिल दहलाने वाले हैं तो कहीं बर्फीले पहाड़ों पर फिल्म की सीनेमाटोग्राफी कमाल की है अगर कहानी की खामियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो अजय की यह एक ऐसी मेगा बजट फिल्म है जिससे आप एक्शन और इमोशन को इंजॉय कर सकते हैं अच्छी कहानी पर ख़राब फिल्म कैसे बनाई जाती है इसका उदाहरण है सिवाय इस कहानी पर एक सफल और अच्छी फिल्म बनाने के कई तत्व मौजूद थे लेकिन स्क्रीन प्ले ने पानी फेर दिया सिवाय देखने के बाद हमें दो तीन एक्शन सीक्वेंस और बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी ही याद रहती है सिवाय अजय देवगन एक प्रवतारोही है विदेशी पर्वतारोहियों का एक दल आता है जिसकी मदद सिवाय करता है इसी दल की ओलगा यानी कार से सिवाय की दोस्ती हो जाती है दोनों आकर्षित होकर सारी सीमाएं लांग जाते हैं ओल्गा गर्भवती हो जाती है वह बच्चे को गिरा कर अपने देश बुल्गारिया लौट जाना चाहती है लेकिन सिवाय चाहता है कि ओल्गा बच्चे को जन्म दे ओल्गा इसी शर्त पर बच्चे को जन्म देने के लिए राजी होती है कि वह अपने बच्चे को कभी देखेगी भी नहीं और बच्चे की देखभाल की सारी जिम्मेदारी सिवाय की होगी बच्चे को जन्म देने के बाद ओल्गा अपने देश चली जाती है सिवाय अपनी बेटी का नाम गौरा रखता है और कहता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है गौरा गंगी है आठ वर्ष की होने पर गौरा को पता चलता है कि उसकी माँ जीवित है वह माँ से मिलने की जिद करती है आखिरकार सिवाय उसे लेकर बुलगारिया जाता है दोनों उल्गा को ढूंढते हैं इसी बीच इस गौरा का अपहरण हो जाता है सिवाय को पता चलता है कि बुलगारिया में बहत्तर घंटे के अंदर या तो बच्चे को वैसा व्रत में ढकेल दिया जाता है या उसके अंग बेच दिए जाते हैं बहाव यानी बेलदास और अनुष्का यानी सायसा की मदद से सिवाय किस तरह से अपनी बेटी को बचाता है यह फिल्म का सार है संदीप श्रीवास्तव ने फिल्म ने कहानी तो अच्छी लिखी लेकिन स्क्रीन प्ले ने सारा मजा कर किरा कर दिया सिवाय की बेटी को गूंगी दिखाने का कोई औचित्य ही नजर नहीं आया ओल्गा का किरदार भी ठीक से नहीं लिखा गया है पहले तो आप अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देखती और बाद में बेटी के लिए उसका बेसब्र होना जंचता नहीं है स्क्रीन प्ले में इमोशन पैदा करने की गुंजाइश थी जिसका उपयोग ही नहीं किया गया पिछले वर्ष प्रदर्शित हुई बजरंगी भाईजान की भी कहानी भी कुछ इस तरह की थी लेकिन उसमें इमोशन और मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा गया था सिवाय इस मामले में बहुत पिछड़ गई फिल्म का मूड उदासी वाला है सिवाय और गौरा के बुल्गारिया पहुंचने तक भी फिल्म ठीक रहती है लेकिन इसके बाद बिखर जाती है जबकि गौरा को बहत्तर घंटे में ढूंढने वाला मिशन रोमांच से भरपूर होना था इस मिशन में गत महसूस नहीं होती क्योंकि फिल्म को बहुत लंबा खींचा गया है अंत में तो शिवाय बहुत ज़्यादा फिल्मी हो गई है जब सिवाय और गौरी पर सैकड़ों गोलियाँ चलाई जाती हैं लेकिन एक भी उन्हें नहीं लगती पीछा करने वाले और एक्शन सिक्वेंस इतने लंबे हो गए हैं कि बोरियत होने लगती है अजय देवगन का निर्देशन औसत दर्जे का है उन्होंने हर दृश्य में अपने आप को रखा है हर कारनामा वे करते हैं सपोर्टिंग कास्ट को उभरने का अवसर ही उन्होंने नहीं दिया है इस वजह से सौरभ शुक्ला गिरीश कर्नाड वीरदास की भूमिकाएं आधी अधूरी लगती हैं अपने फिल्मएं शॉर्ट्स पर अजय इतने मोहित हो गए कि उन्हें हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए इससे फिल्म अनावश्यक रूप से लंबी हो गई कायदे से तो यह फिल्म दो घंटे की ही होनी थी फिल्म के स्टंट और एक्शन सीक्वेंस तारीफ के योग्य हैं हालांकि लंबे होने के कारण यह उतने असरदार नहीं बन पाए असीम बजाज की सिनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है अभिनय की बात की जाए तो अजय देवगन ने अपने किरदार को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता दे दी है हालांकि स्क्रिप्ट से उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिला लेकिन जितना हो सका उन्होंने किया एक्शन सीक्वेंस में बेहतर रहें एरिका कार का अभिनय औसत दर्जे का रहा गौरा बनी एबिलगेल एम्स दर्शकों का दिल जीत नहीं पाई और इसमें दोष निर्देशक का है सायशा सहगल ने इस से शुरुआत की है, लेकिन अवसर नहीं मिल फिल्म का टाइटल ट्रैक तो है उनका थका देने वाली फिल्म है जिसमें मनोरंजन के तत्व भी कम है करीब डेढ़ सौ करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी निर्माता निर्देशक अभिनेता की बहुचर्चित फिल्म सिवाय अजय देवगन के दिल के बेहद करीब है पिछले साल अजय देवगन ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था इस दौरान उन्होंने दो नई फिल्मों की शूटिंग इसलिए शुरू नहीं की ताकि वह इस फिल्म को अपना सौ फीसदी दे सके अजय के मुताबिक बचपन से वह भगवान शिव के ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं और यही वजह है कि उन्होंने इस फिल्म को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इस फिल्म को बुल्गारिया की ऐसी उस दुर्गम बर, बर्फीली लोकेशंस में फिल्माया गया है जहां अक्सर वहां के मेकर भी जाने से कतराते हैं फिल्म में एक सीन के लिए अजय ने देश विदेश के करीब 2000 से ज़्यादा अलग, अलग अलग खिलौनों का इस्तेमाल किया तो फिल्म के उनके अपोजिट नज़र आई पोलिश एक्ट्रेस एरिका कार जिनके साथ फिल्म शुरू होने से करीब दो महीने पहले हिंदी सीखने के लिए हर रोज़ दो घंटे तक हिंदी में डायलॉग ड्रिवरी को लेकर वर्कशॉप की थी अजय इस फिल्म को कनाडा में शूट करना चाहते थे लेकिन अजय कनाडा में फिल्म के पहले शूटिंग के लिए पहुंचे तो अगले कई दिन तक वहां जमकर बर्फबारी हुई जिसका असर फिल्म के बजट पर पड़ा आखिरकार अजय ने फिल्म को बुल्गारिया में शूट किया यकीनन अजय ने बतौर निर्माता निर्देशक अपनी ओर से इस प्रोजेक्ट पर जमकर मेहनत की है लेकिन वही अगर बात और डायरेक्टर फिल्म पर उनकी पकड़ की बात की जाए तो करीब पौने तीन घंटे की इस फिल्म पर उनकी कसी हुई पकड़ नज़र नहीं आती यही वजह है कि उत्तराखंड में बर्फीले पहाड़ों के बीच बसें एक छोटे से गाँव से शुरू हुई सिवाय की शुरुआती रफ़्तार बेहद धीमी है तो वही अजय देवगन और एरिका कार की लव केमिस्ट्री का एंगल भी बेहद कमज़ोर है इंटरल के बाद पिता पुत्री के रिश्ते पर फोकस करते सिवाय टोटली एक्शन थ्रिलर फिल्म में बदल जाती है जहां हर दूसरे सीन में जमकर मारकाट और लाशों का ढेर नजर आता है इमोशन और एक्शन का ऐसा संगम भी कुछ अजीब लगता है पहले सीन में चारों ओर बर्फ़ से ढके पहाड़ों के बीच लाशों के साथ बुरी तरह से घायल सिवाय नजर आते हैं सिवाय के पास एक ही गुड़िया का खिलौना नजर आता है यही से फिल्म की कहानी करीब नौ साल पीछे फ्लैशबैक में पहुंचती है सिवाय उत्तराखंड में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बस एक गांव में रहता है और यही अपना हो संभाला है सिवाय यहां इंडियन आर्मी के लिए भी अक्सर मुश्किल वक्त में मदद करने का काम करने के साथ यह आने वाले पर्यटकों को भी हिमालय की ट्रैकिंग पर ले जाने का काम करता है ओल्गा नेयर का कार यहां अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए आती है ट्रैकिंग के दौरान एक भयंकर बर्फीले तूफान में सिवाय ओल्गा और उसके दोस्तों को बचाता है इसी तूफान में फंसे होने के दौरान उनके बीच शारीरिक रिश्ता बन जाता है हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि ओल्गा को अगले कुछ वक्त के लिए सिवाय के गांव में रुकना पड़ता है यही उसे पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है ओल्गा अपनी फैमिली के पास बुल्गारिया जाना चाहती है सो उसे बच्चा नहीं चाहिए सो उसे बच्चा नहीं चाहिए दूसरी ओर सिवाय चाहता है कि ओल्गा उसके बच्चे को जरूर जन्म दे ताकि वह ओल्गा के चले जाने के बाद अपनी बाकी ज़िंदगी उसी के बच्चे के साथ गुजार सके कुछ अरसे बाद ओल्गा को एक बेटी को जन्म देकर अपने देश जाती है। और सिवाय की बेटी बोल नहीं पाती लेकिन सुन सकती है अब अपनी बेटी गौरा यानी एक्स के साथ गांव में खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है अचानक एक दिन गौरा को अपनी माँ के बारे में पता चलता है जो बुल्गारिया में रह रही है ओल्गा अपनी माँ से मिलने की जिद करती है लेकिन सिवाय नहीं चाहता कि गौरा अपनी माँ से मिलने जाए जिसने जन्म देने के बाद उसका मुंह तक नहीं देखा लेकिन गौरा की जिद के सामने सिवाय को झुकना पड़ा सिवाय बेटी गौरा को उसकी माँ से मिलाने बुल्गारिया बुलगारिया पहुँचता है लेकिन यहाँ आने के दूसरे ही दिन गौरा का किडनैप हो जाता है सिवाय के लीड किरदार में अजय देवगन ने एक बार फिर गजब एक्टिंग की है बर्फीले पहाड़ों और बुल्गारिया की सड़कों पर अजय देवगन पर फिल्माए गए ज्यादातर एक्शन सीन हॉलीवुड फिल्मों से के एक्शन सीन को टक्कर देते हैं बेशक एरिका के साथ रोमांटिक सीन में अजय देवगन नहीं जमे लेकिन इमोशन सीन में उनका गजब अभिनय है ओलगा के किरदार में एरिका कार सिल्वर स्क्रीन पर बेहद खूबसूरत तो लगती हैं लेकिन अपनी एक्टिंग से कहीं इम्प्रेस नहीं कर पाती सिवाय की बेटी गौरा के रोल में एली गेल एम्स ने मेहनत की है लेकिन सायसा बहगल ने बस अपने किरदार को निभा भर दिया है सायसा को अगर इंडस्ट्री में लंबी पारी खेलनी है तो उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है वही बेरदास सौरभ शुक्ला और, और ग्रीस कर्नाड निराश करते हैं और कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ते अगर बतौर डायरेक्टर अजय देवगन की बात करें तो इस फील्ड में अजय देवगन को निराश किया है अजय ने एक ऐसी कमज़ोर कहानी पर फिल्म बनाई जिस पर इससे पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं वही उन्होंने फिल्म को दो हिस्सों में बांट कर रख दिया है अगर इंटरल से पहले की बात करें तो फिल्म बाप बेटी के बीच की कहानी है तो इंटरल के बाद फिल्म टोटली सौ फीसदी एक्शन फिल्म बनकर रह जाती है जिससे कहानी की रफ्तार थम जाती है तो वही एक्शन सीन के सामने इमोशनल सीन बोने पड़ जाते हैं अगर अजय चाहते तो आसानी से एक्शन सीन को कम कर सकते थे वही करीब पौने तीन घंटे से ज़्यादा अवधि की फिल्म में दस पंद्रह मिनट की फिल्म पर कंचे चलाते तो फिल्म ज्यादा जानदार बन पाती हां अजय ने हर एक्शन सीन में जबरदस्त मेहनत की तो वही उनके बाप बेटी के सीन जानदार ढंग से फिल्माए हैं फिल्म का संगीत कहानी और माहौल के मुताबिक टाइटल सांग वही शून्य है वही इकाई के भीतर सिपाही वायरल से पहले ही कई म्यूजिक चार्ट में टॉप 5 में शामिल हो चुका था लेकिन फिल्म के बाकी गाने बस औसत ही हैं लेकिन फिल्म के बाकी गाने बस औसत ही हैं अगर आप अजय देवगन के पक्के फैन हैं तो सिवाय को देखें क्योंकि आपके चहेते स्टार के इस फिल्म में कोई एक्शन सीन दिल दहलाने वाले हैं तो कहीं बर्फीले पहाड़ों पर फिल्म की सिनेमाटोग्राफी कमाल की है अगर कहानी की खामियों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो अजय की यह एक ऐसी मेगा बजट फिल्म है जिससे आप एक्शन और इमोशन को इंजॉय कर सकते हैं अच्छी कहानी पर ख़राब फिल्म कैसे बनाई जाती है इसका उदाहरण है सिवाय इस कहानी पर एक सफल और अच्छी फिल्म बनाने के कई तत्व मौजूद थे लेकिन स्क्रीन प्ले ने पानी फेर दिया सिवाय देखने के बाद हमें दो तीन एक्शन सीक्वेंस और बेहतरीन सीनेटोग्राफी ही याद रहती है सिवाय अजयोगन एक पर्वतारोही है विदेशी पर्वतारोहियों का एक दल आता है जिसकी मदद सिवाय करता है इसी दल की एरिका कार से सिवाय की दोस्ती हो जाती है दोनों आकर्षित होकर सारी सीमाएं लांग जाते हैं ओल्गा गर्भवती हो जाती है वह बच्चे को गिराकर अपने देश बुल्गारिया लौट जाना चाहती है लेकिन सिवाय चाहता है कि ओल्गा बच्चे को जन्म दे ओल्गा इसी शर्त पर बच्चे को जन्म देने के लिए राजी होती है कि वह अपने बच्चे को कभी देखेगी भी नहीं और बच्चे की देखभाल की सारी जिम्मेदारी सिवाय की होगी बच्चे को जन्म देने के बाद उलगा अपने देश चली जाती है सिवाय अपनी बेटी का नाम गौरा रखता है और कहता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है गौरा गूंगी है आठ वर्ष की होने पर गौरा को पता चलता है कि उसकी माँ जीवित है वह माँ से मिलने की जिद करती है आखिरकार सिवाय उसे लेकर बुलगारिया जाता है दोनों उलगा को ढूंढते हैं इसी बीच इस गौरा का अपहरण हो जाता है सिवाय को पता चलता है कि बुलगारिया में बहत्तर घंटे के अंदर या तो बच्चे को वैसा भ्रत में ढकेल दिया जाता है या उसके अंग बेच दिए जाते हैं बहाव अनि बेल्डस और अनुष्का ने सायसा की मदद से सिवाय किस तरह से अपनी बेटी को बचाता है यह फिल्म का सार है संदीप श्रीवास्तव ने फिल्म ने कहानी तो अच्छी लिखी लेकिन स्क्रीन प्ले ने सारा मजा किरकिरा कर दिया सिवाय की बेटी को गूंगी दिखाने का कोई औचित्य ही नजर नहीं आया ओल्गा का किरदार भी ठीक से नहीं लिखा गया है पहले तो आप अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देखती और बाद में बेटी के लिए उसका बेसब्र होना जंचता नहीं है स्क्रीन फिल्म में इमोशन पैदा करने की गुंजाइश थी जिसका उपयोग ही नहीं किया गया पिछले वर्ष प्रदर्शित हुई बजरंगी भाईजान की भी कहानी भी कुछ इस तरह की थी लेकिन उसमें इमोशन और मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा गया था सिवाय इस मामले में बहुत पिछड़ गई फिल्म का मूड उदासी वाला है सिवाय और गौरा के बुल्गारिया पहुँचने तक भी फिल्म ठीक रहती है लेकिन इसके बाद बिखर जाती है जबकि गौरा को बहत्तर घंटे में ढूंढने वाला मिशन रोमांस से भरपूर होना था इस मिशन में गत महसूस नहीं होती क्योंकि फिल्म को बहुत लंबा खींचा गया है अंत में तो शिवाय बहुत ज़्यादा फिल्मी हो गई है जब शिवाय और गौरी पर सैकड़ों गोलियाँ चलाई जाती हैं लेकिन एक भी उन्हें नहीं लगती पीछा करने वाले और एक्शन सिक्वेंस इतने लंबे हो गए हैं कि बोरियत होने लगती है अजय देवगन का निर्देशन औसत दर्जे का है उन्होंने हर दृश्य में अपने आप को रखा है हर कारनामा वह करते हैं सपोर्टिंग कास्ट को उभरने का अवसर ही उन्होंने नहीं दिया है इस वजह से सौरभ शुक्ला गिरीश कर्नाड वीरदास की भूमिकाएं आधी अधूरी लगती हैं अपने फिल्मएं शॉर्ट्स पर अजय इतने मोहित हो गए कि उन्हें हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए इससे फिल्म अनावश्यक रूप से लंबी हो गई कायदे से तो यह फिल्म दो घंटे की ही होनी थी फिल्म के स्टंट और एक्शन सीक्वेंस तारीफ़ के योग्य हैं हालांकि लंबे होने के कारण यह उतने असरदार नहीं बन पाए असीम बजाज की सिनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है अभिनय की बात की जाए तो अजय देवगन ने अपने किरदार को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता दे दी है हालांकि स्क्रिप्ट से उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिला लेकिन जितना हो सका उन्होंने किया एक्शन सीक्वेंस में बेहतर रहें एरिका कार का अभिनय औसत दर्जे का रहा गौरा बनी एबिलगेल एम्स दर्शकों का दिल जीत नहीं पाई और इसमें दोष निर्देशक का है सायसा सहेगल ने इस फिल्म से अपनी शुरुआत की है लेकिन उन्हें ज़्यादा अवसर नहीं मिल पाए फिल्म का टाइटल ट्रैक छोड़ दिया जाए तो मिथुन का संगीत है उनका बैकग्राउंड म्यूजिक तो फिल्मों जैसा है कुल मिलाकर सिवाय एक लंबी और थका देने वाली फिल्म है जिसमें मनोरंजन के तत्व भी कम हैं करीब डेढ़ सौ करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी निर्माता निर्देशक अभिनेता की बहुचर्चित फिल्म सिवाय अजय देवगन के दिल के बेहद करीब है पिछले साल अजय देवगन ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था इस दौरान उन्होंने दो नई फिल्मों की शूटिंग इसलिए शुरू नहीं की ताकि वह इस फिल्म को अपना सौ फीसदी दे सके अजय के मुताबिक बचपन से वह भगवान शिव के ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं और यही वजह है कि उन्होंने इस फिल्म को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इस फिल्म को बुल्गारिया की ऐसी उस दुर्गम बर, बर्फीली लोकेशंस में फिल्माया गया है जहां अक्सर वहां के मेकर भी जाने से कतराते हैं फिल्म में एक सीन के लिए अजय ने देश विदेश के करीब 2000 से ज़्यादा अलग अलग, अलग खिलौनों का इस्तेमाल किया तो फिल्म के उनके अपोजिट नज़र आई पोलिश एक्ट्रेस एरिका कार जिनके साथ फिल्म शुरू होने से करीब दो महीने पहले हिंदी सीखने के लिए हर रोज़ दो घंटे तक हिंदी में डायलॉग ट्रिबरी को लेकर वर्कशॉप की थी अजय इस फिल्म को कनाडा में शूट करना चाहते थे लेकिन अजय कनाडा में फिल्म के पहले शूटिंग के लिए पहुंचे तो अगले कई दिन तक वहां जमकर बर्फबारी हुई जिसका असर फिल्म के बजट पर पड़ा आखिरकार अजय ने फिल्म को बुल्गारिया में शूट किया यकीनन अजय ने बतौर निर्माता निर्देशक अपनी ओर से इस प्रोजेक्ट पर जमकर मेहनत की है लेकिन वही अगर बात और डायरेक्टर फिल्म पर उनकी पकड़ की बात की जाए तो करीब पौने तीन घंटे की इस फिल्म पर उनकी कसी हुई पकड़ नज़र नहीं आती यही वजह है कि उत्तराखंड में बर्फीले पहाड़ों के बीच बस एक छोटे से गाँव से शुरू हुई सिवाय की शुरुआती रफ्तार बेहद धीमी है तो वही अजय देवगन और एरिका कार की लव केमिस्ट्री का एंगल भी बेहद कमज़ोर है इंट्रोल के बाद पिता पुत्री के रिश्ते पर फोकस करते सिवाय टोटली एक्शन थ्रिलर फिल्म में बदल जाती है जहां हर दूसरे सीन में जमकर मारकाट और लाशों का ढेर नजर आता है इमोशन और एक्शन का ऐसा संगम भी कुछ अजीब लगता है पहले सीन में चारों ओर बर्फ़ से ढके पहाड़ों के बीच लाशों के साथ बुरी तरह से घायल सिवाय नजर आते हैं सिवाय के पास एक ही गुड़िया का खिलौना नज़र आता है यही से फिल्म की कहानी करीब नौ साल पीछे फ्लैशबैक में पहुंचती है सिवाय उत्तराखंड में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बस एक गांव में रहता है और यही अपना हो संभाला है सिवाय यहां इंडियन आर्मी के लिए भी अक्सर मुश्किल वक्त में मदद करने का काम करने के साथ यह आने वाले पर्यटकों को भी हिमालय की ट्रैकिंग पर ले जाने का काम करता है ओल्गा ने एरका कार यहां अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए आती है ट्रैकिंग के दौरान एक भेशड़ बर्फीले तूफान में सिवाय ओल्गा और उसके दोस्तों को बचाता है इसी तूफान में फंसे होने के दौरान उनके बीच शारीरिक रिश्ता बन जाता है हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि ओलगा को अगले कुछ वक्त के लिए सिवाय के गांव में रुकना पड़ता है यही उसे पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है ओलगा अपनी फैमिली के पास बुल्गारिया जाना चाहती है सो उसे बच्चा नहीं चाहिए सो उसे बच्चा नहीं चाहिए दूसरी ओर शिवाय चाहता है कि ओल्गा उसके बच्चे को जरूर जन्म दे ताकि वह ओल्गा के चले जाने के बाद अपनी बाकी ज़िंदगी उसी के बच्चे के साथ गुजार सके कुछ अरसे बाद ओल्गा को एक बेटी को जन्म देकर अपने देश लौट जाती है ओल्गा और शिवाय की बेटी बोल नहीं पाती लेकिन सुन सकती है शिवाय अब अपनी बेटी गौरा यानी एलीगेल एक्स के साथ गाँव में खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है अचानक एक दिन गौरा को अपनी माँ के बारे में पता चलता है जो बुल्गारिया में रह रही है ओल्गा अपनी माँ से मिलने की जिद करती है लेकिन सिवाय नहीं चाहता कि गौरा अपनी माँ से मिलने जाए जिसने जन्म देने के बाद उसका मुंह तक नहीं देखा लेकिन गौरा की जिद के सामने सिवाय को झुकना पड़ा सिवाय बेटी गौरा को उसकी माँ से मिलाने बुल्गारिया पहुँचता है लेकिन यहाँ आने के दूसरे ही दिन गौरा का किडनैप हो जाता है सिवाय के लीड किरदार में अजय देवगन ने एक बार फिर गजब एक्टिंग की है बर्फीले पहाड़ों और बुल्गारिया की सड़कों पर अजय देवगन पर फिल्माए गए ज्यादातर एक्शन सीन हॉलीवुड फिल्मों से के एक्शन सीन को टक्कर देते हैं बेशक एरिका के साथ रोमांटिक सीन में अजय देवगन नहीं जमे लेकिन इमोशन सीन में उनका गजब अभिनय है ओल्गा के किरदार में एरिका कार सिल्वर स्क्रीन पर बेहद खूबसूरत तो लगती हैं लेकिन अपनी एक्टिंग से कहीं इम्प्रेस नहीं कर पाती सिवाय की बेटी गौरा के रोल में एली गेल एम्स ने मेहनत की है लेकिन सायसा बहगल ने बस अपने किरदार को निभार दिया है सायसा को अगर इंडस्ट्री में लंबी पारी खेलनी है तो उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है वही बीरदास सौरभ शुक्ला और, और ग्रीस कर्नाड निराश करते हैं और कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ते अगर बतौर डायरेक्टर अजय देवगन की बात करें तो इस फील्ड में अजय देवगन को निराश किया है अजय ने एक ऐसी कमजोर कहानी पर फिल्म बनाई जिस पर इससे पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं वही उन्होंने फिल्म को दो हिस्सों में बांट कर रख दिया है अगर इंट्रोल से पहले की बात करें तो फिल्म बाप बेटी के बीच की कहानी है तो इंटरल के बाद फिल्म टोटली सौ फीसदी एक्शन फिल्म बनकर रह जाती है जिससे कहानी की रफ्तार थम जाती है तो वही एक्शन सीन के सामने इमोशनल सीन बोने पड़ जाते हैं अगर अजय चाहते तो आसानी से एक्शन सीन को कम कर सकते थे वही करीब पौने तीन घंटे से ज़्यादा अवध की फिल्म में दस पंद्रह मिनट की फिल्म पर कैंची चलाते तो फिल्म ज्यादा जानदार बन पाती हाँ अजय ने हर एक्शन सीन में जबरदस्त मेहनत की तो वही उनके बाप बेटी के सीन जानदार ढंग से फिल्म आए हैं फिल्म का संगीत कहानी और माहौल के मुताबिक टाइटल सॉन्ग वही शून्य है वही इकाई के भीतर सिपा सिवाय रिलीज से पहले ही कई म्यूजिक चार्ट में टॉप फाइव में शामिल हो चुका था लेकिन फिल्म के बाकी गाने बस औसत ही हैं लेकिन फिल्म के बाकी गाने बस औसत ही हैं अगर आप अजय देवगन के पक्के फैन हैं तो सिवाय को देखें क्योंकि आपके चहते स्टार के इस फिल्म में कोई एक्शन सीन दिल दहलाने वाले हैं तो कहीं बर्फीले पहाड़ों पर फिल्म की सोनेमाटोग्राफी कमाल की है अगर कहानी की खामियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो अजय की यह एक ऐसी मेगा बजट फिल्म है जिससे आप एक्शन और इमोशन को इंजॉय कर सकते हैं अच्छी कहानी पर ख़राब फिल्म कैसे बनाई जाती है इसका उदाहरण है सिवाय इस कहानी पर एक सफल और अच्छी फिल्म बनाने के कई तत्व मौजूद थे लेकिन स्क्रीन प्ले ने पानी फेर दिया सिवाय देखने के बाद हमें दो तीन एक्शन सीक्वेंस और बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी ही याद रहती है सिवाय अजय देवगन एक रोही है विदेशी पर्वतारोहियों का एक दल आता है जिसकी मदद सिवाय करता है इसी दल की ओलगा यानी कार से सिवाय की दोस्ती हो जाती है दोनों आकर्षित होकर सारी सीमाएं लांग जाते हैं ओल्गा गर्भवती हो जाती है वह बच्चे को गिराकर अपने देश बुल्गारिया लौट जाना चाहती है लेकिन सिवाय चाहता है कि ओल्गा बच्चे को जन्म दे ओल्गा इसी शर्त पर बच्चे को जन्म देने के लिए राजी होती है कि वह अपने बच्चे को कभी देखेगी भी नहीं और बच्चे की देखभाल की सारी जिम्मेदारी सिवाय की होगी बच्चे को जन्म देने के बाद ओल्गा अपने देश चली जाती है सिवाय अपनी बेटी का नाम गौरा रखता है और कहता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है गौरा गूँगी है आठ वर्ष की होने पर गौरा को पता चलता है कि उसकी माँ जीवित है वह माँ से मिलने की जिद करती है आखिरकार सिवाय उसे लेकर बुलगारिया जाता है दोनों उल्गा को ढूंढते हैं इसी बीच इस गौरा का अपहरण हो जाता है सिवाय को पता चलता है कि बुलगारिया में बहत्तर घंटे के अंदर या तो बच्चे को वैसा व्रत में ढकेल दिया जाता है या उसके अंग बेच दिए जाते हैं बहाव यानी बेरदास और अनुष्का यानी सायसा की मदद से सिवाय किस तरह से अपनी बेटी को बचाता है यह फिल्म का सार है संदीप श्रीवास्तव ने फिल्म ने कहानी तो अच्छी लिखी लेकिन स्क्रीन प्ले ने सारा मजा कर किरा कर दिया सिवाय की बेटी को गूंगी दिखाने का कोई औचित्य ही नज़र नहीं आया ओलगा का किरदार भी ठीक से नहीं लिखा गया है पहले तो आप अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देखती और बाद में बेटी के लिए उसका बेसब्र होना चंचता नहीं है स्क्रीन प्ले में इमोशन पैदा करने की गुंजाइश थी जिसका उपयोग ही नहीं किया गया पिछले वर्ष प्रदर्शित हुई बजरंगी भाईजान की भी कहानी भी कुछ इस तरह की थी लेकिन उसमें इमोशन और मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा गया था सिवाय इस मामले में बहुत पिछड़ गई फिल्म का मूड उदासी वाला है सिवाय और गौरा के बुल्गारिया पहुँचने तक भी फिल्म ठीक रहती है लेकिन इसके बाद बिखर जाती है जबकि गौरा को बहत्तर घंटे में ढूंढने वाला मिशन रोमांस से भरपूर होना था इस मिशन में गत महसूस नहीं होती क्योंकि फिल्म को बहुत लंबा खींचा गया है अंत में तो शिवाय बहुत ज़्यादा फिल्मी हो गई है जब शिवाय और गौरी पर सैकड़ों गोलियाँ चलाई जाती हैं लेकिन एक भी उन्हें नहीं लगती पीछा करने वाले और एक्शन सिक्वेंस इतने लंबे हो गए हैं कि बोरियत होने लगती है अजय देवगन का निर्देशन औसत दर्जे का है उन्होंने हर दृश्य में अपने आप को रखा है हर कारनामा वे करते हैं सपोर्टिंग कास्ट को उभरने का अवसर ही उन्होंने नहीं दिया है इस वजह से सौरभ शुक्ला गिरीश कर्नाड वीरदास की भूमिकाएं आधी अधूरी लगती हैं अपने फिल्म शॉट्स पर अजय इतने मोहित हो गए कि उन्हें हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए इससे फिल्म अनावश्यक रूप से लंबी हो गई कायदे से तो यह फिल्म दो घंटे की ही होनी थी फिल्म के स्टंट और एक्शन सीक्वेंस तारीफ़ के योग्य हैं हालांकि लंबे होने के कारण यह उतने असरदार नहीं बन पाए असीम बजाज की सीनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है अभिनय की बात की जाए तो अजय देवगन ने अपने किरदार को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता दे दी है हालांकि स्क्रिप्ट से उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिला लेकिन जितना हो सका उन्होंने किया एक्शन सिक्वेंस में बेहतर रहे एरिका कार का अभिनय औसत दर्जे का रहा गौरा बनी एबिलगेल एम्स दर्शकों का दिल जीत नहीं पाई और इसमें दोष निर्देशक का है सायशा सहगल ने इस फिल्म से अपनी शुरुआत की है लेकिन उन्हें ज़्यादा अवसर नहीं मिल पाए फिल्म का टाइटल ट्रैक छोड़ दिया जाए तो मिथुन का संगीत है उनका बैकग्राउंड म्यूजिक तो ग्रेट फिल्म जैसा है कुल मिलाकर सिवाय एक लंबी और थका देने वाली फिल्म है जिसमें मनोरंजन के तत्व भी कम हैं करीब डेढ़ सौ करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी निर्माता निर्देशक अभिनेता की बहुचर्चित फिल्म सिवाय अजय देवगन के दिल के बेहद करीब है पिछले साल अजय देवगन ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था इस दौरान उन्होंने दो नई फिल्मों की शूटिंग इसलिए शुरू नहीं की ताकि वह इस फिल्म को अपना सौ फीसदी दे सके अजय के मुताबिक बचपन से वह भगवान शिव के ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं और यही वजह है कि उन्होंने इस फिल्म को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इस फिल्म को बुल्गारिया की ऐसी उस दुर्गम बर, बर्फीली लोकेशंस में फिल्माया गया है जहां अक्सर वहां के मेकर भी जाने से कतराते हैं फिल्म में एक सीन के लिए अजय ने देश विदेश के करीब 2000 से ज़्यादा अलग अलग, अलग खिलौनों का इस्तेमाल किया तो फिल्म के उनके अपोजिट नज़र आई पोलिश एक्ट्रेस एरिका कार जिनके साथ फिल्म शुरू होने से करीब दो महीने पहले हिंदी सीखने के लिए हर रोज़ दो घंटे तक हिंदी में डायलॉग ड्रिबरी को लेकर वर्कशॉप की थी अजय इस फिल्म को कनाडा में शूट करना चाहते थे लेकिन अजय कनाडा में फिल्म के पहले शूटिंग के लिए पहुंचे तो अगले कई दिन तक वहां जमकर बर्फबारी हुई जिसका असर फिल्म के बजट पर पड़ा आखिरकार अजय ने फिल्म को बुल्गारिया में शूट किया यकीनन अजय ने बतौर निर्माता निर्देशक अपनी ओर से इस प्रोजेक्ट पर जमकर मेहनत की है लेकिन वही अगर बात और डायरेक्टर फिल्म पर उनकी पकड़ की बात की जाए तो करीब पौने तीन घंटे की इस फिल्म पर उनकी कसी हुई पकड़ नज़र नहीं आती यही वजह है कि उत्तराखंड में बर्फीले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गाँव से शुरू हुई सिवाय की शुरुआती रफ्तार बेहद धीमी है तो वही अजय देवगन और एरिका कार की लव केमिस्ट्री का एंगल भी बेहद कमज़ोर है इंटरवल के बाद पिता पुत्री के रिश्ते पर फोकस करते सिवाय टोटली एक्शन थ्रिलर फिल्म में बदल जाती है जहां हर दूसरे सीन में जमकर मारकाट और लाशों का ढेर नजर आता है इमोशन और एक्शन का ऐसा संगम भी कुछ अजीब लगता है पहले सीन में चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच लाशों के साथ बुरी तरह से घायल सिवाय नजर आते हैं सिवाय के पास एक ही गुड़िया का खिलौना नजर आता है यही से फिल्म की कहानी करीब नौ साल पीछे फ्लैशबैक में पहुंचती है सिवाय उत्तराखंड में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बस एक गांव में रहता है और यही अपना होश संभाला है सिवाय यहां इंडियन आर्मी के लिए भी अक्सर मुश्किल वक्त में मदद करने का काम करने के साथ यह आने वाले पर्यटकों को भी हिमालय की ट्रैकिंग पर ले जाने का काम करता है ओलका कार यहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए आती है ट्रैकिंग के दौरान एक भीषण बर्फीले तूफान में सिवाय ओलका और उसके दोस्तों को बचाता है इसी तूफान में फंसे होने के दौरान उनके बीच शारीरिक रिश्ता बन जाता है हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि ओल्गा को अगले कुछ वक्त के लिए सिवाय के गांव में रुकना पड़ता है यही उसे पता चलता है कि वह मां बनने वाली है ओलगा अपनी फैमिली के पास बुल्गारिया जाना चाहती है सो उसे बच्चा नहीं चाहिए सो उसे बच्चा नहीं चाहिए दूसरी ओर शिवाय चाहता है कि ओलगा उसके बच्चे को जरूर जन्म दे ताकि वह ओलगा के चले जाने के बाद अपनी बाकी ज़िंदगी उसी के बच्चे के साथ गुजार सके कुछ अरसे बाद ओलगा को एक बेटी को जन्म देकर अपने देश लौट जाती है ओलगा और शिवाय की बेटी बोल नहीं पाती लेकिन सुन सकती है शिवाय अब अपनी बेटी गौरा यानी एली गल एक्स के साथ गांव में खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है अचानक एक दिन गौरा को अपनी मां के बारे में पता चलता है जो बुल्गारिया में रह रही है ओल्गा अपनी मां से मिलने की जिद करती है लेकिन सिवाय नहीं चाहता कि गौरा अपनी माँ से मिलने जाए जिसने जन्म देने के बाद उसका मुँह तक नहीं देखा लेकिन गौरा की जिद के सामने सिवाय को झुकना पड़ा सिवाय बेटी गौरा को उसकी माँ से मिलाने बुल्गारिया पहुँचता है लेकिन यहाँ आने के दूसरे ही दिन गौरा का किडनैप हो जाता है सिवाय के लीड किरदार में अजय देवगन ने एक बार फिर गजब एक्टिंग की है बर्फीले पहाड़ों और बुल्गारिया की सड़कों पर अजय देवगन पर फिल्माए गए ज्यादातर एक्शन सीन हॉलीवुड फिल्मों से के एक्शन सीन को टक्कर देते हैं बेशक एरिका के साथ रोमांटिक सीन में अजय देवगन नहीं जमे, लेकिन इमोशन सीन में उनका गजब अभिनय है ओलगा के किरदार में एरिका कार सिल्वर स्क्रीन पर बेहद खूबसूरत तो लगती हैं लेकिन अपनी एक्टिंग से कहीं इम्प्रेस नहीं कर पाती सिवाय की बेटी गौरा के रोल में एली गेल एम्स ने मेहनत की है लेकिन सायसा बहगल ने बस अपने किरदार को निभा भर दिया है सायसा को अगर इंडस्ट्री में लंबी पारी खेलनी है तो उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है वही बेरदास सौरभ शुक्ला और, और ग्रीस कर्नाड निराश करते हैं और कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ते अगर बतौर डायरेक्टर अजय देवगन की बात करें तो इस फील्ड में अजय देवगन को निराश किया है अजय ने एक ऐसी कमजोर कहानी पर फिल्म बनाई जिस पर इससे पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं वही उन्होंने फ़िल्म को दो हिस्सों में बांट कर रख दिया है अगर इंट्रोल से पहले की बात करें तो फिल्म बाप बेटी के बीच की कहानी है तो इंटरल के बाद फिल्म टोटली सौ फीसदी एक्शन फिल्म बन कर रह जाती है जिससे कहानी की रफ्तार थम जाती है तो वही एक्शन सीन के सामने इमोशनल सीन बोने पड़ जाते हैं अगर अजय चाहते तो आसानी से एक्शन सीन को कम कर सकते थे वही करीब पौने तीन घंटे से ज़्यादा अवध की फिल्म में दस पंद्रह मिनट की फिल्म पर कैंची चलाते तो फिल्म ज़्यादा जानदार बन पाती हाँ अजय ने हर एक्शन सीन में ज़बरदस्त मेहनत की तो वही उनके बाप बेटी के सीन जानदार ढंग से फिल्म हैं फिल्म का संगीत कहानी और माहौल के मुताबिक टाइटल सॉन्ग वही शून्य है वही इकाई के भीतर छिपा सिवाय रिलीज से पहले ही कई म्यूजिक चार्ट में टॉप फाइव में शामिल हो चुका था लेकिन फिल्म के बाकी गाने बस औसत ही हैं लेकिन फिल्म के बाकी गाने बस औसत ही हैं अगर आप अजय देवगन के पक्के फैन हैं तो सिवाय को देखें क्योंकि आपके चहते स्टार की इस फिल्म में कोई एक्शन सीन दिल दहलाने वाले हैं तो कहीं बर्फीले पहाड़ों पर फिल्म की सिनेमाटोग्राफी कमाल की है अगर कहानी की खामियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो अजय की यह एक ऐसी मेगा बजट फिल्म है जिससे आप एक्शन और इमोशन को इंजॉय कर सकते हैं अच्छी कहानी पर ख़राब फिल्म कैसे बनाई जाती है इसका उदाहरण है सिवाय इस कहानी पर एक सफल और अच्छी फिल्म बनाने के कई तत्व मौजूद थे लेकिन स्क्रीन प्ले ने पानी फेर दिया सिवाय देखने के बाद हमें दो तीन एक्शन सीक्वेंस और बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी ही याद रहती है सिवाय अजय देवगन एक प्रवतारोही है विदेशी पर्वतारोहियों का एक दल आता है जिसकी मदद सिवाय करता है इसी दल की ओलगा यानी कार से सिवाय की दोस्ती हो जाती है दोनों आकर्षित होकर सारी सीमाएं लांग जाते हैं ओल्गा गर्भवती हो जाती है वह बच्चे को गिरा कर अपने देश बुल्गारिया लौट जाना चाहती है लेकिन सिवाय चाहता है कि ओल्गा बच्चे को जन्म दे ओल्गा इसी शर्त पर बच्चे को जन्म देने के लिए राजी होती है कि वह अपने बच्चे को कभी देखेगी भी नहीं और बच्चे की देखभाल की सारी जिम्मेदारी सिवाय की होगी बच्चे को जन्म देने के बाद उलगा अपने देश चली जाती है सिवाय अपनी बेटी का नाम गौरा रखता है और कहता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है गौरा गूँगी है आठ वर्ष की होने पर गौरा को पता चलता है कि उसकी माँ जीवित है वह माँ से मिलने की जिद करती है आखिरकार सिवाय उसे लेकर बुलगारिया जाता है दोनों उलगा को ढूंढते हैं इसी बीच इस गौरा का अपहरण हो जाता है सिवाय को पता चलता है कि बुलगारिया में बहत्तर घंटे के अंदर या तो बच्चे को वैसा में ढकेल दिया जाता है या उसके अंग बेच दिए जाते हैं बहाव यानी बेलदास और अनुष्का यानी सायसा की मदद से सिवा किस तरह से अपनी बेटी को बचाता है यह फिल्म का सार है संदीप श्रीवास्तव ने फिल्म ने कहानी तो अच्छी लिखी लेकिन स्क्रीन प्ले ने सारा मजाक किरा कर दिया सिवाय की बेटी को गूंगी दिखाने का कोई औचित्य ही नज़र नहीं आया ओलका का किरदार भी ठीक से नहीं लिखा गया है पहले तो आप अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देखती और बाद में बेटी के लिए उसका बेसब्र होना चंचता नहीं है स्क्रीन प्ले में इमोशन पैदा करने की गुंजाइश थी जिसका उपयोग ही नहीं किया गया पिछले वर्ष प्रदर्शित हुई बजरंगी भाईजान की भी कहानी भी कुछ इस तरह की थी लेकिन उसमें इमोशन और मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा गया था सिवाय इस मामले में बहुत पिछड़ गई फिल्म का मूड उदासी वाला है सिवाय और गौरा के बुल्गारिया पहुंचने तक भी फिल्म ठीक रहती है लेकिन इसके बाद बिखर जाती है जबकि गौरा को बहत्तर घंटे में ढूंढने वाला मिशन रोमांच से भरपूर होना था इस मिशन में गत महसूस नहीं होती क्योंकि फिल्म को बहुत लंबा खींचा गया है अंत में तो सिवाय बहुत ज्यादा फिल्मी हो गई है जब सिवाय और गौरी पर सैकड़ों गोलियाँ चलाई जाती हैं लेकिन एक भी उन्हें नहीं लगती पीछा करने

फिल्म के स्टंट और एक्शन सीक्वेंस तारीफ के योग्य हैं हालांकि लंबे होने के कारण यह उतने असरदार नहीं बन पाए असीम बजाज की सिनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है अभिनय की बात की जाए तो अजय देवगन ने अपने किरदार को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता दे दी है हालांकि स्क्रिप्ट से उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिला लेकिन जितना हो सका उन्होंने किया एक्शन सिक्वेंस में बेहतर रहें एरिका कार का अभिनय औसत दर्जे का रहा गौरा बनी एबिलगेल एम्स दर्शकों का दिल जीत नहीं पाई और इसमें दोष निर्देशक का है सायसा सहगल ने इस फिल्म से अपनी शुरुआत की है लेकिन उन्हें ज़्यादा अवसर नहीं मिल पाए फिल्म का टाइटल ट्रैक छोड़ दिया जाए तो मिथुन का संगीत निराशजनक है उनका बैकग्राउंड म्यूजिक तो बी ग्रेड फिल्मों जैसा है कुल मिलाकर सिवाय एक लंबी और थका देने वाली फिल्म है जिसमें मनोरंजन के तत्व भी कम हैं करीब डेढ़ सौ करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी निर्माता निर्देशक अभिनेता की बहुचर्चित फिल्म सिवाय अजय देवगन के दिल के बेहद करीब है पिछले साल अजय देवगन ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था इस दौरान उन्होंने दो नई फिल्मों की शूटिंग इसलिए शुरू नहीं की ताकि वह इस फिल्म को अपना सौ फीसदी दे सके अजय के मुताबिक बचपन से वह भगवान शिव के ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं और यही वजह है कि उन्होंने इस फिल्म को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इस फिल्म को बुल्गारिया की ऐसी उस दुर्गम बर, बर्फीली लोकेशंस में फिल्माया गया है जहां अक्सर वहां के मेकर भी जाने से कतराते हैं फिल्म में एक सीन के लिए अजय ने देश विदेश के करीब 2000 से ज़्यादा अलग, अलग अलग खिलौनों का इस्तेमाल किया तो फिल्म के उनके अपोजिट नज़र आई पोलिश एक्ट्रेस एरिका कार जिनके साथ फिल्म शुरू होने से करीब दो महीने पहले हिंदी सीखने के लिए हर रोज़ दो घंटे तक हिंदी में डायलॉग ड्रिवरी को लेकर वर्कशॉप की थी अजय इस फिल्म को कनाडा में शूट करना चाहते थे लेकिन अजय कनाडा में फिल्म के पहले शूटिंग के लिए पहुंचे तो अगले कई दिन तक वहां जमकर बर्फबारी हुई जिसका असर फिल्म के बजट पर पड़ा आखिरकार अजय ने फिल्म को बुल्गारिया में शूट किया यकीनन अजय ने बतौर निर्माता निर्देशक अपनी ओर से इस प्रोजेक्ट पर जमकर मेहनत की है लेकिन वही अगर बात और डायरेक्टर फिल्म पर उनकी पकड़ की बात की जाए तो करीब पौने तीन घंटे की इस फिल्म पर उनकी कसी हुई पकड़ नज़र नहीं आती यही वजह है कि उत्तराखंड में बर्फीले पहाड़ों के बीच बसें एक छोटे से गाँव से शुरू हुई सिवाय की शुरुआती रफ़्तार बेहद धीमी है तो वही अजय देवगन और एरिका कार की लव केमिस्ट्री का एंगल भी बेहद कमज़ोर है इंट्रोल के बाद पिता पुत्री के रिश्ते पर फोकस करते सिवाय टोटली एक्शन थ्रिलर फिल्म में बदल जाती है जहां हर दूसरे सीन में जमकर मारकाट और लाशों का ढेर नजर आता है इमोशन और एक्शन का ऐसा संगम भी कुछ अजीब लगता है पहले सीन में चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच से लाशों के साथ बुरी तरह से घायल सिवाय नजर आते हैं सिवाय के पास एक ही गुड़िया का खिलौना नजर आता है यही से फिल्म की कहानी करीब नौ साल पीछे फ्लैशबैक में पहुंचती है सिवाय उत्तराखंड में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसे एक गाँव में रहता है और यही अपना होश संभाला है सिवाय यहाँ इंडियन आर्मी के लिए भी अक्सर मुश्किल वक्त में मदद करने का काम करने के साथ यह आने वाले पर्यटकों को भी हिमालय की ट्रैकिंग पर ले जाने का काम करता है ओलका ने एरिककार यहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए आती है ट्रैकिंग के दौरान एक भीषण बर्फीले तूफान में सिवाय ओलगा और उसके दोस्तों को बचाता है इसी तूफान में फंसे होने के दौरान उनके बीच शारीरिक रिश्ता बन जाता है हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि ओलगा को अगले कुछ वक्त के लिए सिवाय के गांव में रुकना पड़ता है यही उसे पता चलता है कि वह मां बनने वाली है ओलगा अपनी फैमिली के पास बुल्गारिया जाना चाहती है सो उसे बच्चा नहीं चाहिए सो उसे बच्चा नहीं चाहिए दूसरी ओर शिवाय चाहता है कि ओल्गा उसके बच्चे को जरूर जन्म दे ताकि वह ओल्गा के चले जाने के बाद अपनी बाकी जिंदगी उसी के बच्चे के साथ गुजार सके कुछ अरसे बाद ओल्गा को एक बेटी को जन्म देकर अपने देश लौट जाती है ओल्गा और शिवाय की बेटी बोल नहीं पाती लेकिन सुन सकती है शिवाय अब अपनी बेटी गौरा यानी एली एक्स के साथ गांव में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है अचानक एक दिन गौरा को अपनी मां के बारे में पता चलता है जो बुल्गारिया में रह रही है ओल्गा अपनी मां से मिलने की जिद करती है लेकिन सिवाय नहीं चाहता कि गौरा अपनी माँ से मिलने जाए जिसने जन्म देने के बाद उसका मुंह तक नहीं देखा लेकिन गौरा की जिद के सामने सिवाय को झुकना पड़ा सिवाय बेटी गौरा को उसकी माँ से मिलाने बुल्गारिया पहुँचता है लेकिन यहाँ आने के दूसरे ही दिन गौरा का किडनैप हो जाता है सिवाय के लीड किरदार में अजय देवगन ने एक बार फिर गजब एक्टिंग की है बर्फीले पहाड़ों और बुल्गारिया की सड़कों पर अजय देवगन पर फिल्माए गए ज्यादातर एक्शन सीन हॉलीवुड फिल्मों से के एक्शन सीन को टक्कर देते हैं बेशक एरिका के साथ रोमांटिक सीन में अजय देवगन नहीं जमे लेकिन इमोशन सीन में उनका गजब अभिनय है ओलगा के किरदार में एरिका कार सिल्वर स्क्रीन पर बेहद खूबसूरत तो लगती हैं लेकिन अपनी एक्टिंग से कहीं इम्प्रेस नहीं कर पाती सिवाय की बेटी गौरा के रोल में एली गेल एम्स ने मेहनत की है लेकिन शायशा बहगल ने बस अपने किरदार को निभा भर दिया है शायशा को अगर इंडस्ट्री में लंबी पारी खेलनी है तो उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है वही बेलदास सौरभ शुक्ला और, और ग्रीस कर्नार्ड निराश करते हैं और कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ते अगर बतौर डायरेक्टर अजय देवगन की बात करें तो इस फील्ड में अजय देवगन को निराश किया है अजय ने एक ऐसी कमज़ोर कहानी पर फिल्म बनाई जिस पर पर इससे पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं वही उन्होंने फिल्म को दो हिस्सों में बांट कर रख दिया है अगर इंटरल से पहले की बात करें तो फिल्म बाप बेटी के बीच की कहानी है तो इंटरल के बाद फिल्म टोटली सौ फीसदी एक्शन फिल्म बनकर रह जाती है जिससे कहानी की रफ्तार थम जाती है तो वही एक्शन सीन के सामने इमोशनल सीन बोने पड़ जाते हैं अगर अजय चाहते तो आसानी से एक्शन सीन को कम कर सकते थे वही करीब पौने तीन घंटे से ज़्यादा अवध की फिल्म में दस पंद्रह मिनट की फ़िल्म पर कैंची चलाते तो फिल्म ज़्यादा जानदार बन पाती हाँ अजय ने हर एक्शन सीन में जबरदस्त मेहनत की तो वही उनके बाप बेटी के सीन जानदार ढंग से फिल्म हैं फिल्म का संगीत कहानी और माहौल के मुताबिक टाइटल सॉन्ग वही शून्य है वही इकाई के भीतर सिपा सिवाय रिलीज से पहले ही कई म्यूजिक चार्ट में टॉप फाइव में शामिल हो चुका था लेकिन फिल्म के बाकी गाने बस औसत ही हैं लेकिन फिल्म के बाकी गाने बस औसत ही हैं अगर आप अजय देवगन के पक्के फैन हैं तो सिवाय को देखें क्योंकि आपके चहेते स्टार के इस फिल्म में कोई एक्शन सीन दिल दहलाने वाले हैं तो कहीं बर्फीले पहाड़ों पर फिल्म की सिनेमाटोग्राफी कमाल की है अगर कहानी की खामियों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो अजय की यह एक ऐसी मेगा बजट फिल्म है जिससे आप एक्शन और इमोशन को इंजॉय कर सकते हैं अच्छी कहानी पर ख़राब फिल्म कैसे बनाई जाती है इसका उदाहरण है सिवाय इस कहानी पर एक सफल और अच्छी फिल्म बनाने के कई तत्व मौजूद थे लेकिन स्क्रीन प्ले ने पानी फेर दिया सिवाय देखने के बाद हमें दो तीन एक्शन सीक्वेंस और बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी ही याद रहती है सिवाय अजय देवगन एक पर्वतारोही है विदेशी पर्वतारोहियों का एक दल आता है जिसकी मदद सिवाय करता है इसी दल की ओलगा यानी कार से सिवाय की दोस्ती हो जाती है दोनों आकर्षित होकर सारी सीमाएं लांग जाते हैं ओल्गा गर्भवती हो जाती है वह बच्चे को गिराकर अपने देश बुल्गारिया लौट जाना चाहती है लेकिन सिवाय चाहता है कि ओल्गा बच्चे को जन्म दे ओल्गा इसी शर्त पर बच्चे को जन्म देने के लिए राजी होती है कि वह अपने बच्चे को कभी देखेगी भी नहीं और बच्चे की देखभाल की सारी जिम्मेदारी सिवाय की होगी बच्चे को जन्म देने के बाद ओल्गा अपने देश चली जाती है सिवाय अपनी बेटी का नाम गौरा रखता है और कहता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है गौरा गूंगी है आठ वर्ष की होने पर गौरा को पता चलता है कि उसकी माँ जीवित है वह माँ से मिलने की जिद करती है आखिरकार सिवाय उसे लेकर बुलगारिया जाता है दोनों उल्गा को ढूंढते हैं इसी बीच गौरा का अपहरण हो जाता है सिवाय को पता चलता है कि बुलगारिया में बहत्तर घंटे के अंदर या तो बच्चे को बैसा व्रत में ढकेल दिया जाता है या उसके अंग बेच दिए जाते हैं बहाव यानी बेरदास और अनुष्का यानी सायसा की मदद से सिवाय किस तरह से अपनी बेटी को बचाता है यह फिल्म का सार है संदीप श्रीवास्तव ने फिल्म ने कहानी तो अच्छी लिखी लेकिन स्क्रीन प्ले ने सारा मजा कर किरा कर दिया सिवाय की बेटी को गूंगी दिखाने का कोई औचित्य ही नज़र नहीं आया ओलगा का किरदार भी ठीक से नहीं लिखा गया है पहले तो आप अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देखती और बाद में बेटी के लिए उसका बेसब्र होना जंचता नहीं है स्क्रीन प्ले में इमोशन पैदा करने की गुंजाइश थी जिसका उपयोग ही नहीं किया गया पिछले वर्ष प्रदर्शित हुई बजरंगी भाईजान की भी कहानी भी कुछ इस तरह की थी लेकिन उसमें इमोशन और मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा गया था सिवाय इस मामले में बहुत पिछड़ गई फिल्म का मूड उदासी वाला है सिवाय और गौरा के बुल्गारिया पहुंचने तक भी फिल्म ठीक रहती है लेकिन इसके बाद बिखर जाती है जबकि गौरा को बहत्तर घंटे में ढूंढने वाला मिशन रोमांच से भरपूर होना था इस मिशन में गत महसूस नहीं होती क्योंकि फिल्म को बहुत लंबा खींचा गया है अंत में तो सिवाय बहुत ज़्यादा फिल्मी हो गई है जब सिवाय और गौरी पर सैकड़ों गोलियाँ चलाई जाती हैं लेकिन एक भी उन्हें नहीं लगती पीछा करने वाले और एक्शन सिक्वेंस इतने लंबे हो गए हैं कि बोरियत होने लगे लगती है अजय देवगन का निर्देशन औसत दर्जे का है उन्होंने हर दृश्य में अपने आप को रखा है हर कारनामा वे करते हैं सपोर्टिंग कास्ट को उभरने का अवसर ही उन्होंने नहीं दिया है इस वजह से सौरभ शुक्ला गिरीश कर्नाड वीरदास की भूमिकाएँ आधी अधूरी लगती हैं अपने फिल्मएं शार्ट्स पर अजय इतने मोहित हो गए कि उन्हें हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए इससे फिल्म अनावश्यक रूप से लंबी हो गई कायदे से तो यह फिल्म दो घंटे की ही होनी थी फिल्म के स्टंट और एक्शन सीक्वेंस तारीफ़ के योग्य हैं हालांकि लंबे होने के कारण यह उतने असरदार नहीं बन पाए असीम बजाज की सीनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है अभिनय की बात की जाए तो अजय देवगन ने अपने किरदार को कुछ ज्यादा ही गंभीरता दे दी है हालांकि स्क्रिप्ट से उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिला लेकिन जितना हो सका उन्होंने किया एक्शन सिक्वेंस में बेहतर रहे एरिका कार का अभिनय औसत दर्जे का रहा गौरा बनी एबिलगेल एम्स दर्शकों का दिल जीत नहीं पाई और इसमें दोष निर्देशक का है सायशा सहगल ने इस फिल्म से अपनी शुरुआत की है लेकिन उन्हें ज्यादा अवसर नहीं मिल पाए फिल्म का टाइटल ट्रैक छोड़ दिया जाए तो मिथुन का संजीत संगीत निराचनक है उनका बैकग्राउंड म्यूजिक तो बी ग्रेड फिल्मों जैसा है कुल मिलाकर सिवाय एक लंबी और थका देने वाली फिल्म है जिसमें मनोरंजन के तत्व भी कम हैं करीब डेढ़ सौ करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी निर्माता निर्देशक अभिनेता की बहुचर्चित फिल्म सिवाय अजय देवगन के दिल के बेहद करीब है पिछले साल अजय देवगन ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था इस दौरान उन्होंने दो नई फिल्मों की शूटिंग इसलिए शुरू नहीं की ताकि वह इस फिल्म को अपना सौ फीसदी दे सके अजय के मुताबिक बचपन से वह भगवान शिव के ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं और यही वजह है कि उन्होंने इस फिल्म को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इस फिल्म को बुल्गारिया की ऐसी उस दुर्गम बर, बर्फीली लोकेशंस में फिल्माया गया है जहां अक्सर वहां के मेकर भी जाने से कतराते हैं फिल्म में एक सीन के लिए अजय ने देश विदेश के करीब 2000 से ज़्यादा अलग अलग, अलग खिलौनों का इस्तेमाल किया तो फिल्म के उनके अपोजिट नज़र आई पोलिश एक्ट्रेस एरिका कार जिनके साथ फिल्म शुरू होने से करीब दो महीने पहले हिंदी सीखने के लिए हर रोज़ दो घंटे तक हिंदी में डायलॉग ट्रिबरी को लेकर वर्कशॉप की थी अजय इस फिल्म को कनाडा में शूट करना चाहते थे लेकिन अजय कनाडा में फिल्म के पहले शूटिंग के लिए पहुंचे तो अगले कई दिन तक वहां जमकर बर्फबारी हुई जिसका असर फिल्म के बजट पर पड़ा आखिरकार अजय ने फिल्म को बुल्गारिया में शूट किया यकीनन अजय ने बतौर निर्माता निर्देशक अपनी ओर से इस प्रोजेक्ट पर जमकर मेहनत की है लेकिन वही अगर बात और डायरेक्टर फिल्म पर उनकी पकड़ की बात की जाए तो करीब पौने तीन घंटे की इस फिल्म पर उनकी कसी हुई पकड़ नज़र नहीं आती यही वजह है कि उत्तराखंड में बर्फीले पहाड़ों के बीच बस एक छोटे से गाँव से शुरू हुई सिवाय की शुरुआती रफ्तार बेहद धीमी है तो वही अजय देवगन और एरिका कार की लव केमिस्ट्री का एंगल भी बेहद कमज़ोर है इंट्रोल के बाद पिता पुत्री के रिश्ते पर फोकस करते सिवाय टोटली एक्शन थ्रिलर फिल्म में बदल जाती है जहां हर दूसरे सीन में जमकर मारकाट और लाशों का ढेर नजर आता है इमोशन और एक्शन का ऐसा संगम भी कुछ अजीब लगता है पहले सीन में चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच से लाशों के साथ बुरी तरह से घायल सिवाय नजर आते हैं सिवाय के पास एक ही गुड़िया का खिलौना नजर आता है यही से फिल्म की कहानी करीब नौ साल पीछे फ्लैशबैक में पहुंचती है सिवाय उत्तराखंड में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसे एक गाँव में रहता है और यही अपना होश संभाला है सिवाय यहाँ इंडियन आर्मी के लिए भी अक्सर मुश्किल वक्त में मदद करने का काम करने के साथ यह आने वाले पर्यटकों को भी हिमालय की ट्रैकिंग पर ले जाने का काम करता है ओलगा का कार यहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए आती है ट्रैकिंग के दौरान एक भीषण बर्फीले तूफान में शिवाय ओलगा और उसके दोस्तों को बचाता है इसी तूफान में फंसे होने के दौरान उनके बीच शारीरिक रिश्ता बन जाता है हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि ओलगा को अगले कुछ वक्त के लिए सिवाय के गांव में रुकना पड़ता है यही उसे पता चलता है कि वह मां बनने वाली है ओलगा अपनी फैमिली के पास बुल्गारिया जाना चाहती है सो उसे बच्चा नहीं चाहिए सो उसे बच्चा नहीं चाहिए दूसरी ओर शिवाय चाहता है कि ओल्गा उसके बच्चे को जरूर जन्म दे ताकि वह ओल्गा के चले जाने के बाद अपनी बाकी ज़िंदगी उसी के बच्चे के साथ गुजार सके कुछ अरसे बाद ओल्गा को एक बेटी को जन्म देकर अपने देश लौट जाती है ओल्गा और शिवाय की बेटी बोल नहीं पाती लेकिन सुन सकती है शिवाय अब अपनी बेटी गौरा यानी एली एक्स के साथ गांव में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है अचानक एक दिन गौरा को अपनी मां के बारे में पता चलता है जो बुल्गारिया में रह रही है ओलगा अपनी मां से मिलने की जिद करती है लेकिन सिवाय नहीं चाहता कि गौरा अपनी मां से मिलने जाए जिसने जन्म देने के बाद उसका मुंह तक नहीं देखा लेकिन गौरा की जिद के सामने सिवाय को झुकना पड़ा सिवाए बेटी गौरा को उसकी माँ से मिलाने बुल्गारिया पहुँचता है लेकिन यहाँ आने के दूसरे ही दिन गौरा का किडनैप हो जाता है सिवाय के लीड किरदार में अजय देवगन ने एक बार फिर गजब एक्टिंग की है बर्फीले पहाड़ों और बुल्गारिया की सड़कों पर अजय देवगन पर फिल्माए गए ज्यादातर एक्शन सीन हॉलीवुड फिल्मों से के एक्शन सीन को टक्कर देते हैं बेशक एरिका के साथ रोमांटिक सीन में अजय देवगन नहीं जमे लेकिन इमोशन सीन में उनका गजब अभिनय है ओलगा के किरदार में एरिका कार सिल्वर स्क्रीन पर बेहद खूबसूरत तो लगती हैं लेकिन अपनी एक्टिंग से कहीं इम्प्रेस नहीं कर पाती सिवाय की बेटी गौरा के रोल में एली गेल एम्स ने मेहनत की है लेकिन शायशा बहगल ने बस अपने किरदार को निभा भर दिया है शायशा को अगर इंडस्ट्री में लंबी पारी खेलनी है तो उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है वही बेरदास सौरभ शुक्ला और, और ग्रीस कर्नाड निराश करते हैं और कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ते अगर बतौर डायरेक्टर अजय देवगन की बात करें तो इस फील्ड में अजय देवगन को निराश किया है अजय ने एक ऐसी कमजोर कहानी पर फिल्म बनाई जिस पर इससे पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं वही उन्होंने फिल्म को दो हिस्सों में बांट कर रख दिया है अगर इंटरल से पहले की बात करें तो फिल्म बाप बेटी के बीच की कहानी है तो इंट्रोल के बाद फिल्म टोटली सौ फीसदी एक्शन फिल्म बनकर रह जाती है जिससे कहानी की रफ्तार थम जाती है तो वही एक्शन सीन के सामने इमोशनल सीन बोने पड़ जाते हैं अगर अजय चाहते तो आसानी से एक्शन सीन को कम कर सकते थे वही करीब पौने तीन घंटे से ज़्यादा अवध की फिल्म में दस पंद्रह मिनट की फिल्म पर कैंची चलाते तो फिल्म ज़्यादा जानदार बन पाती हाँ अजय ने हर एक्शन सीन में ज़बरदस्त मेहनत की तो वही उनके बाप बेटी के सीन जानदार ढंग से फिल्म हैं फिल्म का संगीत कहानी और माहौल के मुताबिक टाइटल सॉन्ग वही शून्य है वही इकाई के भीतर छिपा सिवाय रिलीज से पहले ही कई म्यूजिक चार्ट में टॉप फाइव में शामिल हो चुका था लेकिन फिल्म के बाकी गाने बस औसत ही हैं लेकिन फिल्म के बाकी गाने बस औसत ही हैं अगर आप अजय देवगन के पक्के फैन हैं तो सिवाय को देखें क्योंकि आपके चहते स्टार के इस फिल्म में कोई एक्शन सीन दिल दहलाने वाले हैं तो कहीं बर्फीले पहाड़ों पर फिल्म की सोनेमाटोग्राफी कमाल की है अगर कहानी की खामियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो अजय की यह एक ऐसी मेगा बजट फिल्म है जिससे आप एक्शन और इमोशन को इंजॉय कर सकते हैं अच्छी कहानी पर ख़राब फिल्म कैसे बनाई जाती है इसका उदाहरण है सिवाय इस कहानी पर एक सफल और अच्छी फिल्म बनाने के कई तत्व मौजूद थे लेकिन स्क्रीन प्ले ने पानी फेर दिया सिवाय देखने के बाद हमें दो तीन एक्शन सीक्वेंस और बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी ही याद रहती है सिवाय अजय देवगन एक पर्वतारोही है विदेशी पर्वतारोहियों का एक दल आता है जिसकी मदद सिवाय करता है इसी दल की ओल्गा एरिका कार से सिवाय की दोस्ती हो जाती है दोनों आकर्षित होकर सारी सीमाएं लांग जाते हैं ओल्गा गर्भवती हो जाती है वह बच्चे को गिरा अपने देश बुल्गारिया लौट जाना चाहती है लेकिन सिवाय चाहता है कि ओल्गा बच्चे को जन्म दे ओल्गा इसी शर्त पर बच्चे को जन्म देने के लिए राजी होती है कि वह अपने बच्चे को कभी देखेगी भी नहीं और बच्चे की देखभाल की सारी जिम्मेदारी सिवाय की होगी बच्चे को जन्म देने के बाद ओल्गा अपने देश चली जाती है सिवाय अपनी बेटी का नाम गौरा रखता है और कहता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है गौरा गूँगी है आठ वर्ष की होने पर गौरा को पता चलता है कि उसकी माँ जीवित है वह माँ से मिलने की जिद करती है आखिरकार सिवाय उसे लेकर बुलगारिया जाता है दोनों उलगा को ढूंढते हैं इसी बीच गौरा का अपहरण हो जाता है सिवाय को पता चलता है कि बुल्गारिया में बहत्तर घंटे के अंदर या तो बच्चे को बैसा व्रत में ढकेल दिया जाता है या उसके अंग बेच दिए जाते हैं बहाव यानी बीरदास और अनुष्का यानी सायसा की मदद से सिवाय किस तरह से अपनी बेटी को बचाता है यह फिल्म का सार है संदीप श्रीवास्तव ने फिल्म ने कहानी तो अच्छी लिखी लेकिन स्क्रीन प्ले ने सारा मजा कर किरा कर दिया सिवाय की बेटी को गूंगी दिखाने का कोई औचित्य ही नज़र नहीं आया ओलगा का किरदार भी ठीक से नहीं लिखा गया है पहले तो आप अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देखती और बाद में बेटी के लिए उसका बेसब्र होना चंचता नहीं है स्क्रीन प्ले में इमोशन पैदा करने की गुंजाइश थी जिसका उपयोग ही नहीं किया गया पिछले वर्ष प्रदर्शित हुई बजरंगी भाईजान की भी कहानी भी कुछ इस तरह की थी लेकिन उसमें इमोशन और मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा गया था सिवाय इस मामले में बहुत पिछड़ गई फिल्म का मूड उदासी वाला है सिवाय और गौरा के बुल्गारिया पहुँचने तक भी फिल्म ठीक रहती है लेकिन इसके बाद बिखर जाती है जबकि गौरा को बहत्तर घंटे में ढूंढने वाला मिशन रोमांच से भरपूर होना था इस मिशन में गत महसूस नहीं होती क्योंकि फिल्म को बहुत लंबा खींचा गया है अंत में तो सिवाय बहुत ज़्यादा फिल्मी हो गई है जब सिवाय और गौरी पर सैकड़ों गोलियां चलाई जाती हैं लेकिन एक भी उन्हें नहीं लगती पीछा करने

फिल्म के स्टंट और एक्शन सीक्वेंस तारीफ़ के योग्य हैं हालांकि लंबे होने के कारण यह उतने असरदार नहीं बन पाए असीम बजाज की सीनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है अभिनय की बात की जाए तो अजय देवगन ने अपने किरदार को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता दे दी है हालांकि स्क्रिप्ट से उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिला लेकिन जितना हो सका उन्होंने किया एक्शन सिक्वेंस में बेहतर रहे एरिका कार का अभिनय औसत दर्जे का रहा गौरा बनी एबिलगेल एम्स दर्शकों का दिल जीत नहीं पाई और इसमें दोष निर्देशक का है सायशा सहगल ने इस फिल्म से अपनी शुरुआत की है लेकिन उन्हें ज्यादा अवसर नहीं मिल पाए फिल्म का टाइटल ट्रैक छोड़ दिया जाए तो मिथुन का संगीत निराशजनक है उनका बैकग्राउंड म्यूजिक तो बी ग्रेड फिल्मों जैसा है कुल मिलाकर सिवाय एक लंबी और थका देने वाली फिल्म है जिसमें मनोरंजन के तत्व भी कम हैं